हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है डिजिप्लेक्स पिक्चर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस फिल्म के ऊपर बात करने वालों, इस फिल्म का नाम है विनय या विधैया रामा। तो इस फिल्म के ऊपर बात करेंगे, इस फिल्म को कम्प्लीटली डिटेल के साथ मूवी को रिव्यू करेंगे, और इसके अलावा इस फिल्म के जो डब्ड वर्जन है, हिंदी डब्ड वर्जन है, कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर, कौन से सैटेलाइट चैनल पर एंड कौन सी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसके ऊपर भी डिटेल के साथ बात करेंगे। और इसके अलावा फिल्म की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, एंड जहां तक मेरे से पॉसिबल होगा मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा बेस्ट तरीके से मैं आपको कहानी को एक्सप्लेन करूं। और साथ ही में इस फिल्म की बजट के ऊपर बात करेंगे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर बात करेंगे, इसके साथ ही कास्टिंग, कौन सा कैरेक्टर क्या रोल है, किस हिसाब से किरदार को प्ले किया, किस हिसाब से परफॉर्मेंस है, इनके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा भी दोस्तों फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिकल डिपार्टमेंट, फिल्मिंग, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो का आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो पे बने रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी हाँ, सो विनय या विधैया रामा फिल्म। और फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्म की टाइटल को अगर ट्रांसलेट करें, बिकॉज ये जो टाइटल तेलुगु टाइटल है, और इसी टाइटल को अगर ट्रांसलेट करें तो दोस्तों इसका मीनिंग है द मैडेस्ट एंड लॉयल रामा। विनय या विधैया रामा फिल्म 2019 की तेलुगु लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसको की लिखा और डायरेक्ट किया दोस्तों बोयापति श्रीनु ने, जिसको की प्रोड्यूस किया उनके अंदर उनके प्रोडक्शन बैनर्स या फिर प्रोड्यूसर की अगर बात करें तो डीबी दनियान ने। और इस फिल्म में स्टार्स में आपको नजर आएंगे, इस फिल्म में रामचरण, केयर अडवाणी, विवेक ओबरा एंड प्रशांत नजर आएंगे। एंड इस फिल्म में जो म्यूजिक को कंपोज किया देवीश्री प्रसाद ने, एंड फिल्म के अराउंड कोडला रामचरण एंड उनकी एंग्री यंग मैन होना एंड फैमिली के थ्रेट्स, उन सभी को कैसे सॉल्व करता है, अपने फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो इनके बारे में दिखाया गया है। तो फिल्म की स्टोरी बेसिक स्टोरी है, हालांकि फिल्म को कहानी को एक्सप्लेन करेंगे ही। एंड फिल्म की अगर बात करें रिलीज डेट की, दोस्तों मूवी को रिलीज किया गया था 11 जनवरी 2019 को तेलुगु के अलावा डब्ड वर्जन में भी रिलीज किया गया था, तमिल एंड मलयालम में, जो कि फिल्म का जो प्लानिंग था लाइक क्रिटिक्स और ऑडियंस के ऊपर ही था। एंड जिस हिसाब से फिल्म को ऑडियंस एंड क्रिटिक ने क्रिटिसाइज किया गया था लाइक काफी नेगेटिवली, जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉपी हुई है एंड कमर्शियली ये फिल्म फेलियर साबित हुई है। रामचरण ने स्पेशली फिल्म के लिए लाइक फैन से अपोलॉजी भी मांगा है, जहां से अपोलॉजी के लेटर भी जारी किया गया था फैंस के थ्रू कि हाँ ऐसा फिल्म के बारे में उन्होंने बताया होता कि क्या था क्या नहीं था। तो ये था इस फिल्म की लाइक कहानी, तो इससे भी आपको पता चल गया होगा। पर फिल्म को आज के टाइम के हिसाब से अगर बात करें हिंदी ऑडियंस की, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हिंदी ऑडियंस काफी ज्यादा इस फिल्म को देखते हैं, खासकर यूट्यूब पर सर्च वगैरह काफी अच्छे हैं एंड इस फिल्म को अभी भी देखते हैं। तो आपको पता है कि फ्लॉप फिल्मों को लाइक हिंदी ऑडियंस का खासकर यूट्यूब पर देखते हैं, एंड इसका रीजन एक ही है कि रामचरण का फैन फॉलोइंग, जैसे उसी के फैन फॉलोइंग के तौर पर देखते हैं, भले फिल्म खराब हो नहीं हो पर फिल्म को लोग ऑडियंस देखते हैं, क्योंकि इस फिल्म के जो एक्शन थे वो काफी ज्यादा वायरल भी हुए थे, तो जिसके चलते ऑडियंस फिल्म को अभी भी देखते हैं और काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म को लोग देखते भी है, जो कि काफी अच्छी बात कहूंगा। लोग अगर फ्लॉप फिल्म से एंटरटेन हो रहे तो उसमें क्या है। सो ये है, तो फिल्म को डायरेक्ट किया था बोयापति श्रीनु ने, जिसको कि लिखा है जॉय कृष्ण ने, टीची ने, जय बोयापति श्रीनु ने फिल्म की स्क्रीन प्ले को लिखा है, डायलॉग्स को एम रत्नम ने लिखा है। फिल्म की स्टोरी डेफिनेटली बोयापति श्रीनु की स्टोरी से लेकर आइडिया लेवल की उन्हीं की है, जिसको की प्रोड्यूस किया हुआ दीदी सॉरी डी वी वी दनिया ने, और जहां पर आपको इस फिल्म में सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलेगी आर्थर ए विलियमसन की फिल्म क्रेडिट किया दोस्तों कोटागिरी वेंकटेश राव ने, एंड देवीश्री प्रसाद की बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक कंपोजिंग किया हुआ, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर भी इस फिल्म में काम किया है। इस फिल्म को डीबी एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन बैनर के थ्रू फिल्म को बनाया, फिल्म को रिलीज किया था 11 जनवरी 2019 को। फिल्म का रन टाइम 144 मिनट, जिसको की तेलुगु के अलावा डब्ड वर्जन में भी रिलीज किए गए थे तमिल एंड मलयालम में। एंड जिसकी कलेक्शन की अगर बात करें, हालांकि फिल्म का बजट तो काफी लाइक है, जो की बजट के ऊपर वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्म के कलेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं, तो फिल्म के जो कलेक्शन है एंड जो मैं कलेक्शन बताने जा रहा हूँ, ये कलेक्शन एस्टिमेटेड कलेक्शंस हैं। एंड फिल्म ने कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर या फिर फिल्म की लाइफ टाइम कलेक्शन यही मानी जाएगी, जो कलेक्शन किया हुआ है 63 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर, तो ये ध्यान में जरूर रखिएगा। हाँ, कलेक्शन के बारे में वीडियो के आखिरी में बात करेंगे, क्योंकि इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, हालांकि रीजन क्या है जो कि ऑलरेडी फैंस के द्वारा एक अपोलॉजी
उसे लेटर लाइक एक्टर ने खुद ही जारी किया गया था। तो ये था, फिर भी बात करेंगे उसके ऊपर जब बजट के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो ट्राई करूंगा कि खुल के चीजों को मैं आप सभी से शेयर करूं। सो फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बात करते, पूरी कास्टिंग के ऊपर बात करते, कैरेक्टर के ऊपर बात करते, परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात करते हैं। तो चलिए, रामचरण, कियारा आडवाणी, विवेक ओबेरॉय, प्रशांत एंड इसके साथ ही स्नेहा, आर्या राजेश, मुथुमिता, रवि वर्मा, हिमांजा, मधुसूदन, परवीन, मुकेश ऋषि, हरीश उत्तम, महेश मांजरेकर, तलपति राव, जयप्रकाश, सलीम बायग, हिमा, पृथ्वीराज, जीवी सुधाकर नायडू, प्रियदर्शनी राम एंड ईशा गुप्ता। एंड कैरेक्टर की अगर बात कर, रोल की अगर बात कर, तो राम आपको इस फिल्म में जो है कोनीडेला राम के रोल में नजर आएंगे, कियारा आडवाणी आपको इस फिल्म में कोनीडेला सीता के रोल में नजर आएंगी, विवेक ओबेरॉय आपको इस फिल्म में राजा भाई मुन्ना के रोल में नजर आएंगे, प्रशांत आपको इस फिल्म में एज ए कोडीला का भुवन कुमार के रोल में नजर आएंगे, स्नेहा आपको इस फिल्म में कोराडीला का गायत्री देवी के रोल में नजर आएंगी, आर्यन राजेश आपको इस फिल्म में कोडाली का शेखर के रोल में नजर आएंगी, मधुमिता शेखर के वाइफ का रोल प्ले कर रहे, रवि वर्मा आपको इस फिल्म में कोडाली का राजू के रोल में नजर आएंगे, हिमांशा आपको इस फिल्म में राजू के वाइफ के रोल में नजर आएंगे, इसके साथ ही मधुसूदन आपको इस फिल्म रामू का फोर्थ ब्रदर के रोल में नजर आएंगे, परवीन एज ए सैलेजा के रोल में नजर आएंगे, मुकेश ऋषि एज ए पांडियम परशुराम के रोल में नजर आएंगे, हरीश उत्तम इस फिल्म में बेलम बालराम के रोल में नजर आएंगे जो कि परशुराम के ब्रदर इन लॉ हैं, मुकेश ऋषि आपको इस फिल्म में महेश मांजरेकर आपको इस फिल्म में चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार के रोल में नजर आएंगे, चलपति राव इस फिल्म में कोडाली के सुब्रमण्यम के रोल में नजर आएंगे, जयप्रकाश चीफ मिनिस्टर ऑफ बीपी के रोल में नजर आएंगे, सलीम बेग आपको इस फिल्म में रजी सिंह के रोल में नजर आएंगे, हेमा माधवी के रोल में नजर आएंगे, इसके साथ ही पृथ्वी राज आपको इस फिल्म में धर्मेंद्र के रोल में नजर आएंगे, जीव सुधाकर नायडू राजा मुन्ना भाई के रोल में नजर आएंगे, इसके साथ ही प्रियदर्शन राम इनकाउंटर स्पेशलिस्ट शंकर के रोल में नजर आएंगे, ईशा गुप्ता का शरण्या के तौर पर उनका स्पेशल अपीयरेंस रखा हुआ है, और एक तरह से आप एक्सटेंडेड कैमियो भी कह सकते हो। एंड परफॉर्मेंस की अगर बात करें, तो डेफिनेटली फिल्म के स्क्रिप्ट के हिसाब से, डायरेक्टर के हिसाब से जो परफॉर्मेंस की अगर बात करें, तो उनमें भी आप डेफिनेटली क्रिटिसाइज करोगे, यहाँ तक कि लीड एक्टर की मैं बात करूँ, यहाँ तक कि हीरो की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी परफॉर्मेंस में भी आपको लाइक कुछ ना कुछ कमियां आपको जरूर नजर आएगी। हालांकि कमियां की अगर बात करें, तो डेफिनेटली यहाँ पर डायरेक्टर ने ही उस तरीके से आपसे परफॉर्मेंस निकलवाई है, जो कि इसमें एक्टर का कोई दोष है नहीं, क्योंकि डायरेक्टर ने जिस हिसाब से सीन्स को उन्होंने कहा उसी हिसाब से किया, उसी हिसाब से परफॉर्मेंस उन्होंने दिया हुआ। तो ये है, हालांकि परफॉर्मेंस की अगर बात करें, ओवरऑल एवरेज आपको नजर आएंगे यहाँ तक के लिए एक्टर की, बिकॉज फिल्म में रिएक्शंस ओवर द टॉप किए गए, परफॉर्मेंस ओवर द टॉप्स हैं, लाइक वो फिल्म देखने पर वो आपको आइडिया मिल ही जाएगा कि हालांकि क्यों कह रहा हूँ। एंड सभी की परफॉर्मेंस आपको ओवर द टॉप ही नजर आएंगे, कुछ कुछ जगह तो आपको काफी क्रिंज आपको फील होगी कि यार क्या हो रहा है, इतने बड़े एक्टर है, इतने बड़े एक्टर क्या हो रहा है फिल्म में, तो ऐसा फील होगा। एंड यही कारण है कि भयवतीशिनु की हालांकि एक ही फिल्म में उनकी हिट हुई है, ब्लॉकबस्टर हुई है, पर सभी फिल्म उन्होंने जितनी भी फिल्म उन्होंने किया हुआ है सभी फिल्में फ्लॉपी हुई है। एंड इसका रीजन है कि आउटडेटेड कहानी एंड वही पुरानी जैसी फिल्मों को बनाते थे उसी हिसाब से वो फिल्मों को अभी भी बना रहे, उसी वे में बना रहे, जो कि ऑडियंस इस चीज को अब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि चीजों को काफी ज्यादा रियल रखना भी होना चाहिए। एंड लाइक होता है चीजों को लाइक उस टाइम की फिल्में वो चल जाती है, हाँ ऐसा नहीं कि फिल्में नहीं चलती पर थिएटर्स में नहीं चलती, पर उसी फिल्मों को अगर यूट्यूब पर या फिर टीवी पर रिलीज करवाते तो ऑडियंस देखते हैं, क्योंकि उस तरह की फिल्में यूट्यूब एंड टीवी पर ही देखने का जो अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है, वही अगर आप थिएटर्स में फिल्म को देखने नहीं जाते ऑडियंस, तो ये है, तो ये कारण है। बाकी ज्यादा इसके बारे में क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, हाँ किसी और दिन अगर होगा तो डेफिनेटली बात करेंगे। हालांकि कियारा आडवाणी एंड यहाँ पर बात करें रामचरण की, फिर से उनकी कोलैबोरेशन होने जा रही है, तो देखते हैं कि उनका जो फर्स्ट कोलैबोरेशन आई थिंक इसी फिल्म के साथ ही हुई है, तो डेफिनेटली देखना होगा कि उनकी सेकेंड कोलैबोरेशन कैसी रही। हालांकि फर्स्ट कोलैबोरेशन उनकी तो काफी बड़ी फ्लॉप रही है, तो इसके ऊपर भी वीडियो में आगे चलकर डेफिनेटली थोड़ी बहुत उसके ऊपर भी चर्चा तो करूंगा ही, चर्चा करने का मन है। फिल्म की प्री प्रोडक्शन के ऊपर आते, तो ऋषि पंजाबी ने वर्क किया था भयवतीशिनु के साथ सरनाडवा एंड जय जानकी नायिका फिल्म में, एंड इन्हें सिनेमाटोग्राफर के तौर पर उन्होंने शॉर्ट्स भी किए थे, हाफ में किए गए थे, पर बाद में हाफ में उनको बाहर कर दिया गया था। एज पर रिजल्ट के हिसाब से विलियमसन को पूरी पोर्शन को कंप्लीट किया गया था, लाइक हाफ ही उनके द्वारा किया था, हाफ के बाद
आर्थर विलियमसन के द्वारा किया गया था। आई थिंक क्रिएटिव डिफरेंस के चलते मे भी हुआ होगा। इसके साथ ही फोर्थ कोलेबरेशन हुआ प्रोफेशन एंड भीमा भीम एंड डेमो फिल्म में। इसके साथ ही ऑल्सो रिटर्न किया था तो तमिल एक्टर प्रशांत ने, जो कि तेलुगु फिल्म में नियरली 25 बाद उन्होंने किया हुआ था कमबैक। तो ये था। एंड ज्यादा फिल्म की प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में जानकारी नहीं है, और इसका मेन रीजन है कि फिल्म फ्लॉप हुई है। बाकी अगर फिल्म अगर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमाई करता है, अगर अच्छा होता तो डेफिनेटली और भी आपको इस फिल्म के बारे में डिटेल्स आपको डेफिनेटली पता चल जाता। कि मुझे अगर पता चलता तो डेफिनेटली मैं आपको तो शेयर तो करूंगा ही, ऑब्वियसली बात है। ना ही पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में, ना ही प्री प्रोडक्शन के बारे में, जो था ऑलरेडी मैं आप सभी को बता ही चुका हूँ। और ना ही फिल्मिंग के बारे में ज्यादा जानकारी दी है कि फिल्मिंग शूटिंग कहाँ कहाँ करवाई गई है, रैप अप कब हुई है, कौन से लोकेशंस में कहाँ का कौन से लोकेशन में शूट किए गए थे, सेट क्रिएट कहाँ गया है। तो इन सभी की डिटेल्स अभी भी अधूरी है, लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर पता चलेगा जो कि सिनेमाटोग्राफर के तौर पर है, जो कि सेरेनाडो एंड जयजागे फिल्म में काम किया था सिनेमाटोग्राफर तौर पर, और इस फिल्म में भी फिल्म का हाफ कम्प्लीट किया था उनके द्वारा, पर उनको बाहर कर दिया गया था शेड्यूलिंग के चलते। यही तो बताया था, शेड्यूलिंग के चलते ही बताया हो, बाकी इसका मेन रीजन क्या तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी को यहाँ पर आर्थर विलियम्स ने कंप्लीट किया, जो कि आपको बता चुका। फिर से डिटेल के साथ सभी चीजों को बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको, हालांकि आप समझ ही जाते हो, पर मैं दोबारा बता देता हूँ फिर से रिपीटर के तौर पर, ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर चुका चीजों को। एंड ट्रैक की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 5 है। टाइटल के लिरिक्स के बारे में ऑलमोस्ट यहाँ पर श्री मनी ने सभी गाने को लिखा है। लिरिक्स गाने को गया एम एल कार्तिकिया, जसप्रीत, देवीश्री प्रसाद, सिम्बा एंड कला भैरवा ने। लेंथ वगैरह की बात करो, एक्चुअली टोटल लेंथ के ऊपर बात करते हैं, तो जो टोटल लेंथ है 20 मिनट 23 सेकंड है। एंड दोस्तों अगर बात करें फिल्म की, मलयालम एंड यहाँ पर तमिल ट्रैक को भी लिए गए, गाने वगैरह को डब किए गए थे। एंड ऑलमोस्ट अगर बात करें तमिल वर्जन में कुछ सेकंड ज्यादा है, एंड उसी तरह मलयालम की अगर बात करें, एल्बम की अगर बात करें म्यूजिक की, तो उनमें 18 मिनट के आसपास है। तो मे भी गाने वगैरह को ट्रिम किए गए होंगे या फिर गाने वगैरह को कम किया गया था, मे भी इसके बारे में नहीं पता है। पर जाहिर सी बात है, इतनी फ्लॉप फिल्मों को रिलीज किया गया था, सो क्या मेकर्स को कॉन्फिडेंस था, पर हुआ नहीं। सो फिल्म को विनैया रामा फिल्म को रिलीज किया था वर्ल्ड वाइड 11 जनवरी 2019 को, और संक्रांति के वीकेंड को ही टारगेट करके मूवी को रिलीज किया गया था। एंड चलिए कुछ क्रिटिक्स एंड ऑडियंस के रिएक्शंस के ऊपर भी बात कर लेते, रिव्यू के ऊपर भी बात कर ही लेते। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को 1 out of 5 star की रेटिंग दी है। इंडिया टुडे ने इस फिल्म को 2 out of 5 star की रेटिंग दी है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 1 out of 5 star की रेटिंग दी है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस फिल्म को 0.5 out of 5 star की रेटिंग दी है। इस फिल्म को फर्स्ट पोस्ट ने इस फिल्म को 1 out of 5 star की रेटिंग दी है। तो ये ओवरऑल क्रिटिक का रिएक्शन है, उनकी तरफ से रेटिंग दी है, तो डेफिनेटली इसे भी आइडिया आपको हो ही गया होगा। एंड हालांकि मैं आपको बात करूं तो मैंने इस फिल्म को एक्चुअली याद नहीं है कि देखा कि नहीं, जहां तक मुझे लगता है कि फिल्म को नहीं देखा हुआ है अभी भी, अगर देखा भी है तो स्किप करके देखा हुआ है। तो ये है, हालांकि अच्छी फिल्मों को मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूं, तो आप समझ सकते हो कि हाँ अगर ये फिल्म कभी टीवी पर मैं आता है तो डेफिनेटली देख लूंगा, या फिर इस फिल्म को अगर यूट्यूब पर रिलीज करवाता है, अगर मुझे टाइम मिलता है तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा, उसके बाद मैं आपको अपना प्रॉपर ओपिनियन मैं आपको दूंगा। हालांकि ओपिनियन क्या देना, जो कि ऑलरेडी जो डिटेल्स ही ऑलरेडी मैं आप सभी को बता ही चुका हूं, एंड जो चीजें के ऊपर मैं इन सभी के ऊपर जो बातें कर रहा हूं, तो डेफिनेटली ऑडियंस के रिव्यूज, उनके रिएक्शंस, क्रिटिक आर्टिकल्स एंड कलेक्शन से भी डेफिनेटली आपको आइडिया मिल ही जाता होगा। एंड यहाँ तक कि डायरेक्टर के बारे में अगर आप जाने माने डायरेक्टर, तो उसके बारे में भी एटलीस्ट आपको पता ही होता है। एक्टर पॉपुलर है तो डेफिनेटली उसके बारे में पता ही होता है कि क्या है क्या नहीं है। उससे पहले कहानी के ऊपर बात करते हैं, उसके ऊपर कुछ चीज़ों के ऊपर डिटेल के साथ विस्तार से हम बात करेंगे। रामचरण की जो उनकी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो रिलीज होने जा रही है, जिसमें कि लीड में KR अडवाणी ही नजर आएंगे, तो उसके ऊपर बात करेंगे। एंड डायरेक्टर के ऊपर बात करेंगे, और साथ ही बजट के ऊपर तो अभी भी बात नहीं किया, उसके ऊपर बात करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो कि अभी भी काफी सारे बातें किया जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहानी के ऊपर बात करते हैं कि विनय या विदया रामा फिल्म में किस हिसाब से कहानी को दिखाया गया, क्या कहानी था, क्या वाकई कहानी बेकार है कि नहीं, वो आपको पता चल जाएगा। सो कहानी को एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में VVR भी कहते हैं, एंड विनय या विदया रामा फिल्म में जो स्टोरी या फिर फिल्म में जो कहानी दिखाई, ये कहानी दिखाई गई है कोनिडिला रामचरण उर्फ रामा एक शिशु है, जिससे 4 भाई
यो ने गोद लिया है। कोनिडिला भुवन कुमार, शेखर राजू और मथुदाना छोटी उम्र में राम को एक अपहरणकर्ता को मार देता है जो उन्हें मारना चाहता था क्योंकि वह उसके अपराधों के गवाह बन गए थे। जब डॉक्टर कनेडला सुब्रमण्यन को इस बारे में पता चलता है तो वह उन्हें अपने बच्चों की तरह पालने का फैसला करता है। सालों बाद राम अपने भाइयों एंड भाभियों और उनके बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। भुवन अब मुख्य चुनाव आयुक्त है और वह राम, शेखर राजू और मधुनंदन उसके अधीनस्थ है। बाद में राम को महिला अधिकार कार्यकर्ता पप्पी की बेटी सीता से प्यार हो जाता है और जल्दी उनकी सगाई हो जाती है। एंड बलेम बलराम एक महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ है जो भुवन की रिश्वत देने की कोशिश करता है क्योंकि भुवन ने उसका काला धन जब्त कर लिया था। हालांकि भुवन मना कर देता है जिससे बलराम क्रोधित हो जाता है और उसको धमकाता है, लेकिन राम उसे मीडिया के सामने वापस धमकाता है। बलराम के साले पंडम परशुराम ने भुवन से माफी मांगने को कहा, लेकिन राम ने उसे धमकाया और पीटा। अपमानित होकर परशुराम इनकाउंटर स्पेशलिस्ट शंकर के पास जाता है और शंकर राम के परिवार को बंधक बना लेता है। राम परशुराम से माफी मांगने के लिए मौके पर पहुंचता है, लेकिन तानाशाह राजा भाई द्वारा भेजे गए बिहार के गुंडे का सामना करता है। सभी को मारने के बाद गायत्री देवी, राम की बड़ी भाभी और भुवन की पत्नी राम ने घटनाओं के बारे में पूछा। पत्नी अतीत में भुवन को वास्तव में चुनाव आयुक्त के रूप में बिहार भेजा जाता है जो अपने अधिनीतियों के साथ बिहार की यात्रा करता है। राम अपने परिवार और सीता के साथ मंदिर जाने के लिए गुजरात पहुंचता है। जब भुवन बिहार पहुंचता है तो उन्हें पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास ले जाया जाता है। भुवन राम को बुलाता है जो हवाई अड्डे पर था। राम मौके पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है और अकेले ही 300 लोगों को मार डालता है। तो इसमें लॉजिक वाली बात आपको लगता है। सो ये है कहानी के अंदर कुछ चीजें जो कि कहानी से आपको ऑलरेडी पता तो चल ही गया होगा। हालांकि मैं कहानी को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जिसको मैं एक्सेप्ट कर ही रहा हूँ, पर डेफिनेटली इसके ऊपर मैं काम करता हूँ और डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि दिन ब दिन चीजों को मैं इम्प्रूवमेंट करने की जरूर ट्राई करता हूँ। तो खैर उसके ऊपर बात जरूर करेंगे। जहाँ उसे पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास ले जाया जाता है। लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें राजा भाई भुवन को चाकू मार देता है और राम राजा भाई को गंभीर रूप से घायल कर देता है जिससे वह कोमा में चला जाता है। भुवन अपनी चोटों के कारण दम तो देता है जिससे राम और उसके भाई तबाह हो जाते हैं। वर्तमान में गायत्री यह जानकर तबाह हो जाती है और राम से कहती है कि वह उसे भुवन की चिंता पर और बाद में राजा भाई के पास ले जाया और राजा भाई कोमा से ठीक हो जाते हैं और गायत्री उसे राम से लड़ने की चुनौती देती है। राम राजा भाई के गुड़गे से लड़ता है और जल्द ही एक पेड़ से जुरी तलवार से राजा भाई का वो कर देता है। इसी तरह भुवन की मौत का बदला ले लेता है। राम और सीता अपने परिवार के साथ फिर से मिलते हैं। तो दोस्तों फिल्म की जो एक्चुअल कहानी है यही कहानी है जो कहानी में है। ऑलरेडी सभी चीजों को मैं विस्तार से आप सभी को बता चुका हूँ। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसके कहानी को एक्सप्लेन करने के बाद और ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर बात तो डेफिनेटली करेंगे ही। तो लाइक सबसे पहले बात करते हैं कियार आडवाणी एंड एक्टर राम की, जो कि आप सभी को पता है कि उनकी फिल्म रिलीज होने जा रही है। आई थिंक इसी महीने रिलीज की जाएगी। अक्टूबर का महीना उन्होंने ऑलरेडी रखा हुआ और ऑब्वियसली जिसका कि टाइटल को भी कंफर्म कर दिया। जो कि टाइटल के बारे में बात करते हैं तो गेम चेंजर फिल्म का टाइटल का नाम है और आई थिंक RR के बाद रामचरण की एक भी फिल्म में रिलीज नहीं हुई है एंड इस फिल्म के साथ कम बैक करने जा रहा। आई थिंक 2 साल तो हो गए होंगे शायद, तो 2 साल हो गए होंगे और
इसके अलावा अगर बात कर रामचरण की अपकमिंग प्रोजेक्ट की, तो आई थिंक इस फिल्म के बाद ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट को ऑलरेडी लाइक साइन कर चुके हैं जहाँ तक मुझे लगता है। हालांकि इसके बारे में नहीं पता कि कौन कौन से प्रोजेक्ट में उन्होंने लाइक कभी साइन किया हुआ, कौन कौन सी उनकी वो फिल्म अभी करेंगे, तो डेफिनेटली उसके बारे में नहीं पता। पर इतना पता है कि ऑलरेडी गेम चेंजर में है, उसके बाद और फिल्में करेंगे कि नहीं, कौन से डायरेक्टर के साथ आ रहे इसके बारे में नहीं पता। डेफिनेटली अगर मुझे पता भी होगा तो किसी और वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो खैर आज के ऊपर बात करते हैं, गेम चेंजर के ऊपर बात करते हैं एंड कोलैबोरेशन के ऊपर भी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टर राम की अगर बात करें तो आप सभी को बताया कि उसका नाम कोनेडिला रामचरणी है, जो कि फिल्म में भी एक्चुअली नाम को यूज किया गया था। तो खैर वो अलग बात है, एक फैक्ट्स है उस फिल्म के साथ, आप लाइक रख सकते हो, अगर आपको फैक्ट लगा तो उसको आप काउंट कर सकते हो। तो ये है। सो बात करें कोलैबोरेशंस की, केयर अडवाणी एंड रामचरण की अगर बात करें दोनों की कोलैबोरेशन की, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि फर्स्ट कोलैबोरेशन उनका असफल रहा है, और जिस हिसाब से उनको कलेक्शन करना था, जिस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर वो फिल्म चलनी थी, हालांकि वो फिल्म चल नहीं पाई थी, पर डेफिनेटली मुझे जहाँ तक लगता है कि वो फिल्म जैसा तो इस फिल्म के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शंकर डायरेक्टर है और शंकर डायरेक्टर है तो इसमें भी बातें किया जा सकता है। बिकॉज आप सभी को पता है शंकर की जो फिल्म रिसेंटली इंडियन 2, आप सभी को पता कि कितनी बड़ी वो फिल्म डिजास्टर फिल्म साबित हुई है बॉक्स ऑफिस पर, एंड फिल्म का कॉन्सेप्ट स्टोरी लोगों को पसंद ही नहीं आई थी, लेकिन उस फिल्म से लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था काफ़ी अलग लेवल का था, पर वो फिल्म उस एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतर पाई है। पर ऑडियंस लेवल पर एटलीस्ट होप कर रहे कि डेफिनेटली इंडियन 3 लोगों के जो एक्सपेक्टेशन है एटलीस्ट उस एक्सपेक्टेशन पर वो फिल्म खरीद रहे, तो ऑडियंस तो ये एक्सपेक्ट कर रहे। लेट्स सी, फिल्म का जो ट्रेलर इंडियन 3 का जो ट्रेलर है ऑलरेडी रिलीज करवा दी गई थी, तो डेफिनेटली मुझे जहाँ तक लगता है कि क्या होता है नहीं होता है, लेट्स सी क्या होता है, लाइक पार्ट 3 में देखा जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि पार्ट 3 उसी सिमिलैरिटी में बनाई गई है। सो ये है, मुझे ट्रेलर कुछ खास लगा नहीं है। हाँ कुछ कुछ मोमेंट्स थे जो कि काफ़ी अच्छे लगे थे, पर कुछ कुछ मोमेंट्स मतलब डिसअपॉइंटिंग थे। बाकी देखते हैं मेकर्स, अगर लाइक फिल्म को रिलीज़ होने में काफ़ी अच्छा खासा लंबा टाइम है तो मेकर चाहेंगे कि स्क्रिप्ट पे चेंजेस करे, रीशूट्स करे, तो मेकर्स अगर करना चाहें तो करेंगे। तो खैर उस फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, गेम चेंजर के ऊपर बात कर रहा हूँ। एंड डायरेक्टर के लिए इसलिए मैंने बात किया क्योंकि एक डर सा बना रहता है, अगर उनकी अगर प्रीवियस फिल्म में इतनी बड़ी फ्लॉप रहती है तो एक डर बना रहता है, और साथ ही प्लॉट सेम जैसा ही लाइक है फिल्म के अंदर, लाइक पॉलिटिकल लाइक है पॉलिटिकल एंगल मतलब मूवी के अंदर है गेम चेंजर फिल्म में भी, तो इसे डर बना रहता है। और फिल्म का फर्स्ट कोलैबोरेशन रामचरण एंड केयर अडवाणी का वो कुछ खास नहीं रहा, ये भी एक डर बना रहता, पर लेट्स सी क्या होता। हालांकि ट्रेलर लाइक एक गाने को रिलीज किया था, गाने को लोगों को पसंद भी आ रहा है, तो देखते हैं किसी हिसाब से रिस्पॉन्स वगैरह मिलता है। बाकी एक्साइटेड हूँ, और इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि आपको पता है कि गेम चेंज फिल्म में आपको लाइक एजय सूर्या भी आपको नजर आएंगे, तो काफ़ी और इंटरेस्टिंग कास्ट है फिल्म के अंदर, और डायरेक्टर शंकर भी हैं, तो मतलब अलग लेवल का तो लोगों का एक्सपेक्टेशन है। और आरआर के बाद इस फिल्म के साथ लाइक वो कमबैक करने जा रहे हैं, लाइक कमबैक तो नहीं करूँगा, हालांकि 2 साल से उनकी नई फिल्म आई हुई है, तो लाइक कमबैक ही किया जा सक कमबैक ही कहा जाएगा। कमबैक किसको कहा जाएगा, जिसकी फिल्म फ्लॉप होती है काफ़ी समय लाइक लंबे टाइम के, उसको कमबैक किया जाएगा, तो उसको कमबैक नहीं कहा जा सकता, कहा जा सकता है जहाँ तक मुझे लगता है। तो खैर यानी कि 2 साल बाद वो आ रहे हैं, और कास्टिंग भी इंटरेस्टिंग है जैसे कि बता ही चुका हूँ, अजय सूर्या एंड आप सभी को बताया कि सरीपोदा शनिवारम या फिर सूर्य सैटरडे में आपको लाइक दिखाई था, और सोशल मीडिया पर एक गाने के अंदर जिस हिसाब से डांस कर रहे वो भी काफ़ी ज़्यादा लाइक वायरल भी हुआ है, तो है एक्सपेक्टेशन है, और डेफिनेटली अजय सूर्या तो फिल्म के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। तो ये है, बाकी मैं तो एक्साइटेड हूँ, बाकी देखते हैं। अभी तक जितनी भी गेम चेंजर से रिलेटेड कंटेंट वगैरह आया है सभी कंटेंट लोगों को पसंद ही आ रही है, और केयर अडवाणी एंड रामचरण इस फिल्म में तो डेफिनेटली है। और इस फिल्म की जो हाइप वगैरह काफ़ी पहले कमाल का था, अभी भी हाइप है इस फिल्म को लेकर, क्योंकि पोस्टर वगैरह काफ़ी कमाल के आए थे एंड लाइक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट तो नहीं कहूँगा, हालांकि इसके ऊपर भी मैं डेफिनेटली बहुत ही जल्द वीडियो बनाऊंगा एंड जिसमें कि मैं आपको इस फिल्म के ऊपर प्रॉपर सभी डिटेल्स को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं एक लाइक वीडियो की तलाश कर रहा हूं, लाइक जब
प्रॉपर मटेरियल मुझे मिल जाएगी तो डेफिनेटली इस फिल्म के ऊपर भी लाइक वीडियोस बनाऊंगा। हालांकि गाने को रिलीज़ कर दिया गया, जो कि गाने का जो नाम रखा है जगरा गांधी रखा हुआ है, तो अगर आप गाने को सुनना चाहते हो डेफिनेटली सुन सकते हो, सुनना ना सुन सकते आपके ऊपर डिपेंड है। उससे पहले और एक गाने को रिलीज़ किया था, हालांकि उसको 27 मार्च में रिलीज़ किया गया था, एंड जस्ट वो एक गाने रिलीज़ किया गया रा मचा मचा। इस गाने को रिलीज़ किया गया, आई थिंक 30 सितंबर को ही रिलीज़ किया हुआ है। सो ये है, बाकी 20 दिसंबर को रिलीज़ करवाने वाले हैं। एंड फिल्म को रिलीज़ होने में ऑलमोस्ट अगर बात करें तो ये अक्टूबर का महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर लाइक ऑलमोस्ट अभी टाइम है, एंड टाइम है तो फिल्म को लाइक अच्छे खासे प्रमोशंस कंटेंट दे रहे हैं। और फिल्म का बजट अराउंड एस्टिमेटेड जो बजट है 250 करोड़ के अराउंड, लाइक 250 करोड़ का फिल्म का बजट है, तो बहुत ही बड़े बजट की फिल्म भी है। और साथ ही शंकर की अगर बात करें, डायरेक्टर शंकर सर की अगर बात करें, उनकी फिल्म जो आई हुई थी इंडियन 2, ऑलमोस्ट उनका भी बजट काफ़ी था, लाइक बहुत ही बड़ी बजट की वो फिल्म भी थी। हालांकि मेकर्स ने भी बजट के बारे में नहीं बताया, पर इतना तो पता है कि फिल्म का बजट हाई है। सो लेट्स सी क्या होता है। एंड फिल्म की इंडियन 3 की अगर बात करें तो उनका पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क के बारे में पता है, इसके बारे में अगर बजट की अगर बात करें इंडियन 2 की, तो चलिए बजट के ऊपर भी बात करते, तो भी अराउंड 250-300 करोड़ का अराउंड बजट था, वो फिल्म का भी बजट था। हाँ, फिल्म की बजट की अगर बात करें तो प्रोडक्शन वैल्यू भी दिखता भी था, और इतना बड़ा डायरेक्टर है जिन्होंने रोबोट जैसी फिल्में बनाई हुई है। सो ये है, आई लाइक काफ़ी सारे फिल्में बनाई, जैसे कि जेंटलमैन, इंडियन 2, नायक, द रियल हीरो, बॉयज, शिवाजी द बॉस, इथिरन, नंबेन, आई, तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग उन्होंने प्रोजेक्ट को बनाई है। डायरेक्टर हालांकि वो डिफरेंट डिफरेंट टेक लेती है, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट को भी करते हैं, इसमें नो डाउट। तो डेफिनेटली आने वाले प्रोजेक्ट के लिए मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हालांकि गेम चेंजर की ऑलरेडी शूटिंग रिलीज़ करने वाले, पोस्ट प्रोडक्शन में भी है, इंडियन 3 का शूटिंग तो ऑलरेडी हो चुका है। मुझे जहाँ तक लगता है कि इन दोनों फिल्मों को कम्प्लीट होने के बाद मे भी देखते हैं कौन सा एक्टर के साथ कोलाबरेशन हमें देखने को मिलता है, कोलाबरेट करते हैं, इंटरेस्टिंग होने वाले, बिकॉज एक्साइटेड तो हूँ। एंड रामचरण की प्रोजेक्ट, आपके कौन सी प्रोजेक्ट है इसके बारे में तो ज़्यादा नहीं पता है, हालांकि इस फिल्म के बाद वो कौन से डायरेक्टर के साथ कोलाबरेट करेंगे उसके बारे में भी नहीं पता है। हालांकि एक अनाउंसमेंट पहले से भी हो चुकी है, जो कि उनकी खुद की प्रोडक्शन बैनर में उस फिल्म को बनाई जाएगी। आई थिंक फिल्म का टाइटल वगैरह को किया गया है, हालांकि ज़्यादा जानकारी तो नहीं बता सकते कि क्या है क्या नहीं है। सो ये है। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें विनय या विदय फिल्म की बजट की, इसके ऊपर हालांकि मैंने बजट के ऊपर अभी भी बात नहीं की है, सो लेट्स सी बजट के ऊपर बात करते हैं कि अराउंड फिल्म का क्या बजट था क्या नहीं था। हालांकि एक्चुअल बजट की बात करें तो बजट अप्रोक्सली 75-70 करोड़ के आसपास है, एंड फिल्म ने जो कलेक्शन किया 63 करोड़ कलेक्शन किया हुआ है। सो मे बी बजट में एस्टिमेटेड बजट है, एक्यूरेट नहीं है, मेकर्स ने चीज़ को ऑफिशियली नहीं रिवील किया कि हाँ वाकई फिल्म का इतना बजट, इतने बजट में हमने बनाया, इतने बजट के साथ इतने करोड़ फिल्म ने कलेक्शन किया है, तो मेकर्स ने चीज़ को अभी भी हाइड रखा हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें जिसको कि हाइड रखा हुआ है, तो मे बी मेकर्स का है ये नहीं है। बाकी तो इसके ऊपर मैं बातें नहीं करना चाहता, लेट्स सी किसी और वीडियो में किसी और दिन इसके ऊपर डेफिनेटली अगर मेरे से पॉसिबल होता है तो डेफिनेटली ट्राई करूँगा। बाकी होप करते हैं कि उनकी जो प्रोजेक्ट है काफ़ी सफल रहे, बाकी ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज ऑडियंस ही डिसाइड करती है कि क्या है क्या नहीं है, कौन सा प्रोजेक्ट ऑडियंस को पसंद आता है नहीं आता है। हर चीज़ प्रोजेक्ट को लोग डेफिनेटली सपोर्ट दिखाते, अप्रिशिएट भी करते हैं, काफ़ी सारे फिल्में भी आई हुई है जो कि अच्छे प्रोजेक्ट को लोगों ने पसंद भी किया, अप्रिशिएट भी किया हुआ है, एंड अलग लेवल का परफॉर्मेंस भी देखता है, लोगों को लोग तारीफ़ भी करते हैं, तो क्या होता नहीं होता है देखते हैं क्या होता है। और रामचरण के आपके प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो जो कि एक ही प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता है, और सुनने में आ रहा था कि वो करेंगे, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। सो वीडियो को एंड करने का टाइम तो आ ही चुका है कि वीडियो को एंड करते, बाकी और भी कई सारी फिल्में जो कि इसे मैंने रिलीज़ होगी, हॉलीवुड की फिल्में भी आ रही है एंड साउथ की फिल्में भी रिलीज़ होने वाली है। दिसंबर महीने वो मंथ काफ़ी मारा मारी होने वाली है उस मंथ में, बिकॉज अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2, इसी के साथ गेम चेंजर, और भी कई सारी प्रोजेक्ट है जो कि दिसंबर महीने में रिलीज़ की जाएगी, एंड इस महीने
वेटाइन आएगी, रजनीकांत की वेटाइन फिल्म रिलीज़ होने जा रही है आई थिंक 2 तारीख को। उस फिल्म का ट्रेलर को रिलीज़ किया जाए, उसका रिलीज डेट को भी ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया गया जाएगा कि ऑलमोस्ट 10 तारीख को रिलीज़ की जाएगी। तो काफ़ी सारे बड़े प्रोजेक्ट है जो कि आपको इसी महीने में भी आपको देखने को मिलेगी सिनेमाघरों में। तो जी हाँ, सो विनैया विधैया रामा फिल्म, और फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्म की टाइटल को अगर ट्रांसलेट करें, बिकॉज ये जो टाइटल तेलुगु टाइटल है और इसी टाइटल को अगर ट्रांसलेट करें तो दोस्तों इसका मीनिंग है द मैडेस्ट एंड लॉयल रामा। विनैया विधैया रामा फिल्म 2019 की तेलुगु लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसको की लिखा और डायरेक्ट किया दोस्तों बोयापति श्रीनु ने, जिसको की प्रोड्यूस किया उनके अंदर उनके प्रोडक्शन बैनर्स या फिर प्रोड्यूसर की अगर बात करें तो डीबी दनियान ने। और इस फिल्म में स्टार्स में आपको नजर आएंगे इस फिल्म में रामचरण, केयर अडवाणी, विवेक ओबरा एंड प्रशांत नजर आएंगे। एंड इस फिल्म में जो म्यूजिक को कंपोज किया देवीश्री प्रसाद ने, एंड फिल्म के अराउंड कोडला रामचरण एंड उनकी एंग्री यंग मैन होना एंड फैमिली के थ्रेट्स, उन सभी को कैसे सॉल्व करता है, अपने फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो इनके बारे में दिखाया गया है। तो फिल्म की स्टोरी बेसिक स्टोरी है, हालांकि फिल्म को कहानी को एक्सप्लेन करेंगे ही। एंड फिल्म की अगर बात करें रिलीज डेट की, दोस्तों मूवी को रिलीज किया गया था 11 जनवरी 2019 को तेलुगु के अलावा डब्ड वर्जन में भी रिलीज किया गया था तमिल एंड मलयालम में, जो कि फिल्म का जो प्लानिंग था लाइक क्रिटिक्स और ऑडियंस के ऊपर ही था। एंड जिस हिसाब से फिल्म को ऑडियंस एंड क्रिटिक ने क्रिटिसाइज किया गया था लाइक काफी नेगेटिवली, जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉपी हुई है एंड कमर्शियली ये फिल्म फेलियर साबित हुई है। रामचरण ने स्पेशली फिल्म के लिए लाइक फैन से अपोलॉजी भी मांगा है, जहां से अपोलॉजी के लेटर भी जारी किया गया था फैंस के थ्रू कि हाँ ऐसा फिल्म के बारे में उन्होंने बताया होता कि क्या था क्या नहीं था। तो ये था इस फिल्म की लाइक कहानी, तो इससे भी आपको पता चल गया होगा। पर फिल्म को आज के टाइम के हिसाब से अगर बात करें हिंदी ऑडियंस की, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हिंदी ऑडियंस काफी ज्यादा इस फिल्म को देखते हैं, खासकर यूट्यूब पर सर्च वगैरह काफी अच्छे हैं एंड इस फिल्म को अभी भी देखते हैं। तो आपको पता है कि फ्लॉप फिल्मों को लाइक हिंदी ऑडियंस का खासकर यूट्यूब पर देखते हैं एंड इसका रीजन एक ही है कि रामचरण का फैन फॉलोइंग, जैसे उसी के फैन फॉलोइंग के तौर पर देखते हैं, भले फिल्म खराब हो नहीं हो पर फिल्म को लोग ऑडियंस देखते हैं क्योंकि इस फिल्म के जो एक्शन थे वो काफी ज्यादा वायरल भी हुए थे, तो जिसके चलते ऑडियंस फिल्म को अभी भी देखते हैं और काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म को लोग देखते भी है, जो कि काफी अच्छी बात कहूंगा। लोग अगर फ्लॉप फिल्म से एंटरटेन हो रहे तो उसमें क्या है। सो ये है, तो फिल्म को डायरेक्ट किया था बोयापति श्रीनु ने, जिसको कि लिखा है जॉय कृष्ण ने, टीची ने, जय बोयापति श्रीनु ने फिल्म की स्क्रीन प्ले को लिखा है, डायलॉग्स को एम रत्नम ने लिखा है। फिल्म की स्टोरी डेफिनेटली बोयापति श्रीनु की स्टोरी से लेकर आइडिया लेवल की उन्हीं की है, जिसको की प्रोड्यूस किया हुआ दीदी सॉरी डी वी वी दनिया ने, और जहाँ पर आपको इस फिल्म में सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलेगी आर्थर ये विलियम की फिल्म क्रेडिट किया दोस्तों कोटागिरी वेंकटेश राव ने, एंड देवीश्री प्रसाद की बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक कंपोजिंग किया हुआ, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर भी इस फिल्म में काम किया है। इस फिल्म को डीबी एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन बैनर के थ्रू फिल्म को बनाया, फिल्म को रिलीज किया था 11 जनवरी 2019 को। फिल्म का रन टाइम 144 मिनट, जिसको की तेलुगु के अलावा डब्ड वर्जन में भी रिलीज किए गए थे तमिल एंड मलयालम में। एंड जिसकी कलेक्शन की अगर बात करें, हालांकि फिल्म का बजट तो काफी लाइक है, जो की बजट के ऊपर वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्म के कलेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं, तो फिल्म के जो कलेक्शन है एंड जो मैं कलेक्शन बताने जा रहा हूँ ये कलेक्शन एस्टिमेटेड कलेक्शंस हैं। एंड फिल्म ने कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर या फिर फिल्म की लाइफ टाइम कलेक्शन यही मानी जाएगी, जो कलेक्शन किया हुआ है 63 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर, तो ये ध्यान में जरूर रखिएगा। हाँ, कलेक्शन के बारे में वीडियो के आखिरी में बात करेंगे क्योंकि इसका रीजंस मैं आपको बताऊंगा, हालांकि रीजंस क्या है जो कि ऑलरेडी फैंस के द्वारा एक लेटर लाइक एक्टर ने खुद ही जारी किया गया था। तो ये था, फिर भी बात करेंगे उसके ऊपर जब बजट के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो ट्राई करूंगा कि खुल के चीजों को मैं आप सभी से शेयर करूं। सो फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बात करते, पूरी कास्टिंग के ऊपर बात करते, कैरेक्टर के ऊपर बात करते, परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात करते हैं। तो चलिए, रामचरण, केयर अडवाणी, विवेक ओबेरॉय, प्रशांत एंड इसके साथ ही स्नेहा, आर्या राजेश, मुथुमिता, रवि वर्मा, हिमांजा, मधुसूदन, परवीन, मुकेश ऋषि, हरीश उत्तम, महेश मांजरेकर, तलपति राव, जयप्रकाश, सलीम बायग, हेमा, पृथ्वीराज, जीवी सुधाकर नायडू, प्रियदर्शनी राम एंड ईसा गुप्ता। एंड कैरेक्टर की अगर बात कर, रोल की अगर बात करें, तो राम आपको इस फिल्म में जो है कोनी डेला राम के रोल में नजर आएंगे,
कियारा अडवाणी आपको इस फिल्म में कोनी डेला सीता के रोल में नजर आएंगी। विवेक ओबरा आपको इस फिल्म में राजा भाई मुन्ना के रोल में नजर आएंगे। प्रशांत आपको इस फिल्म में एज ए कोडिलेगा भुवन कुमार के रोल में नजर आएंगे। स्नेहा आपको इस फिल्म में कोराडिलेगा गायत्री देवी के रोल में नजर आएंगी। आर्यन राजेश आपको इस फिल्म में कोडालिका शेखर के रोल में नजर आएंगी। मनोमिता शेखर के वाइफ का रोल प्ले कर रहे रवि वर्मा आपको इस फिल्म में कोडालिका राजू के रोल में नजर आएंगे। हिमांशा आपको इस फिल्म में राजू के वाइफ के रोल में नजर आएंगे। इसके साथ ही मधुसूदन आपको इस फिल्म रामू का फोर्थ ब्रदर के रोल में नजर आएंगे। परवीन एज ए सैलेजा के रोल में नजर आएंगे। मुकेश ऋषि एज ए पांडियम परशुराम के रोल में नजर आएंगे। हरीश उत्तम इस फिल्म में बेलम बालराम के रोल में नजर आएंगे जो कि परशुराम के ब्रदर इन लॉ हैं। मुकेश ऋषि आपको इस फिल्म में महेश मांजरेकर आपको इस फिल्म में चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार के रोल में नजर आएंगे। चलपति राव इस फिल्म में कोडाली के सुब्रमण्यम के रोल में नजर आएंगे। जयप्रकाश चीफ मिनिस्टर ऑफ बीपी के रोल में नजर आएंगे। सलीम बेग आपको इस फिल्म में रजी सिंह के रोल में नजर आएंगे। हेमा माधवी के रोल में नजर आएंगे। इसके साथ ही पृथ्वी राज आपको इस फिल्म में धर्मेंद्र के रोल में नजर आएंगे। जीव सुधाकर नायडू राजा मुन्ना भाई के रोल में नजर आएंगे। इसके साथ ही प्रियदर्शन राम इनकाउंटर स्पेशलिस्ट शंकर के रोल में नजर आएंगे। ईशा गुप्ता का शरण्या के तौर पर उनका स्पेशल अपीयरेंस रखा हुआ है और एक तरह से आप एक्सटेंडेड कैमियो भी कह सकते हो। एंड परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो डेफिनेटली फिल्म के स्क्रिप्ट के हिसाब से डायरेक्टर के हिसाब से जो परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो उनमें भी आप डेफिनेटली क्रिटिसाइज करोगे। यहाँ तक कि लीड एक्टर की मैं बात करूँ, यहाँ तक कि हीरो की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी परफॉर्मेंस में भी आपको लाइक कुछ ना कुछ कमियां आपको जरूर नजर आएगी। हालांकि कमियां की अगर बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर डायरेक्टर ने ही उस तरीके से आपसे परफॉर्मेंस निकलवाई है जो कि इसमें एक्टर का कोई दोष है नहीं, क्योंकि डायरेक्टर ने जिस हिसाब से सीन्स को उन्होंने कहा उसी हिसाब से किया, उसी हिसाब से परफॉर्मेंस उन्होंने दिया हुआ। तो ये है, हालांकि परफॉर्मेंस की अगर बात करें ओवरऑल एवरेज आपको नजर आएंगे यहाँ तक के लीड एक्टर की, बिकॉज फिल्म में रिएक्शंस ओवर द टॉप किए गए, परफॉर्मेंस ओवर द टॉप्स हैं। लाइक वो फिल्म देखने पर वो आपको आइडिया मिल ही जाएगा कि हालांकि क्यों कह रहा हूँ। एंड सभी की परफॉर्मेंस आपको ओवर द टॉप ही नजर आएंगे। कुछ कुछ जगह तो आपको काफी क्रिंज आपको फील होगी कि यार क्या हो रहा है, इतने बड़े एक्टर ऐसे, इतने बड़े एक्टर क्या हो रहा है फिल्म में, तो ऐसा फील होगा। एंड यही कारण है कि द्रौपदी शिनु की हालांकि एक ही फिल्म में उनकी हिट हुई है, ब्लॉकबस्टर हुई है, पर सभी फिल्म उन्होंने जितनी भी फिल्म उन्होंने किया हुआ है सभी फिल्में फ्लॉपी हुई है। एंड इसका रीजन है कि आउटडेटेड कहानी एंड वही पुरानी जैसी फिल्मों को बनाते थे उसी हिसाब से वो फिल्मों को अभी भी बना रहे, उसी वे में बना रहे, जो कि ऑडियंस इस चीज को अब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि चीजों को काफी ज्यादा रियल रखना भी होना चाहिए। एंड लाइक होता है चीजों को लाइक उस टाइम की फिल्में वो चल जाती है। हाँ, ऐसा नहीं कि फिल्में नहीं चलती पर थिएटर्स में नहीं चलती, पर उसी फिल्मों को अगर यूट्यूब पर या फिर टीवी पर रिलीज करवाते तो ऑडियंस देखते हैं, क्योंकि उस तरह की फिल्में यूट्यूब एंड और टीवी पर ही देखने का जो अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है वही अगर आप थिएटर्स में फिल्म को देखने नहीं जाते ऑडियंस, तो ये है, तो ये कारण है। बाकी ज्यादा इसके बारे में क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, किसी और दिन अगर होगा तो डेफिनेटली बात करेंगे। हालांकि कियारा अडवाणी एंड यहाँ पर बात करें रामचरण की, फिर से उनकी कोलैबोरेशन होने जा रही है, तो देखते हैं कि उनका जो फर्स्ट कोलैबोरेशन आई थिंक इसी फिल्म के साथ ही हुई है, तो डेफिनेटली देखना होगा कि उनकी सेकंड कोलैबोरेशन कैसी रही। हालांकि फर्स्ट कोलैबोरेशन उनकी तो काफी बड़ी फ्लॉप रही है, तो इसके ऊपर भी वीडियो में आगे चलकर डेफिनेटली थोड़ी बहुत उसके ऊपर भी चर्चा तो करूंगा ही, चर्चा करने का मन है। फिल्म की प्री प्रोडक्शन के ऊपर आते तो ऋषि पंजाबी ने वर्क किया था भोयवती शून्य के साथ सरनाड एंड जय जानकी नायिका फिल्म में। एन एनिसन सिनेमाटोग्राफर के तौर पर उन्होंने शॉर्ट्स भी किए थे, हाफ में किए गए थे, पर बाद में हाफ में उनको बाहर कर दिया गया था। एज पर रिजल्ट के हिसाब से विलियमसन को पूरी पोर्शन को कम्प्लीट किया गया था, लाइक हाफ ही उनके द्वारा किया था, हाफ के बाद अर्थर विलियमसन के द्वारा किया गया था। आई थिंक क्रिएटिव डिफरेंस के चलते मे भी हुआ होगा। इसके साथ ही फोर्थ कोलेबोरेशन हुआ प्रोफेशन एंड भीमा भीमा एंड डेमो फिल्म में। इसके साथ ही ऑल्सो रिटर्न किया था तो तमिल एक्टर प्रशांत ने जो कि तेलुगु फिल्म में नियरली 25 बाद उन्होंने किया हुआ था कमबैक, तो ये था। एंड ज्यादा फिल्म की प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में जानकारी नहीं है और इसका मेन रीजन है कि फिल्म फ्लॉप हुई है। बाकी अगर फिल्म अगर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमाई करता है, अगर अच्छा होता तो डेफिनेटली और भी आपको इस फिल्म के बारे में डिटेल्स आपको डेफिनेटली पता चल जाता है, कि मुझे अगर पता चलता तो डेफिनेटली मैं आपको तो शेयर तो करूंगा ही, ऑब्वियसली बात है। ना ही पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में, ना ही प्री प्रोडक्शन के बारे में, जो था ऑलरेडी मैं आपसे भी खुद बता ही चुका हूँ, और ना ही फिल्मिंग के बारे में ज्यादा जानकारी दी है कि फिल्मिंग शूटिंग कहाँ कहाँ करवाई गई है, रैप अप कब हुई है,
कौन से लोकेशंस में, लाइक कहाँ का कौन से लोकेशन में शूट किए गए थे, लाइक सेट क्रिएट कहाँ गया था, तो इन सभी की डिटेल्स अभी भी अधूरी है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर पता चलेगा जो की सिनेमाटोग्राफर के तौर पर है, जो की सिनेमाटोग्राफर जय जागे फिल्म में काम किया था सिनेमाटोग्राफर तौर पर, और इस फिल्म में भी फिल्म का हाफ कंप्लीट किया था उनके द्वारा, पर उनको बाहर कर दिया गया था शेड्यूलिंग के चलते। यही तो बताया था, शेड्यूलिंग के चलते ही बताया हो, बाकी इसका मेन रीजन क्या तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी पोर्शन को यहाँ पर आर्थन विलियम्स ने कंप्लीट किया, जो कि आपको बता चुका फिर से डिटेल के साथ सभी चीजों को बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको, हालांकि आप समझ ही जाते हो, पर मैं दोबारा बता देता हूँ लाइक फिर से लाइक रिपीटर के तौर पर, ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर चुका चीजों को। एंड ट्रैक की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 5 है। टाइटल के लिरिक्स के बारे में ऑलमोस्ट यहाँ पर श्री मनी ने सभी गाने को लिखा है। लिरिक्स गाने को गया एम एल कार्तिकिया, जसप्रीत, देवीश्री प्रसाद, सिम्बा एंड कला भैरवा ने। लेंथ वगैरह की बात करें, एक्चुअली टोटल लेंथ के ऊपर बात करते हैं, तो जो टोटल लेंथ है 20 मिनट 23 सेकंड है। एंड दोस्तों अगर बात करें फिल्म की, मलयालम एंड यहाँ पर तमिल ट्रैक को भी लाइक लिए गए, लाइक गाने वगैरह को डब किए गए थे। एंड ऑलमोस्ट अगर बात करें तमिल वर्जन में कुछ सेकंड ज्यादा है, एंड उसी तरह मलयालम की अगर बात करें, एल्बम की अगर बात करें म्यूजिक की, तो उनमें 18 मिनट के आसपास है, तो मे भी गाने वगैरह को ट्रिम किए गए होंगे या फिर गाने वगैरह को कम किया गया था, मे भी इसके बारे में नहीं पता है। पर जाहिर सी बात है इतनी फ्लॉप फिल्मों को रिलीज किया गया था, सो क्या मेकर्स को कॉन्फिडेंस था, पर हुआ नहीं। सो फिल्म को विनैया रामा फिल्म को रिलीज किया था वर्ल्ड वाइड 11 जनवरी 2019 को, और संक्रांति के वीकेंड को ही टारगेट करके मूवी को रिलीज किया गया था। एंड चलिए कुछ क्रिटिक्स एंड ऑडियंस के रिएक्शंस के ऊपर भी बात कर लेते, रिव्यू के ऊपर भी बात कर ही लेते। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को 1 out of 5 star की रेटिंग दी, इंडिया टुडे ने इस फिल्म को 2 out of 5 star की रेटिंग दी है, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 1 out of 5 star की रेटिंग दी है, हिंदुस्तान टाइम्स ने इस फिल्म को 0.5 out of 5 star की रेटिंग दी है इस फिल्म को, फर्स्ट पोस्ट ने इस फिल्म को 1 out of 5 star की रेटिंग दी है। तो ये ओवरऑल क्रिटिक का रिएक्शन है, उनकी तरफ से रेटिंग दी है, तो डेफिनेटली इसे भी आइडिया आपको हो ही गया होगा। एंड हालांकि मैं आपको नहीं बात करूं तो मैंने इस फिल्म को एक्चुअली याद नहीं है कि देखा कि नहीं, जहां तक मुझे लगता है कि फिल्म को नहीं देखा हुआ है अभी भी, अगर देखा भी है तो स्किप करके देखा हुआ है, तो ये है। हालांकि अच्छी फिल्मों को मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूं, तो आप समझ सकते हो कि हाँ अगर ये फिल्म कभी टीवी पर मैं आता है तो डेफिनेटली देख लूंगा, या फिर इस फिल्म को अगर यूट्यूब पर रिलीज करवाता है, अगर मुझे टाइम मिलता है तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा, उसके बाद मैं आपको अपना प्रॉपर ओपिनियन मैं आपको दूंगा। हालांकि ओपिनियन क्या देना, जो कि ऑलरेडी जो डिटेल्स ही ऑलरेडी मैं आप सभी को बता ही चुका हूं, एंड जो चीजें के ऊपर मैं इन सभी के ऊपर जो बातें कर रहा हूं, तो डेफिनेटली ऑडियंस के रिव्यूज, उनके रिएक्शंस, क्रिटिक आर्टिकल्स एंड कलेक्शन से भी डेफिनेटली आपको आइडिया मिल ही जाता होगा। एंड यहाँ तक कि डायरेक्टर के बारे में अगर आप जाने माने डायरेक्टर, तो उसके बारे में भी एटलीस्ट आपको पता ही होता है, एक्टर पॉपुलर है तो डेफिनेटली उसके बारे में पता ही होता है कि क्या है क्या नहीं है। उससे पहले कहानी के ऊपर बात करते हैं, उसके ऊपर कुछ चीज़ों के ऊपर डिटेल के साथ विस्तार से बात करेंगे, लाइक रामचरण की जो उनकी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो रिलीज होने जा रही है, जिसमें कि लीड में KR अडवाणी ही नजर आएंगे, तो उसके ऊपर बात करेंगे, एंड डायरेक्टर के ऊपर बात करेंगे, और साथ ही बजट के ऊपर तो अभी भी बात नहीं किया, उसके ऊपर बात करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो कि अभी भी काफी सारे मतलब बातें किया जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहानी के ऊपर बात करते हैं कि विनय या विदय या रामा फिल्म में किस हिसाब से कहानी को दिखाया गया, क्या कहानी था, क्या वाकई कहानी बेकार है कि नहीं, वो आपको पता चल जाएगा। सो कहानी को एक्सप्लेन करते हैं, तो दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में VVR भी कहते हैं, एंड विनय या विदय या रामा फिल्म में जो स्टोरी या फिर फिल्म में जो कहानी दिखाई, ये कहानी दिखाई गई है कोनिडिला रामचरण उर्फ रामा एक शिशु है जिसे 4 भाई यो ने गोद लिया है, कोनिडिला, भुवन कुमार, शेखर राजू और मथुदाना। छोटी उम्र में राम को एक अपहरणकर्ता को मार देता है जो उन्हें मारना चाहता था क्योंकि वह उसके अपराधों के गवाह बन गए थे। जब डॉक्टर कोनिडिला सुब्रमण्यन को इस बारे में पता चलता है तो वह उन्हें अपने बच्चों की तरह पालने का फैसला करता है। सालों बाद राम अपने भाइयों एंड भाभियों और के बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। भुवन अब मुख्य चुनाव आयुक्त है और वह राम, शेखर, राजू और मधुनंदन उसके अधीनस्थ है। बाद में राम को महिला अधिकार कार्यकर्ता पप्पी की बेटी सीता से प्यार हो जाता है और जल्द ही उनकी सगाई हो जाती है। एंड बलेम बलराम एक महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ है जो भुवन की रिश्वत
देने की कोशिश करता है क्योंकि भुवन ने उसका काला धन जब्त कर लिया था। हालांकि भुवन मना कर देता है जिससे बलराम क्रोधित हो जाता है और उसको धमकाता है, लेकिन राम उसे मीडिया के सामने वापस धमकाता है। बलराम के साले पंडम परशुराम ने भुवन से माफी मांगने को कहा, लेकिन राम ने उसे धमकाया और पीटा। अपमानित होकर परशुराम इनकाउंटर स्पेशलिस्ट शंकर के पास जाता है और शंकर राम के परिवार को बंधक बना लेता है। राम परशुराम से माफी मांगने के लिए मौके पर पहुंचता है, लेकिन तानाशाह राजा भाई द्वारा भेजे गए बिहार के गुंडे का सामना करता है। सभी को मारने के बाद गायत्री देवी राम की बड़ी भाभी और भुवन की पत्नी राम ने घटनाओं के बारे में पूछा, पत्नी। अतीत में भुवन को वास्तव में चुनाव आयुक्त के रूप में बिहार भेजा जाता है जो अपने अधिनीतियों के साथ बिहार की यात्रा करता है। राम अपने परिवार और सीता के साथ मंदिर जाने के लिए गुजरात पहुंचता है। जब भुवन बिहार पहुंचता है तो उन्हें पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास ले जाया जाता है। भुवन राम को बुलाता है जो हवाई अड्डे पर था। राम मौके पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है और अकेले ही 300 लोगों को मार डालता है। तो इसमें लॉजिक वाली बात आपको लगता है। सो ये है कहानी के अंदर कुछ चीजें जो कि कहानी से आपको ऑलरेडी पता तो चल ही गया होगा। हालांकि मैं कहानी को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जिसको मैं एक्सेप्ट कर ही रहा हूँ, पर डेफिनेटली इसके ऊपर मैं काम करता हूँ और डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि दिन ब दिन चीजों को मैं इम्प्रूवमेंट करने की जरूर ट्राई करता हूँ। तो खैर उसके ऊपर बात जरूर करेंगे। जहाँ उसे पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास ले जाया जाता है। लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें राजा भाई भुवन को चाकू मार देता है और राम राजा भाई को गंभीर रूप से घायल कर देता है, जिससे वह कोमा में चला जाता है। भुवन अपनी चोटों के कारण दम तो देता है, जिसे राम और उसके भाई तबाह हो जाते हैं। वर्तमान में गायत्री यह जानकर तबाह हो जाती है और राम से कहती है कि वह उसे भुवन की चिंता पर और बाद में राजा भाई के पास ले जाया और राजा भाई कोमा से ठीक हो जाते हैं और गायत्री उसे राम से लड़ने की चुनौती देती है। राम राजा भाई के गुड़गे से लड़ता है और जल्द ही एक पेड़ से जुरी तलवार से राजा भाई का वो कर देता है। इसी तरह भुवन की मौत का बदला ले लेता है। राम और सीता अपने परिवार के साथ फिर से मिलते हैं। तो दोस्तों फिल्म की जो एक्चुअल कहानी है यही कहानी है जो कहानी में है। ऑलरेडी सभी चीजों को मैं विस्तार से आप सभी को बता चुका हूँ। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसके कहानी को एक्सप्लेन करने के बाद और ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर बात तो डेफिनेटली करेंगे ही। तो लाइक सबसे पहले बात करते हैं कियार आडवाणी एंड एक्टर राम की, जो कि आप सभी को पता है कि उनकी फिल्म रिलीज होने जा रही है। आई थिंक इसी महीने रिलीज की जाएगी। अक्टूबर का महीना उन्होंने ऑलरेडी रखा हुआ और ऑब्वियसली जिसका कि टाइटल को भी कंफर्म कर दिया। जो कि टाइटल के बारे में बात करते हैं तो गेम चेंजर फिल्म का टाइटल का नाम है और आई थिंक RR के बाद रामचरण की एक भी फिल्म में रिलीज नहीं हुई है एंड इस फिल्म के साथ कम बैक करने जा रहा। आई थिंक 2 साल तो हो गए होंगे शायद, तो 2 साल हो गए होंगे। और इसके अलावा अगर बात कर रामचरण की अपकमिंग प्रोजेक्ट की, तो आई थिंक इस फिल्म के बाद ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट को ऑलरेडी साइन कर चुके हैं जहाँ तक मुझे लगता है। हालांकि इसके बारे में नहीं पता कि कौन कौन से प्रोजेक्ट में उन्होंने कभी साइन किया हुआ, कौन कौन से उनकी वो फिल्म अभी करेंगे, तो डेफिनेटली उसके बारे में नहीं पता। पर इतना पता है कि ऑलरेडी गेम चेंजर में है, उसके बाद और फिल्में करेंगे कि नहीं, कौन से डायरेक्टर के साथ आ रहे इसके बारे में नहीं पता। डेफिनेटली अगर मुझे पता भी होगा तो किसी और वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो खैर आज के ऊपर बात करते हैं, गेम चेंजर के ऊपर बात करते हैं एंड कोलैबोरेशन के ऊपर भी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टर राम की अगर बात करें तो आप सभी को बताया कि उसका नाम कोनेडिला रामचरणी है, जो कि फिल्म में भी एक्चुअली नाम को यूज किया गया था। तो खैर वो अलग बात है, एक फैक्ट्स है उस फिल्म के साथ आप रख सकते हो, अगर आपको फैक्ट लगा तो उसको आप काउंट कर सकते हो। तो ये है।
सो बात करें कोलेबोरेशंस की, केयर अडवाणी एंड रामचरण की, अगर बात करें दोनों की कोलेबोरेशन की, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि फर्स्ट कोलेबोरेशन उनका असफल रहा है, और जिस हिसाब से उनको कलेक्शन करना था, जिस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर वो फिल्म चलनी थी, हालांकि वो फिल्म चल नहीं पाई थी, पर डेफिनेटली मुझे जहाँ तक लगता है कि वो फिल्म जैसा तो इस फिल्म के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शंकर डायरेक्टर है और शंकर डायरेक्टर है तो इसमें भी बातें किया जा सकता है। बिकॉज आप सभी को पता है शंकर की जो फिल्म आई थी रिसेंटली इंडियन 2, आप सभी को पता है कितनी बड़ी वो फिल्म डिजास्टर फिल्म साबित हुई है बॉक्स ऑफिस पर, एंड फिल्म का कॉन्सेप्ट स्टोरी लोगों को पसंद ही नहीं आई थी, लेकिन उस फिल्म से लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था काफ़ी अलग लेवल का था, पर वो फिल्म उस एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतर पाई है। पर ऑडियंस लेवल पर एटलीस्ट होप कर रहे कि डेफिनेटली इंडियन 3 लोगों के जो एक्सपेक्टेशन है एटलीस्ट उस एक्सपेक्टेशन पर वो फिल्म खरीद रहे, तो ऑडियंस तो ये एक्सपेक्ट कर रहे। लेट्स सी फिल्म का जो ट्रेलर, इंडियन 3 का जो ट्रेलर है ऑलरेडी रिलीज़ करवा दी गई थी, तो डेफिनेटली मुझे जहाँ तक लगता है कि क्या होता है नहीं होता है, लेट्स सी क्या होता है, लाइक पार्ट 3 में देखा जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि पार्ट 3 उसी सिमिलैरिटी में बनाई गई है, सो ये है, मुझे ट्रेलर कुछ खास लगा नहीं है। हाँ, कुछ कुछ मोमेंट्स थे जो कि काफ़ी अच्छे लगे थे, पर कुछ कुछ मोमेंट्स मतलब डिसअपॉइंटिंग थे। बाकी देखते हैं मेकर्स, अगर लाइक फिल्म को रिलीज़ होने में काफ़ी अच्छा खासा लंबा टाइम है तो मेकर चाहेंगे कि स्क्रिप्ट पे चेंजेस करे, रिशूट्स करे, तो मेकर्स अगर करना चाहें तो करेंगे। तो खैर उस फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, गेम चेंजर के ऊपर बात कर रहा हूँ। एंड डायरेक्टर के लिए इसलिए मैंने बात किया क्योंकि एक डर सा बना रहता है, अगर उनकी अगर प्रीवियस फिल्म में इतनी बड़ी फ्लॉप रहती है तो एक डर बना रहता है, और साथ ही प्लॉट सेम जैसा ही लाइक है फिल्म के अंदर, लाइक पॉलिटिकल, लाइक है पॉलिटिकल एंगल मतलब मूवी के अंदर है गेम चेंजर फिल्म में भी, तो इसे डर बना रहता है। और फिल्म का फर्स्ट कोलेबोरेशन रामचरण एंड केयर अडवाणी का वो कुछ खास नहीं रहा, ये भी एक डर बना रहता, पर लेट्स सी क्या होता। हालांकि ट्रेलर लाइक एक गाने को रिलीज किया था, गाने को लोगों को पसंद भी आ रहा है, तो देखते हैं किसी हिसाब से रिस्पॉन्स वगैरह मिलता है। बाकी एक्साइटेड हूँ, और इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि आपको पता है कि गेम चेंज फिल्म में आपको लाइक एजय सूर्या भी आपको नजर आएंगे, तो काफ़ी और इंटरेस्टिंग कास्ट है फिल्म के अंदर, और डायरेक्टर शंकर भी हैं, तो मतलब अलग लेवल का तो लोगों का एक्सपेक्टेशन है। और आरआर के बाद इस फिल्म के साथ लाइक वो कमबैक करने जा रहे हैं, लाइक कमबैक तो नहीं करूँगा, हालांकि 2 साल से उनकी नई फिल्म आई हुई है, तो लाइक कमबैक ही किया जा सक कमबैक ही कहा जाएगा। कमबैक किसको कहा जाएगा, जिसकी फिल्म फ्लॉप होती है काफ़ी समय, लाइक लंबे टाइम के, उसको कमबैक किया जाएगा, तो उसको कमबैक नहीं कहा जा सकता, कहा जा सकता है जहाँ तक मुझे लगता है। तो खैर यानी कि 2 साल बाद वो आ रहे हैं, और कास्टिंग भी इंटरेस्टिंग है जैसे कि बता ही चुका हूँ, अजय सूर्या एंड आप सभी को बताया कि सरीपोदा शनिवारम या फिर सूर्य सैटरडे में आपको लाइक दिखाई था, और सोशल मीडिया पर एक गाने के अंदर जिस हिसाब से डांस कर रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा लाइक वायरल भी हुआ है, तो है एक्सपेक्टेशन है, और डेफिनेटली अजय सूर्या तो फिल्म के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग ही होने वाला है, तो ये है। बाकी मैं तो एक्साइटेड हूँ, बाकी देखते हैं। अभी तक जितनी भी गेम चेंजर से रिलेटेड कंटेंट वगैरह आया है सभी कंटेंट लोगों को पसंद ही आ रही है, और केयर अडवाणी एंड रामचरण इस फिल्म में तो डेफिनेटली है, और इस फिल्म की जो हाइप वगैरह काफ़ी पहले कमाल का था, अभी भी हाइप है इस फिल्म को लेकर, क्योंकि पोस्टर वगैरह काफ़ी कमाल के आए थे एंड लाइक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट तो नहीं कहूँगा, हालांकि इसके ऊपर भी मैं डेफिनेटली बहुत ही जल्द वीडियो बनाऊंगा एंड जिसमें कि मैं आपको इस फिल्म के ऊपर प्रॉपर सभी डिटेल्स को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं एक लाइक वीडियो की तलाश कर रहा हूं, लाइक जब प्रॉपर मटेरियल मुझे मिल जाएगी तो डेफिनेटली इस फिल्म के ऊपर भी लाइक वीडियोस बनाऊंगा। हालांकि गाने को रिलीज़ कर दिया गया जो कि गाने का जो नाम रखा है जगरा गांधी रखा हुआ है, तो अगर आप गाने को सुनना चाहते हो डेफिनेटली सुन सकते हो, सुनना ना सुन सकते आपके ऊपर डिपेंड है। उससे पहले और एक गाने को रिलीज़ किया था, हालांकि उसको 27 मार्च में रिलीज़ किया गया था एंड जस्ट एक गाने रिलीज़ किया गया रा मचा मचा, इस गाने को रिलीज़ किया गया, आई थिंक 30 सितंबर को ही रिलीज़ किया हुआ है, सो ये है। बाकी 20 दिसंबर को रिलीज़ करवाने वाले हैं एंड फिल्म को रिलीज़ होने में ऑलमोस्ट अगर बात करें तो ये अक्टूबर का महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर लाइक ऑलमोस्ट अभी टाइम है एंड टाइम है, तो फिल्म को लाइक अच्छे खासे प्रमोशंस कंटेंट दे रहे हैं, और फिल्म का बजट अराउंड एस्टिमेटेड जो बजट है 250 करोड़ के अराउंड, लाइक 250 करोड़ का फिल्म का बजट है, तो बहुत ही बड़े बजट की
फिल्म भी है, और साथ ही शंकर की अगर बात करें, डायरेक्टर शंकर सर की अगर बात करें, उनकी फिल्म जो आई हुई थी इंडियन 2, ऑलमोस्ट उनका भी बजट काफ़ी था, लाइक बहुत ही बड़ी बजट की वो फिल्म भी थी। हालांकि मेकर्स ने अभी भी बजट के बारे में नहीं बताया, पर इतना तो पता है कि फिल्म का बजट हाई है। सो लेट्स सी क्या होता है। एंड फिल्म की इंडियन 3 की अगर बात करें तो उनका पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क के बारे में पता है, इसके बारे में अगर बजट की अगर बात करें इंडियन 2 की, तो चलिए बजट के ऊपर भी बात करते, तो भी अराउंड 250-300 करोड़ का अराउंड बजट था, वो फिल्म का भी बजट था। हाँ, फिल्म की बजट की अगर बात करें तो प्रोडक्शन वैल्यू भी दिखता भी था, और इतने बड़े डायरेक्टर है जिन्होंने रोबोट जैसी फिल्में बनाई हुई है, सो ये है। आई लाइक काफ़ी सारे फिल्में बनाई, जैसे कि जेंटलमैन, इंडियन 2, नायक, द रियल हीरो, बॉयज, शिवाजी द बॉस, इथिरन, नंबन, आई, तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग उन्होंने प्रोजेक्ट को बनाई है। डायरेक्टर हालांकि वो डिफरेंट डिफरेंट टेक लेती है, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट को भी करते हैं, इसमें नो डाउट। तो डेफिनेटली आने वाले प्रोजेक्ट के लिए मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हालांकि गेम चेंजर की ऑलरेडी शूटिंग रिलीज करने वाले पोस्ट प्रोडक्शन में भी है, इंडियन 3 का शूटिंग तो ऑलरेडी हो चुका है। मुझे जहाँ तक लगता है कि इन दोनों फिल्मों को कम्प्लीट होने के बाद मे भी देखते हैं कौन सा एक्टर के साथ कोलाबरेशन हमें देखने को मिलता है, कोलाबरेट करते हैं, इंटरेस्टिंग होने वाले, बिकॉज एक्साइटेड तो हूँ। एंड रामचरण की प्रोजेक्ट, आपके कौन सी प्रोजेक्ट है इसके बारे में तो ज़्यादा नहीं पता है, हालांकि इस फिल्म के बाद वो कौन से डायरेक्टर के साथ कोलाबरेट करेंगे उसके बारे में भी नहीं पता है। हालांकि एक अनाउंसमेंट पहले से भी हो चुकी है, जो कि उनकी खुद की प्रोडक्शन बैनर में उस फिल्म को बनाई जाएगी। आई थिंक फिल्म का टाइटल वगैरह को किया गया है, हालांकि ज़्यादा जानकारी तो नहीं बता सकते कि क्या है क्या नहीं है, सो ये है। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें विनय या विदय फिल्म की बजट की, इसके ऊपर हालांकि मैंने बजट के ऊपर अभी भी बात नहीं की है, सो लेट्स से बजट के ऊपर बात करते हैं कि अराउंड फिल्म का क्या बजट था क्या नहीं था। हालांकि एक्चुअल बजट की बात करें तो बजट अप्रोक्सली 75-70 करोड़ के आसपास है, एंड फिल्म ने जो कलेक्शन किया 63 करोड़ कलेक्शन किया हुआ है। सो मे बी बजट में एस्टिमेटेड बजट है, एक्यूरेट नहीं है। मेकर्स ने चीज़ को ऑफिशियली नहीं रिवील किया कि हाँ वाकई फिल्म का इतना बजट, इतने बजट में हमने बनाया, इतने बजट के साथ इतने करोड़ फिल्म ने कलेक्शन किया है, तो मेकर्स ने चीज़ को अभी भी हाइड रखा हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें जिसको कि हाइड रखा हुआ है, तो मे बी मेकर्स का है ये नहीं है। बाकी तो इसके ऊपर मैं बातें नहीं करना चाहता, लेट्स सी किसी और वीडियो में किसी और दिन इसके ऊपर डेफिनेटली अगर मेरे से पॉसिबल होता है तो डेफिनेटली ट्राई करूँगा। बाकी होप करते हैं कि उनकी जो प्रोजेक्ट है काफ़ी सफल रहे, बाकी ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज ऑडियंस ही डिसाइड करती है कि क्या है क्या नहीं है, कौन सा प्रोजेक्ट ऑडियंस को पसंद आता है नहीं आता है। हर चीज़ प्रोजेक्ट को लोग डेफिनेटली सपोर्ट दिखाते, अप्रिशिएट भी करते हैं। काफ़ी सारे फिल्में भी आई हुई है जो कि अच्छे प्रोजेक्ट को लोगों ने पसंद भी किया, अप्रिशिएट भी किया हुआ है, एंड अलग लेवल का परफॉर्मेंस भी देखता है, लोगों को लोग तारीफ़ भी करते हैं। तो क्या होता नहीं होता है, देखते हैं क्या होता है। और रामचरण के आपके प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो जो कि एक ही प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता है, और सुनने में आ रहा था कि वो करेंगे, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। सो वीडियो को एंड करने का टाइम तो आ ही चुका है कि वीडियो को एंड करते। बाकी और भी कई सारी फिल्में जो कि इसे मैंने रिलीज़ होगी, हॉलीवुड की फिल्में भी आ रही है एंड साउथ की फिल्में भी रिलीज़ होने वाली है। दिसंबर महीना वो मंथ काफ़ी मारा मारी होने वाली है उस मंथ में, बिकॉज अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2, इसी के साथ गेम चेंजर, और भी कई सारी प्रोजेक्ट है जो कि दिसंबर महीने में रिलीज़ की जाएगी। एंड इसमें वेटाइन आएगी, रजनीकांत की वेटाइन फिल्म रिलीज़ होने जा रही है, आई थिंक 2 तारीख उस फिल्म का ट्रेलर को रिलीज़ किया जाए, उसका रिलीज डेट को भी ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया गया जाएगा कि ऑलमोस्ट 10 तारीख को रिलीज़ की जाएगी। तो काफ़ी सारे बड़े प्रोजेक्ट है जो कि आपको इसी महीने में भी आपको देखने को मिलेगी सिनेमाघरों में। तो जी हाँ, सो विनय या विदय रामा फिल्म, और फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्म की टाइटल को अगर ट्रांसलेट करें, बिकॉज ये जो टाइटल तेलुगु टाइटल है, और इसी टाइटल को अगर ट्रांसलेट करें तो दोस्तों इसका मीनिंग है द मैडेस्ट एंड लॉयल रामा। विनय या विदय रामा फिल्म 2019 की तेलुगु लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसको कि लिखा और डायरेक्ट किया दोस्तों बोयापति श्रीनु ने, जिसको कि प्रोड्यूस किया उनके अंदर उनके प्रोडक्शन बैनर्स, या फिर प्रोड्यूसर की अगर बात करें तो डीबी
दनियान ने, और इस फिल्म में स्टार्स में आपको नजर आएंगे इस फिल्म में रामचरण, केयर अडवाणी, विवेक ओबरा एंड प्रशांत नजर आएंगे। एंड इस फिल्म में जो म्यूजिक को कंपोज किया देवीश्री प्रसाद ने, एंड फिल्म के अराउंड कोडला रामचरण एंड उनकी एंग्री यंग मैन होना एंड फैमिली के थ्रेट्स, उन सभी को कैसे सॉल्व करता है, अपने फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो इनके बारे में दिखाया गया है। तो फिल्म की स्टोरी बेसिक स्टोरी है, हालांकि फिल्म को कहानी को एक्सप्लेन करेंगे ही। एंड फिल्म की अगर बात करें रिलीज डेट की, दोस्तों मूवी को रिलीज किया गया था 11 जनवरी 2019 को तेलुगु के अलावा डब्ड वर्जन में भी रिलीज किया गया था तमिल एंड मलयालम में, जो कि फिल्म का जो प्लानिंग था लाइक क्रिटिक्स और ऑडियंस के ऊपर ही था। एंड जिस हिसाब से फिल्म को ऑडियंस एंड क्रिटिक ने क्रिटिसाइज किया गया था लाइक काफी नेगेटिवली, जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉपी हुई है एंड कमर्शियली ये फिल्म फेलियर साबित हुई है। रामचरण ने स्पेशली इस फिल्म के लिए लाइक फैन से अपोलॉजी भी मांगा है, जहां से अपोलॉजी के लेटर भी जारी किया गया था फैंस के थ्रू कि हाँ ऐसा फिल्म के बारे में उन्होंने बताया होता कि क्या था क्या नहीं था। तो ये था इस फिल्म की लाइक कहानी, तो इससे भी आपको पता चल गया होगा। पर फिल्म को आज के टाइम के हिसाब से अगर बात करें हिंदी ऑडियंस की, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हिंदी ऑडियंस काफी ज्यादा इस फिल्म को देखते हैं, खासकर यूट्यूब पर सर्च वगैरह काफी अच्छे हैं एंड इस फिल्म को अभी भी देखते हैं। तो आपको बताया कि फ्लॉप फिल्मों को लाइक हिंदी ऑडियंस का खासकर यूट्यूब पर भी देखते हैं एंड इसका रीजन एक ही है कि रामचरण का फैन फॉलोइंग, जैसे उसी के फैन फॉलोइंग के तौर पर देखते हैं, भले फिल्म खराब हो नहीं हो पर फिल्म को लोग ऑडियंस देखते हैं क्योंकि इस फिल्म के जो एक्शन थे वो काफी ज्यादा वायरल भी हुए थे, तो जिसके चलते ऑडियंस फिल्म को अभी भी देखते हैं और काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म को लोग देखते भी है, जो कि काफी अच्छी बात कहूंगा। अगर लोग अगर फ्लॉप फिल्म से एंटरटेन हो रहे तो उसमें क्या है। सो ये है, तो फिल्म को डायरेक्ट किया था बोयापति शेनू ने, जिसको कि लिखा है जॉय किशन ने, टीची ने, जय बोयापति शेनू ने फिल्म की स्क्रीन प्ले को लिखा है, डायलॉग्स को एम रत्नम ने लिखा है। फिल्म की स्टोरी डेफिनेटली बोयापति शेनू की स्टोरी से लेकर आइडिया लेवल की उन्हीं की है, जिसको की प्रोड्यूस किया हुआ दीदी सॉरी डी वी वी दनिया ने, और जहां पर आपको इस फिल्म में सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलेगी आर्थर ए विलियमसन की फिल्म क्रेडिट किया दोस्तों कोटागिरी वेंकटेश राव ने, एंड देवीश्री प्रसाद की बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक कंपोजिंग किया हुआ, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर भी इस फिल्म में काम किया है। इस फिल्म को डीबी एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन बैनर के थ्रू फिल्म को बनाया, फिल्म को रिलीज किया था 11 जनवरी 2019 को। फिल्म का रन टाइम 144 मिनट, जिसको की तेलुगु के अलावा डब्ड वर्जन में भी रिलीज किए गए थे तमिल एंड मलयालम में, एंड जिसकी कलेक्शन की अगर बात करें, हालांकि फिल्म का बजट तो काफी लाइक है, जो की बजट के ऊपर वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्म के कलेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं, तो फिल्म के जो कलेक्शन है एंड जो मैं कलेक्शन बताने जा रहा हूँ ये कलेक्शन एस्टिमेटेड कलेक्शंस हैं, एंड फिल्म ने कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर या फिर फिल्म की लाइफ टाइम कलेक्शन यही मानी जाएगी, जो कलेक्शन किया हुआ है 63 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर, तो ये ध्यान में जरूर रखिएगा। हाँ, कलेक्शन के बारे में वीडियो के आखिरी में बात करेंगे क्योंकि इसका रीजंस मैं आपको बताऊंगा, हालांकि रीजंस क्या है जो कि ऑलरेडी फैंस के द्वारा एक लेटर लाइक एक्टर ने खुद ही जारी किया गया था, तो ये था। फिर भी बात करेंगे उसके ऊपर जब बजट के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो ट्राई करूंगा कि खुल के चीजों को मैं आप सभी से शेयर करूं। सो फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बात करते, पूरी कास्टिंग के ऊपर बात करते, कैरेक्टर के ऊपर बात करते, परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात करते हैं, तो चलिए। रामचरण, केयर अडवाणी, विवेक ओबेरॉय, प्रशांत एंड इसके साथ ही स्नेहा, आर्या राजेश, मुथुमिता, रवि वर्मा, हिमांजा, मधुसूदन, परवीन, मुकेश ऋषि, हरीश उत्तम, महेश मांजरेकर, तलपति राव, जयप्रकाश, सलीम बायग, हेमा, पृथ्वीराज, जीवी सुधाकर नायडू, प्रियदर्शनी राम एंड ईसा गुप्ता। एंड कैरेक्टर की अगर बात कर, रोल की अगर बात कर, तो राम आपको इस फिल्म में जय कोनीडेला राम के रोल में नजर आएंगे, केयर अडवाणी आपको इस फिल्म में कोनीडेला सीता के रोल में नजर आएंगी, विवेक ओबेरॉय आपको इस फिल्म में राजा भाई मुन्ना के रोल में नजर आएंगे, प्रशांत आपको इस फिल्म में एज ए कोडीला का भुवन कुमार के रोल में नजर आएंगे, स्नेहा आपको इस फिल्म में कोराडीला का गायत्री देवी के रोल में नजर आएंगी, आर्यन राजेश आपको इस फिल्म में कोडली का शेखर के रोल में नजर आएंगी, मनोमिता शेखर के वाइफ का रोल प्ले कर रहे, रवि वर्मा आपको इस फिल्म में कोडली का राजू के रोल
में नजर आएंगे। हिमांशा आपको इस फिल्म राजू के वाइफ के रोल में नजर आएंगे। इसके साथ ही मधुसूदन आपको इस फिल्म रामू का फोर्थ ब्रदर के रोल में नजर आएंगे। परवीन एज ए शैलेजा के रोल में नजर आएंगे। मुकेश ऋषि एज ए पांडियम परशुराम के रोल में नजर आएंगे। हरीश उत्तम इस फिल्म में बेलम बालराम के रोल में नजर आएंगे, जो कि परशुराम के ब्रदर इन लॉ है। मुकेश ऋषि आपको इस फिल्म में महेश मांजरेकर आपको इस फिल्म में चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार के रोल में नजर आएंगे। चलपति राव इस फिल्म में कोडाली के सुब्रमण्यम के रोल में नजर आएंगे। जयप्रकाश चीफ मिनिस्टर ऑफ बीपी के रोल में नजर आएंगे। सलीम बेग आपको इस फिल्म में रजी सिंह के रोल में नजर आएंगे। हेमा माधवी के रोल में नजर आएंगे। इसके साथ ही पृथ्वी राज आपको इस फिल्म में धर्मेंद्र के रोल में नजर आएंगे। जीव सुधाकर नायडू राजा मुन्ना भाई के रोल में नजर आएंगे। इसके साथ ही प्रियदर्शन राम इनकाउंटर स्पेशलिस्ट शंकर के रोल में नजर आएंगे। ईशा गुप्ता का शरण्य के तौर पर उनका स्पेशल अपीयरेंस रखा हुआ है, और एक तरह से आप एक्सटेंडेड कैमियो भी कह सकते हो। एंड परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो डेफिनेटली फिल्म के स्क्रिप्ट के हिसाब से, डायरेक्टर के हिसाब से जो परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो उनमें भी आप डेफिनेटली क्रिटिसाइज करोगे। यहाँ तक कि लीड एक्टर की मैं बात करूँ, यहाँ तक कि हीरो की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी परफॉर्मेंस में भी आपको लाइक कुछ ना कुछ कमियां आपको जरूर नजर आएगी। हालांकि कमियां की अगर बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर डायरेक्टर ने ही उस तरीके से आपसे परफॉर्मेंस निकलवाई है, जो कि इसमें एक्टर का कोई दोष है नहीं, क्योंकि डायरेक्टर ने जिस हिसाब से सीन्स को उन्होंने कहा उसी हिसाब से किया, उसी हिसाब से परफॉर्मेंस उन्होंने दिया हुआ। तो ये है, हालांकि परफॉर्मेंस की अगर बात करें ओवरऑल एवरेज आपको नजर आएंगे यहाँ तक के लिए एक्टर की, बिकॉज फिल्म में रिएक्शंस ओवर द टॉप किए गए, परफॉर्मेंस ओवर द टॉप्स हैं। लाइक वो फिल्म देखने पर वो आपको आइडिया मिल ही जाएगा कि हालांकि क्यों कह रहा हूँ। एंड सभी की परफॉर्मेंस आपको ओवर द टॉप ही नजर आएंगे। कुछ कुछ जगह तो आपको काफी क्रिंज आपको फील होगी कि यार क्या हो रहा है, इतने बड़े एक्ट्रेस, इतने बड़े एक्टर, क्या हो रहा है फिल्म में, तो ऐसा फील होगा। एंड यही कारण है कि द्रौपदी शिनु की हालांकि एक ही फिल्म में उनकी हिट हुई है, ब्लॉकबस्टर हुई है, पर सभी फिल्म उन्होंने जितनी भी फिल्म उन्होंने किया हुआ है सभी फिल्में फ्लॉपी हुई है। एंड इसका रीजन है कि आउटडेटेड कहानी एंड वही पुरानी जैसी फिल्मों को बनाते थे उसी हिसाब से वो फिल्मों को अभी भी बना रहे, उसी वे में बना रहे, जो कि ऑडियंस इस चीज को अब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि चीजों को काफी ज्यादा रियल रखना भी होना चाहिए। एंड लाइक होता है चीजों को लाइक उस टाइम की फिल्में वो चल जाती है। हाँ, ऐसा नहीं कि फिल्में नहीं चलती पर थिएटर्स में नहीं चलती, पर उसी फिल्मों को अगर यूट्यूब पर या फिर टीवी पर रिलीज करवाते तो ऑडियंस देखते हैं, क्योंकि उस तरह की फिल्में यूट्यूब एंड और टीवी पर ही देखने का जो अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है, वही अगर आप थिएटर्स में फिल्म को देखने नहीं जाते ऑडियंस, तो ये है, तो ये कारण है। बाकी ज़्यादा इसके बारे में क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, किसी और दिन अगर होगा तो डेफिनेटली बात करेंगे। हालांकि कियारा आडवाणी एंड यहाँ पर बात करें रामचरण की, फिर से उनकी कोलैबोरेशन होने जा रही है, तो देखते हैं कि उनका जो फर्स्ट कोलैबोरेशन आई थिंक ऐसे फिल्म के साथ ही हुई है, तो डेफिनेटली देखना होगा कि उनकी सेकेंड कोलैबोरेशन कैसी रही। हालांकि फर्स्ट कोलैबोरेशन उनकी तो काफी बड़ी फ्लॉप रही है, तो इसके ऊपर भी वीडियो में आगे चलकर डेफिनेटली थोड़ी बहुत उसके ऊपर भी चर्चा तो करूंगा ही, चर्चा करने का मन है। फिल्म की प्री प्रोडक्शन के ऊपर आते तो ऋषि पंजाबी ने वर्क किया था भोयवती शून्य के साथ सरनाडो एंड जय जानकी नायिका फिल्म में। एन एनिस सिनेमाटोग्राफर के तौर पर उन्होंने शॉर्ट्स भी किए थे, हाफ में किए गए थे, पर बाद में हाफ में उनको बाहर कर दिया गया था। एज पर रिजल्ट के हिसाब से विलियमसन को पूरी पोर्शन को कम्प्लीट किया गया था, लाइक हाफ ही उनके द्वारा किया था, हाफ के बाद अर्थर विलियमसन के द्वारा किया गया था। आई थिंक क्रिएटिव डिफरेंस के चलते में भी हुआ होगा। इसके साथ ही फोर्थ कोलेबोरेशन हुआ प्रोफेशन एंड भीमा भीमा एंड डेमो फिल्म में। इसके साथ ही ऑल्सो रिटर्न किया था तो तमिल एक्टर प्रशांत ने, जो कि तेलुगु फिल्म में नियरली 25 बाद उन्होंने किया हुआ था कमबैक। तो ये था। एंड ज्यादा फिल्म की प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में जानकारी नहीं है, और इसका मेन रीजन है कि फिल्म फ्लॉप हुई है। बाकी अगर फिल्म अगर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमाई करता है, अगर अच्छा होता तो डेफिनेटली और भी आपको इस फिल्म के बारे में डिटेल्स आपको डेफिनेटली पता चल जाता है, कि मुझे अगर पता चलता तो डेफिनेटली मैं आपको तो शेयर तो करूंगा ही, ऑब्वियसली बात है। ना ही पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में, ना ही प्री प्रोडक्शन के बारे में, जो था ऑलरेडी मैं आपसे भी खुद बता ही चुका हूँ, और ना ही फिल्मिंग के बारे में ज्यादा जानकारी दी है कि फिल्मिंग शूटिंग कहाँ कहाँ करवाई गई है, रैप अप कब हुई है, कौन से लोकेशंस में लाइक कहाँ का कौन से लोकेशन में शूट किए गए थे, लाइक सेट क्रिएट कहाँ गया, तो इन सभी की डिटेल्स अभी भी अधूरी है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर पता चलेगा, जो कि सिनेमाटोग्राफर के तौर पर है, जो कि सरनाडो एंड जय जानकी फिल्म में काम किया था सिनेमाटोग्राफर के तौर पर, और इस फिल्म में भी फिल्म का हाफ कम्प्लीट किया था उनके द्वारा, पर उनको बाहर कर दिया गया था शेड्यूलिंग के चलते। यही तो बताया था, शेड्यूलिंग के चलते ही बताया हो, बाकी इसका मेन रीजन क्या तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी
कंक्लूजन को यहाँ पर आर्थन विलियम्स ने कंप्लीट किया, जो कि आपको बता चुका फिर से डिटेल के साथ सभी चीजों को बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। हालांकि आप समझ ही जाते हो पर मैं दोबारा बता देता हूँ लाइक फिर से लाइक रिपीटर के तौर पर ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर चुका चीजों को। एंड ट्रैक की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 5 है। टाइटल के लिरिक्स के बारे में ऑलमोस्ट यहाँ पर श्री मनी ने सभी गाने को लिखा है। लिरिक्स गाने को गायमल कार्तिकिया, जसप्रीत, देवीश्री प्रसाद, सिम्बा एंड कला भैरव ने। लेंथ वगैरह की बात करें, एक्चुअली टोटल लेंथ के ऊपर बात करते हैं तो जो टोटल लेंथ है 20 मिनट 23 सेकंड है। एंड दोस्तों अगर बात करें फिल्म की मलयालम एंड यहाँ पर तमिल ट्रैक को भी लाइक लिए गए, लाइक गाने वगैरह को डब किए गए थे। एंड ऑलमोस्ट अगर बात करें तमिल वर्जन में कुछ सेकंड ज्यादा है। एंड उसी तरह मलयालम की अगर बात करें, एल्बम की अगर बात करें म्यूजिक की, तो उनमें 18 मिनट के आसपास है। तो मे भी गाने वगैरह को ट्रिम किए गए होंगे या फिर गाने वगैरह को कम किया गया था, मे भी इसके बारे में नहीं पता है। पर जाहिर सी बात है इतनी फ्लॉप फिल्मों को रिलीज किया गया था, सो क्या मेकर्स को कॉन्फिडेंस था, पर हुआ नहीं। सो फिल्म को विनैया रामा फिल्म को रिलीज किया था वर्ल्ड वाइड 11 जनवरी 2019 को, और संक्रांति के वीकेंड को ही टारगेट करके मूवी को रिलीज किया गया था। एंड चलिए कुछ क्रिटिक्स एंड ऑडियंस के रिएक्शंस के ऊपर भी बात कर लेते, रिव्यू के ऊपर भी बात कर ही लेते। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को 1 out of 5 star की रेटिंग दी। इंडिया टुडे ने इस फिल्म को 2 out of 5 star की रेटिंग दी है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 1 out of 5 star की रेटिंग दी है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस फिल्म को 0.5 out of 5 star की रेटिंग दी है। इस फिल्म को फर्स्ट पोस्ट ने इस फिल्म को 1 out of 5 star की रेटिंग दी है। तो ये ओवरऑल क्रिटिक का रिएक्शन है, उनकी तरफ से रेटिंग दी है। तो डेफिनेटली इसे भी आइडिया आपको हो ही गया होगा। एंड हालांकि मैं आपको नहीं बात करूं तो मैंने इस फिल्म को एक्चुअली याद नहीं है कि देखा कि नहीं, जहां तक मुझे लगता है कि फिल्म को नहीं देखा हुआ है अभी भी, अगर देखा भी है तो स्किप करके देखा हुआ है। तो ये है, हालांकि अच्छी फिल्मों को मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूं, तो आप समझ सकते हो कि हाँ अगर ये फिल्म कभी टीवी पर मैं आता है तो डेफिनेटली देख लूंगा, या फिर इस फिल्म को अगर यूट्यूब पर रिलीज करवाता है, अगर मुझे टाइम मिलता है तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा, उसके बाद मैं आपको अपना प्रॉपर ओपिनियन मैं आपको दूंगा। हालांकि ओपिनियन क्या देना, जो कि ऑलरेडी जो डिटेल्स ही ऑलरेडी मैं आप सभी को बता ही चुका हूं। एंड जो चीजें के ऊपर मैं इन सभी के ऊपर जो बातें कर रहा हूं, तो डेफिनेटली ऑडियंस के रिव्यूज, उनके रिएक्शंस, क्रिटिक आर्टिकल्स एंड कलेक्शन से भी डेफिनेटली आपको आइडिया मिल ही जाता होगा। एंड यहाँ तक कि डायरेक्टर के बारे में अगर आप जाने माने डायरेक्टर, तो उसके बारे में भी एटलीस्ट आपको पता ही होता है। एक्टर पॉपुलर है तो डेफिनेटली उसके बारे में पता ही होता है कि क्या है क्या नहीं है। उससे पहले कहानी के ऊपर बात करते हैं, उसके ऊपर कुछ चीज़ों के ऊपर डिटेल के साथ विस्तार से बात करेंगे। लाइक रामचरण की जो उनकी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो रिलीज होने जा रही है, जिसमें कि लीड में KR अडवाणी ही नजर आएंगे, तो उसके ऊपर बात करेंगे। एंड डायरेक्टर के ऊपर बात करेंगे, और साथ ही बजट के ऊपर तो अभी भी बात नहीं किया, उसके ऊपर बात करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो कि अभी भी काफी सारे मतलब बातें किया जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहानी के ऊपर बात करते हैं कि विनय या विदय या रामा फिल्म में किस हिसाब से कहानी को दिखाया गया, क्या कहानी था, क्या वाकई कहानी बेकार है कि नहीं, वो आपको पता चल जाएगा। सो कहानी को एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में VVR भी कहते हैं, एंड विनय या विदय या रामा फिल्म में जो स्टोरी या फिर फिल्म में जो कहानी दिखाई, ये कहानी दिखाई गई है कोनिडिला रामचरण उर्फ रामा एक शिशु है जिसे 4 भाई यो ने गोद लिया है। कोनिडिला भुवन कुमार, शेखर, राजू और मथुदाना छोटी उम्र में राम को एक अपहरणकर्ता को मार देता है जो उन्हें मारना चाहता था, क्योंकि वह उसके अपराधों के गवाह बन गए थे। जब डॉक्टर कोनिडिला सुब्रमण्यन को इस बारे में पता चलता है तो वह उन्हें अपने बच्चों की तरह पालने का फैसला करता है। सालों बाद राम अपने भाइयों एंड भाभियों और के बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। भुवन अब मुख्य चुनाव आयुक्त है, और वह राम, शेखर, राजू और मधुनंदन उसके अधीनस्थ है। बाद में राम को महिला अधिकार कार्यकर्ता पप्पी की बेटी सीता से प्यार हो जाता है, और जल्द ही उनकी सगाई हो जाती है। एंड बलराम एक महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ है जो भुवन की रिश्वत देने की कोशिश करता है, क्योंकि भुवन ने उसका काला धन जब्त कर लिया था। हालांकि भुवन मना कर देता है जिससे बलराम क्रोधित हो जाता है और उसको धमकाता है, लेकिन राम उसे मीडिया के सामने वापस धमकाता है। बलराम के साले
पंडम परशुराम ने भुवन से माफी मांगने को कहा, लेकिन राम ने उसे धमकाया और पीटा। अपमानित होकर परशुराम इनकाउंटर स्पेशलिस्ट शंकर के पास जाता है और शंकर राम के परिवार को बंधक बना लेता है। राम परशुराम से माफी मांगने के लिए मौके पर पहुंचता है, लेकिन तानाशाह राजा भाई द्वारा भेजे गए बिहार के गुंडे का सामना करता है। सभी को मारने के बाद गायत्री देवी राम की बड़ी भाभी और भुवन की पत्नी राम ने घटनाओं के बारे में पूछा, पत्नी। अतीत में भुवन को वास्तव में चुनाव आयुक्त के रूप में बिहार भेजा जाता है जो अपने अधिनीतियों के साथ बिहार की यात्रा करता है। राम अपने परिवार और सीता के साथ मंदिर जाने के लिए गुजरात पहुंचता है। जब भुवन बिहार पहुंचता है तो उन्हें पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास ले जाया जाता है। भुवन राम को बुलाता है जो हवाई अड्डे पर था। राम मौके पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है और अकेले ही 300 लोगों को मार डालता है। तो इसमें लॉजिक वाली बात आपको लगता है। सो ये है कहानी के अंदर कुछ चीजें जो कि कहानी से आपको ऑलरेडी पता तो चल ही गया होगा। हालांकि मैं कहानी को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जिसको मैं एक्सेप्ट कर ही रहा हूँ, पर डेफिनेटली इसके ऊपर मैं काम करता हूँ और डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि दिन ब दिन चीजों को मैं इम्प्रूवमेंट करने की जरूर ट्राई करता हूँ। तो खैर उसके ऊपर बात जरूर करेंगे। जहाँ उसे पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास ले जाया जाता है। लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें राजा भाई भुवन को चाकू मार देता है और राम राजा भाई को गंभीर रूप से घायल कर देता है, जिससे वह कोमा में चला जाता है। भुवन अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है, जिससे राम और उसके भाई तबाह हो जाते हैं। वर्तमान में गायत्री यह जानकर तबाह हो जाती है और राम से कहती है कि वह उसे भुवन की चिंता पर और बाद में राजा भाई के पास ले जाया और राजा भाई कोमा से ठीक हो जाते हैं और गायत्री उसे राम से लड़ने की चुनौती देती है। राम राजा भाई के गुड़गे से लड़ता है और जल्द ही एक पेड़ से जुरी तलवार से राजा भाई का वो कर देता है। इसी तरह भुवन की मौत का बदला ले लेता है। राम और सीता अपने परिवार के साथ फिर से मिलते हैं। तो दोस्तों फिल्म की जो एक्चुअल कहानी है यही कहानी है जो कहानी में है। ऑलरेडी सभी चीजों को मैं विस्तार से आप सभी को बता चुका हूँ। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसके कहानी को एक्सप्लेन करने के बाद और ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर बात तो डेफिनेटली करेंगे ही। तो लाइक सबसे पहले बात करते हैं कियारा आडवाणी एंड एक्टर राम की, जो कि आप सभी को पता है कि उनकी फिल्म रिलीज होने जा रही है। आई थिंक इसी महीने रिलीज की जाएगी। अक्टूबर का महीना उन्होंने ऑलरेडी रखा हुआ और ऑब्वियसली जिसका कि टाइटल को भी कंफर्म कर दिया, जो कि टाइटल के बारे में बात करते हैं तो गेम चेंजर फिल्म का टाइटल का नाम है। और आई थिंक RR के बाद रामचरण की एक भी फिल्म में रिलीज नहीं हुई है एंड इस फिल्म के साथ कम बैक करने जा रहा। आई थिंक 2 साल तो हो गए होंगे शायद, तो 2 साल हो गए होंगे। और इसके अलावा अगर बात कर रामचरण की अपकमिंग प्रोजेक्ट की, तो आई थिंक इस फिल्म के बाद ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट को ऑलरेडी साइन कर चुके हैं जहाँ तक मुझे लगता है। हालांकि इसके बारे में नहीं पता कि कौन कौन से प्रोजेक्ट में उन्होंने कभी साइन किया हुआ, कौन कौन से उनकी वो फिल्म अभी करेंगे, तो डेफिनेटली उसके बारे में नहीं पता। पर इतना पता है कि ऑलरेडी गेम चेंजर में है, उसके बाद और फिल्में करेंगे कि नहीं, कौन से डायरेक्टर के साथ आ रहे इसके बारे में नहीं पता। डेफिनेटली अगर मुझे पता भी होगा तो किसी और वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो खैर आज के ऊपर बात करते हैं, गेम चेंजर के ऊपर बात करते हैं एंड कोलैबोरेशन के ऊपर भी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टर राम की अगर बात करें तो आप सभी को बताया कि उसका नाम कोनेडिला रामचरणी है, जो कि फिल्म में भी एक्चुअली नाम को यूज किया गया था। तो खैर वो अलग बात है, एक फैक्ट्स है उस फिल्म के साथ आप रख सकते हो, अगर आपको फैक्ट लगा तो उसको आप काउंट कर सकते हो। तो ये है। बात करें कोलैबोरेशंस की कियारा आडवाणी एंड रामचरण की अगर बात करें दोनों की कोलैबोरेशन की, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि फर्स्ट कोलैबोरेशन उनका असफल रहा है और जिस हिसाब से उनको कलेक्शन करना था, जिस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर वो फिल्म चलनी थी, हालांकि वो फिल्म चल नहीं पाई थी, पर डेफिनेटली मुझे जहाँ तक लगता है कि वो फिल्म जैसा तो इस फिल्म के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शंकर डायरेक्टर है और शंकर डायरेक्टर है तो इसमें भी बातें किया जा सकता है। बिकॉज आप सभी को शंकर के जो फिल्म
आई थी रिसेंटली इंडियन 2, आप सभी को पता है कि कितनी बड़ी वो फिल्म डिजास्टर फिल्म साबित हुई है बॉक्स ऑफिस पर। एंड फिल्म का कॉन्सेप्ट स्टोरी लोगों को पसंद ही नहीं आई थी, लेकिन उस फिल्म से लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था काफ़ी अलग लेवल का था, पर वो फिल्म उस एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतर पाई है। पर ऑडियंस लेवल पर एटलीस्ट होप कर रहे कि डेफिनेटली इंडियन 3 लोगों के जो एक्सपेक्टेशन है एटलीस्ट उस एक्सपेक्टेशन पर वो फिल्म खरीद रहे, तो ऑडियंस तो ये एक्सपेक्ट कर रहे। लेट्स सी फिल्म का जो ट्रेलर, इंडियन 3 का जो ट्रेलर है ऑलरेडी रिलीज़ करवा दी गई थी, तो डेफिनेटली मुझे जहाँ तक लगता है कि क्या होता है नहीं होता है, लेट्स सी क्या होता है लाइक पार्ट 3 में देखा जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि पार्ट 3 उसी सिमिलैरिटी में बनाई गई है। सो ये है, मुझे ट्रेलर कुछ खास लगा नहीं है। हाँ, कुछ कुछ मोमेंट्स थे जो कि काफ़ी अच्छे लगे थे, पर कुछ कुछ मोमेंट्स मतलब डिसअपॉइंटिंग थे। बाकी देखते हैं मेकर्स, अगर लाइक फिल्म को रिलीज़ होने में काफ़ी अच्छा खासा लंबा टाइम है तो मेकर चाहेंगे कि स्क्रिप्ट पे चेंजेस करे, रिशूट्स करे, तो मेकर्स अगर करना चाहें तो करेंगे। तो खैर उस फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, गेम चेंजर के ऊपर बात कर रहा हूँ। एंड डायरेक्टर के लिए इसलिए मैंने बात किया क्योंकि एक डर सा बना रहता है, अगर उनकी अगर प्रीवियस फिल्म में इतनी बड़ी फ्लॉप रहती है तो एक डर बना रहता है, और साथ ही प्लॉट सेम जैसा ही लाइक है फिल्म के अंदर, लाइक पॉलिटिकल लाइक है पॉलिटिकल एंगल मतलब मूवी के अंदर है गेम चेंजर फिल्म में भी, तो इसे डर बना रहता है। और फिल्म का फर्स्ट कोलैबोरेशन रामचरण एंड केयर अडवाणी का वो कुछ खास नहीं रहा, ये भी एक डर बना रहता, पर लेट्स सी क्या होता। हालांकि ट्रेलर लाइक एक गाने को रिलीज किया था, गाने को लोगों को पसंद भी आ रहा है, तो देखते हैं किसी हिसाब से रिस्पॉन्स वगैरह मिलता है। बाकी एक्साइटेड हूँ, और इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि आपको पता है कि गेम चेंज फिल्म में आपको लाइक एजय सूर्या भी आपको नजर आएंगे, तो काफ़ी और इंटरेस्टिंग कास्ट है फिल्म के अंदर, और डायरेक्टर शंकर भी हैं, तो मतलब अलग लेवल का तो लोगों का एक्सपेक्टेशन है। और आरआर के बाद इस फिल्म के साथ लाइक वो कमबैक करने जा रहे हैं, लाइक कमबैक तो नहीं करूँगा, हालांकि 2 साल से उनकी नई फिल्म आई हुई है, तो लाइक कमबैक ही किया जा सक कमबैक ही कहा जाएगा। कमबैक किसको कहा जाएगा, जिसकी फिल्म फ्लॉप होती है काफ़ी समय लाइक लंबे टाइम के, उसको कमबैक किया जाएगा, तो उसको कमबैक नहीं कहा जा सकता, कहा जा सकता है जहाँ तक मुझे लगता है। तो खैर यानी कि 2 साल बाद वो आ रहे हैं, और कास्टिंग भी इंटरेस्टिंग है जैसे कि बता ही चुका हूँ, अजय सूर्या एंड आप सभी को बताया कि सरीपोदा शनिवारम या फिर सूर्य सैटरडे में आपको लाइक दिखाई था, और सोशल मीडिया पर एक गाने के अंदर जिस हिसाब से डांस कर रहे वो भी काफ़ी ज़्यादा लाइक वायरल भी हुआ है, तो है एक्सपेक्टेशन है, और डेफिनेटली अजय सूर्या तो फिल्म के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग ही होने वाला है, तो ये है। बाकी मैं तो एक्साइटेड हूँ, बाकी देखते हैं। अभी तक जितनी भी गेम चेंजर से रिलेटेड कंटेंट वगैरह आया है सभी कंटेंट लोगों को पसंद ही आ रही है, और केयर अडवाणी एंड रामचरण इस फिल्म में तो डेफिनेटली है। और इस फिल्म की जो हाइप वगैरह काफ़ी पहले कमाल का था, अभी भी हाइप है इस फिल्म को लेकर, क्योंकि पोस्टर वगैरह काफ़ी कमाल के आए थे एंड लाइक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट तो नहीं कहूँगा, हालांकि इसके ऊपर भी मैं डेफिनेटली बहुत ही जल्द वीडियो बनाऊंगा एंड जिसमें कि मैं आपको इस फिल्म के ऊपर प्रॉपर सभी डिटेल्स को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं एक लाइक वीडियो की तलाश कर रहा हूं, लाइक जब प्रॉपर मटेरियल मुझे मिल जाएगी तो डेफिनेटली इस फिल्म के ऊपर भी लाइक वीडियोस बनाऊंगा। हालांकि गाने को रिलीज़ कर दिया गया, जो कि गाने का जो नाम रखा है जगरा गांधी रखा हुआ है, तो अगर आप गाने को सुनना चाहते हो डेफिनेटली सुन सकते हो, सुनना ना सुन सकते आपके ऊपर डिपेंड है। उससे पहले और एक गाने को रिलीज़ किया था, हालांकि उसको 27 मार्च में रिलीज़ किया गया था एंड जस्ट एक गाने रिलीज़ किया गया रा मचा मचा, इस गाने को रिलीज़ किया गया, आई थिंक 30 सितंबर को ही रिलीज़ किया हुआ है, सो ये है। बाकी 20 दिसंबर को रिलीज़ करवाने वाले हैं एंड फिल्म को रिलीज़ होने में ऑलमोस्ट अगर बात करें तो ये अक्टूबर का महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर लाइक ऑलमोस्ट अभी टाइम है एंड टाइम है, तो फिल्म को लाइक अच्छे खासे प्रमोशंस कंटेंट दे रहे हैं, और फिल्म का बजट अराउंड एस्टिमेटेड जो बजट है 250 करोड़ के अराउंड, लाइक 250 करोड़ का फिल्म का बजट है, तो बहुत ही बड़े बजट की फिल्म भी है। और साथ ही शंकर की अगर बात करें, डायरेक्टर शंकर सर की अगर बात करें, उनकी फिल्म जो आई हुई थी इंडियन 2, ऑलमोस्ट उनका भी बजट काफ़ी था, लाइक बहुत ही बड़ी बजट की वो फिल्म भी थी। हालांकि मेकर्स ने भी बजट के बारे में नहीं पता, पर इतना तो पता है कि फिल्म का बजट हाई है, सो लेट्स सी क्या होता है। एंड फिल्म की इंडियन 3 की अगर बात करें तो उनका पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क के बारे में पता है, इसके बारे में अगर बजट की अगर बात करें इंडियन 2 की, तो चलिए बजट के ऊपर भी बात करते, तो भी अराउंड 250-300 करोड़ का अराउंड बजट था, वो फिल्म का भी बजट था। हाँ, फिल्म की बजट की अगर बात करें तो प्रोडक्शन वैल्यू भी दिखता भी था, और इतने बड़े डायरेक्टर है जिन्होंने रोबोट
जैसी फिल्में बनाई हुई है। सो ये है आई लाइक काफ़ी सारे फिल्में बनाई जैसे कि जेंटलमैन, इंडियन टू, नायक द रियल हीरो, बॉयज, शिवाजी द बॉस, इथिरन, नंबेन, आई, तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग उन्होंने प्रोजेक्ट को बनाई है। डायरेक्टर हालांकि वो डिफरेंट डिफरेंट टेक लेती है एंड काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट को भी करते हैं, इसमें नो डाउट। तो डेफिनेटली आने वाले प्रोजेक्ट के लिए मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हालांकि गेम चेंजर की ऑलरेडी शूटिंग रिलीज करने वाले पोस्ट प्रोडक्शन में भी है, इंडियन 3 का शूटिंग तो ऑलरेडी हो चुका है। मुझे जहाँ तक लगता है कि इन दोनों फिल्मों को कम्प्लीट होने के बाद मे भी देखते हैं कौन सा एक्टर के साथ कोलाबरेशन हमें देखने को मिलता है, कोलाबरेट करते हैं, इंटरेस्टिंग होने वाले, बिकॉज एक्साइटेड तो हूँ। एंड रामचरण की प्रोजेक्ट, आपके कौन सी प्रोजेक्ट है इसके बारे में तो ज़्यादा नहीं पता है, हालांकि इस फिल्म के बाद वो कौन से डायरेक्टर के साथ कोलाबरेट करेंगे उसके बारे में भी नहीं पता है। हालांकि एक अनाउंसमेंट पहले से भी हो चुकी है जो कि उनकी खुद की प्रोडक्शन बैनर में उस फिल्म को बनाई जाएगी। आई थिंक फिल्म का टाइटल वगैरह को किया गया है, हालांकि ज़्यादा जानकारी तो नहीं बता सकते कि क्या है क्या नहीं है। सो ये है। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें विनय या विदय फिल्म की बजट की, इसके ऊपर हालांकि मैंने बजट के ऊपर अभी भी बात नहीं की है, सो लेट्स से बजट के ऊपर बात करते हैं कि अराउंड फिल्म का क्या बजट था क्या नहीं था। हालांकि एक्चुअल बजट की बात करें तो बजट अप्रोक्सली 70 करोड़ के आसपास है एंड फिल्म ने जो कलेक्शन किया 63 करोड़ कलेक्शन किया हुआ है। सो मे बी बजट में एस्टिमेटेड बजट है, एक्यूरेट नहीं है। मेकर्स ने चीज़ को ऑफिशियली नहीं रिवील किया कि हाँ वाकई फिल्म का इतना बजट, इतने बजट में हमने बनाया, इतने बजट के साथ इतने करोड़ फिल्म ने कलेक्शन किया है, तो मेकर्स ने चीज़ को अभी भी हाइड रखा हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें जिसको कि हाइड रखा हुआ है, तो मे बी मेकर्स का है ये नहीं है। बाकी तो इसके ऊपर मैं बातें नहीं करना चाहता। लेट्स सी किसी और वीडियो में किसी और दिन इसके ऊपर डेफिनेटली अगर मेरे से पॉसिबल होता है तो डेफिनेटली ट्राई करूँगा। बाकी होप करते हैं कि उनकी जो प्रोजेक्ट है काफ़ी सफल रहे। बाकी ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है बिकॉज ऑडियंस ही डिसाइड करती है कि क्या है क्या नहीं है, कौन सा प्रोजेक्ट ऑडियंस को पसंद आता है नहीं आता है। हर चीज़ प्रोजेक्ट को लोग डेफिनेटली सपोर्ट दिखाते, अप्रिशिएट भी करते हैं। काफ़ी सारे फिल्में भी आई हुई है जो कि अच्छे प्रोजेक्ट को लोगों ने पसंद भी किया, अप्रिशिएट भी किया हुआ है एंड अलग लेवल का परफॉर्मेंस भी देखता है, लोगों को लोग तारीफ़ भी करते हैं। तो क्या होता नहीं होता है देखते हैं क्या होता है। और रामचरण के आपके प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो जो कि एक ही प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता है और सुनने में आ रहा था कि वो करेंगे, लेकिन लेट्स से क्या होता है। सो वीडियो को एंड करने का टाइम तो आ ही चुका है कि वीडियो को एंड करते। बाकी और भी कई सारी फिल्में जो कि इसे मैंने रिलीज़ होगी, हॉलीवुड की फिल्में भी आ रही है एंड साउथ की फिल्में भी रिलीज़ होने वाली है। दिसंबर में वो मंथ काफ़ी मारा मारी होने वाली है उस मंथ में, बिकॉज अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2, इसी के साथ गेम चेंजर और भी कई सारी प्रोजेक्ट है जो कि दिसंबर महीने में रिलीज़ की जाएगी। एंड इस महीने वेटाइन आएगी, रजनीकांत की वेटाइन फिल्म रिलीज़ होने जा रही है, आई थिंक 2 तारीख को उस फिल्म का ट्रेलर को रिलीज़ किया जाए, उसका रिलीज डेट को भी ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया गया जाएगा कि ऑलमोस्ट 10 तारीख को रिलीज़ की जाएगी। तो काफ़ी सारे बड़े प्रोजेक्ट है जो कि आपको इसी महीने में भी आपको देखने को मिलेगी सिनेमाघरों में। तो जी हाँ, सो विनय्या विदय्या रामा फिल्म, और फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्म की टाइटल को अगर ट्रांसलेट करें, बिकॉज ये जो टाइटल तेलुगु टाइटल है और इसी टाइटल को अगर ट्रांसलेट करें तो दोस्तों इसका मीनिंग है द मैडेस्ट एंड लॉयल रामा। विनय्या विदय्या रामा फिल्म 2019 की तेलुगु लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको कि लिखा और डायरेक्ट किया दोस्तों बोयापति श्रीनु ने, जिसको कि प्रोड्यूस किया उनके अंदर उनके प्रोडक्शन बैनर्स या फिर प्रोड्यूसर की अगर बात करें तो डीबी दनियान ने। और इस फिल्म में स्टार्स में आपको नजर आएंगे, इस फिल्म में रामचरण, केयर अडवाणी, विवेक ओबरॉय एंड प्रशांत नजर आएंगे। एंड इस फिल्म में जो म्यूजिक को कंपोज किया देवीश्री प्रसाद ने, एंड फिल्म के अराउंड कोडला रामचरण एंड उनकी एंग्री यंग मैन होना एंड फैमिली के थ्रेट्स, उन सभी को कैसे सॉल्व करता है, अपने फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो इनके बारे में दिखाया गया है। तो फिल्म की स्टोरी बेसिक स्टोरी है, हालांकि फिल्म को कहानी को एक्सप्लेन करेंगे ही। एंड फिल्म की अगर बात करें रिलीज डेट की, दोस्तों मूवी को रिलीज किया गया था 11 जनवरी 2019 को तेलुगु के अलावा डब्ड वर्जन में भी रिलीज किया गया था तमिल एंड मलयालम में, जो कि फिल्म का जो प्लानिंग था क्रिटिक्स और ऑडियंस के ऊपर ही था एंड जिस हिसाब से फिल्म को ऑडियंस एंड क्रिटिक ने क्रिटिसाइज किया गया था काफी नेगेटिवली, जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप ही हुई है एंड कमर्शियली ये फिल्म फेलियर साबित हुई है। रामचरण ने स्पेशली फिल्म
फिल्म के लिए लाइक फैन से अपोलॉजी भी मांगा है, जहां से अपोलॉजी लेटर भी जारी किया गया था फैंस के थ्रू कि हाँ ऐसा फिल्म के बारे में उन्होंने बताया होता कि क्या था क्या नहीं था। तो ये था इस फिल्म की लाइक कहानी, तो इससे भी आपको पता चल गया होगा। पर फिल्म को आज के टाइम के हिसाब से अगर बात करें हिंदी ऑडियंस की, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हिंदी ऑडियंस काफी ज्यादा इस फिल्म को देखते हैं, खासकर यूट्यूब पर सर्च वगैरह काफी अच्छे हैं एंड इस फिल्म को अभी भी देखते हैं। तो आपको बताया कि फ्लॉप फिल्मों को लाइक हिंदी ऑडियंस का खासकर यूट्यूब पर भी देखते हैं एंड इसका रीजन एक ही है कि रामचरण का फैन फॉलोइंग, जैसे उसी के फैन फॉलोइंग के तौर पर देखते हैं, भले फिल्म खराब हो नहीं हो पर फिल्म को लोग ऑडियंस देखते हैं क्योंकि इस फिल्म के जो एक्शन थे वो काफी ज्यादा वायरल भी हुए थे, तो जिसके चलते ऑडियंस फिल्म को अभी भी देखते हैं और काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म को लोग देखते भी है, जो कि काफी अच्छी बात कहूंगा। लोग अगर फ्लॉप फिल्म से एंटरटेन हो रहे तो उसमें क्या है। सो ये है, तो फिल्म को डायरेक्ट किया था बोयापति शेनू ने, जिसको कि लिखा है जॉय किशन ने, टीची ने, जय बोयापति शेनू ने फिल्म की स्क्रीन प्ले को लिखा है, डायलॉग्स को एम रत्नम ने लिखा है। फिल्म की स्टोरी डेफिनेटली बोयापति शेनू की स्टोरी से लेकर आइडिया लेवल की उन्हीं की है, जिसको की प्रोड्यूस किया हुआ दीदी सॉरी डी वी वी धनिया ने, और जहाँ पर आपको इस फिल्म में सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलेगी आर्थर ए विलियम्स की फिल्म क्रेडिट किया दोस्तों कोटागिरी वेंकटेश राव ने एंड देवी श्री प्रसाद की बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक कंपोजिंग किया हुआ, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर भी इस फिल्म में काम किया है। इस फिल्म को डीबी एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन बैनर के थ्रू फिल्म को बनाया, फिल्म को रिलीज किया था 11 जनवरी 2019 को। फिल्म का रन टाइम 144 मिनट, जिसको की तेलुगु के अलावा डब्ड वर्जन में भी रिलीज किए गए थे तमिल एंड मलयालम में, एंड जिसकी कलेक्शन की अगर बात करें, हालांकि फिल्म का बजट तो काफी लाइक है, जो की बजट के ऊपर वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्म के कलेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं, तो फिल्म के जो कलेक्शन है एंड जो मैं कलेक्शन बताने जा रहा हूँ ये कलेक्शन एस्टिमेटेड कलेक्शंस हैं एंड फिल्म ने कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर या फिर फिल्म की लाइफ टाइम कलेक्शन यही मानी जाएगी, जो कलेक्शन किया हुआ है 63 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर, तो ये ध्यान में जरूर रखिएगा। हाँ, कलेक्शन के बारे में वीडियो के आखिरी में बात करेंगे क्योंकि इसका रीजंस मैं आपको बताऊंगा, हालांकि रीजंस क्या है जो कि ऑलरेडी फैंस के द्वारा एक लेटर लाइक एक्टर ने खुद ही जारी किया गया था, तो ये था। फिर भी बात करेंगे उसके ऊपर जब बजट के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो ट्राई करूंगा कि खुल के चीजों को मैं आप सभी से शेयर करूं। सो फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बात करते, पूरी कास्टिंग के ऊपर बात करते, कैरेक्टर के ऊपर बात करते, परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात करते हैं, तो चलिए। रामचरण, कियारा आडवाणी, विवेक ओबेरॉय, प्रशांत एंड इसके साथ ही स्नेहा, आर्या राजेश, मुथुमिता, रवि वर्मा, हिमांजा, मधुसूदन, परवीन, मुकेश ऋषि, हरीश उत्तम, महेश मांजरेकर, तलपति राव, जयप्रकाश, सलीम बायग, हेमा, पृथ्वीराज, जीवी सुधाकर नायडू, प्रियदर्शनी राम एंड ईसा गुप्ता। एंड कैरेक्टर की अगर बात कर, रोल की अगर बात कर, तो राम आपको इस फिल्म में जय कोनीडेला राम के रोल में जाएंगे, कियारा आडवाणी आपको इस फिल्म में कोनीडेला सीता के रोल में नजर आएंगी, विवेक ओबेरॉय आपको इस फिल्म में राजा भाई मुन्ना के रोल में नजर आएंगे, प्रशांत आपको इस फिल्म में एज ए कोडीला का भुवन कुमार के रोल में नजर आएंगे, स्नेहा आपको इस फिल्म में कोराडीला का गायत्री देवी के रोल में नजर आएंगी, आर्यन राजेश आपको इस फिल्म में कोडाली का शेखर के रोल में नजर आएंगी, मधुमिता शेखर के वाइफ का रोल प्ले कर रहे, रवि वर्मा आपको इस फिल्म में कोडाली का राजू के रोल में नजर आएंगे, हिमांशा आपको इस फिल्म में राजू के वाइफ के रोल में नजर आएंगे, इसके साथ ही मधुसूदन आपको इस फिल्म रामू का फोर्थ ब्रदर के रोल में नजर आएंगे, परवीन एज ए सैलेजा के रोल में नजर आएंगे, मुकेश ऋषि एज ए पांडियम परशुराम के रोल में नजर आएंगे, हरीश उत्तम इस फिल्म में बेलम बालराम के रोल में नजर आएंगे जो कि परशुराम के ब्रदर इन लॉ हैं, मुकेश ऋषि आपको इस फिल्म में महेश मांजरेकर आपको इस फिल्म में चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार के रोल में नजर आएंगे, चलपति राव इस फिल्म में कोडाली के सुब्रमण्यम के रोल में नजर आएंगे, जयप्रकाश चीफ मिनिस्टर ऑफ बीपी के रोल में नजर आएंगे, सलीम बेग आपको इस फिल्म में रजी सिंह के रोल में नजर आएंगे, हेमा माधवी के रोल में नजर आएंगे, इसके साथ ही पृथ्वी राज आपको इस फिल्म में धर्मेंद्र के रोल में नजर आएंगे, जीव सुधाकर नायडू राजा मुन्ना भाई के रोल में नजर आएंगे, इसके साथ ही प्रियदर्शन राम इनकाउंटर स्पेशलिस्ट शंकर के रोल में नजर आएंगे, ईसा गुप्ता का शरण्या के तौर पर उनका स्पेशल अपीयरेंस रखा हुआ है, और एक तरह से आप एक्सटेंडेड कैमियो भी कह सकते हो। एंड परफॉर्मेंस की अगर बात करें, तो डेफिनेटली फिल्म के स्क्रिप्ट के हिसाब से, डायरेक्टर के हिसाब से जो परफॉर्मेंस की अगर बात करें, तो उनमें भी आप डेफिनेटली क्रिटिसाइज करोगे, यहाँ तक कि लीड एक्टर की मैं बात करूँ, यहाँ तक
तक की हीरो की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी परफॉर्मेंस में भी आपको लाइक कुछ ना कुछ कमियां आपको जरूर नजर आएगी। हालांकि कमियां की अगर बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर डायरेक्टर ने ही उस तरीके से आपसे परफॉर्मेंस निकलवाई है, जो कि इसमें एक्टर का कोई दोष है नहीं, क्योंकि डायरेक्टर ने जिस हिसाब से सीन्स को उन्होंने कहा उसी हिसाब से किया, उसी हिसाब से परफॉर्मेंस उन्होंने दिया हुआ। तो ये है, हालांकि परफॉर्मेंस की अगर बात करें ओवरऑल एवरेज आपको नजर आएंगे यहाँ तक के लिए डायरेक्टर की, बिकॉज फिल्म में रिएक्शंस ओवर द टॉप किए गए, परफॉर्मेंस ओवर द टॉप्स हैं। लाइक वो फिल्म देखने पर वो आपको आइडिया मिल ही जाएगा कि हालांकि क्यों कह रहा हूँ। एंड सभी की परफॉर्मेंस आपको ओवर द टॉप ही नजर आएंगे, कुछ कुछ जगह तो आपको काफी क्रिंज आपको फील होगी कि यार क्या हो रहा है, इतने बड़े एक्टर ऐसे, इतने बड़े एक्टर क्या हो रहा है फिल्म में, तो ऐसा फील होगा। एंड यही कारण है कि द्रौपदी शिशु की हालांकि एक ही फिल्म में उनकी हिट हुई है, ब्लॉकबस्टर हुई है, पर सभी फिल्म में उन्होंने जितनी भी फिल्म उन्होंने किया हुआ है सभी फिल्में फ्लॉपी हुई है। एंड इसका रीजन है कि आउटडेटेड कहानी एंड वही पुरानी जैसी फिल्मों को बनाते थे उसी हिसाब से वो फिल्मों को अभी भी बना रहे, उसी वे में बना रहे, जो कि ऑडियंस इस चीज को अब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि चीजों को काफी ज्यादा रियल रखना भी होना चाहिए। एंड लाइक होता है चीजों को लाइक उस टाइम की फिल्में वो चल जाती है, हाँ ऐसा नहीं कि फिल्में नहीं चलती पर थिएटर्स में नहीं चलती, पर उसी फिल्मों को अगर यूट्यूब पर या फिर टीवी पर रिलीज करवाते तो ऑडियंस देखते हैं, क्योंकि उस तरह की फिल्में यूट्यूब एंड और टीवी पर ही देखने का जो अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है वही अगर आप थिएटर्स में फिल्म को देखने नहीं जाते ऑडियंस, तो ये है, तो ये कारण है। बाकी ज़्यादा इसके बारे में क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, हाँ किसी और दिन अगर होगा तो डेफिनेटली बात करेंगे। हालांकि केआर आडवाणी एंड यहाँ पर बात करें रामचरण की, फिर से उनकी कोलैबोरेशन होने जा रही है, तो देखते हैं कि उनका जो फर्स्ट कोलैबोरेशन आई थिंक इसी फिल्म के साथ ही हुई है, तो डेफिनेटली देखना होगा कि उनकी सेकंड कोलैबोरेशन कैसी रही। हालांकि फर्स्ट कोलैबोरेशन उनकी तो काफी बड़ी फ्लॉप रही है, तो इसके ऊपर भी वीडियो में आगे चलकर डेफिनेटली थोड़ी बहुत उसके ऊपर भी चर्चा तो करूंगा ही, चर्चा करने का मन है। फिल्म की प्री प्रोडक्शन के ऊपर आते तो ऋषि पंजाबी ने वर्क किया था भोयवती शिनु के साथ सरनाडो एंड जय जानकी नायिका फिल्म में, एंड सिनेमाटोग्राफर के तौर पर उन्होंने शॉर्ट्स भी किए थे, हाफ में किए गए थे, पर बाद में हाफ में उनको बाहर कर दिया गया था। एज पर रिजल्ट के हिसाब से विलियमसन को पूरी पोर्शन को कम्प्लीट किया गया था, लाइक हाफ ही उनके द्वारा किया था, हाफ के बाद अर्थर विलियमसन के द्वारा किया गया था। आई थिंक क्रिएटिव डिफरेंस के चलते मे भी हुआ होगा। इसके साथ ही फोर्थ कोलेबोरेशन हुआ प्रोफेशन एंड भीमा भीमा एंड डेमो फिल्म में, इसके साथ ही ऑल्सो रिटर्न किया था तो तमिल एक्टर प्रशांत ने, जो कि तेलुगु फिल्म में नियरली 25 बाद उन्होंने किया हुआ था कम बैक। तो ये था, एंड ज्यादा फिल्म की प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में जानकारी नहीं है, और इसका मेन रीजन है कि फिल्म फ्लॉप हुई है। बाकी अगर फिल्म अगर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमाई करता है, अगर अच्छा होता तो डेफिनेटली और भी आपको इस फिल्म के बारे में डिटेल्स आपको डेफिनेटली पता चल जाता है, कि मुझे अगर पता चलता तो डेफिनेटली मैं आपको तो शेयर तो करूंगा ही, ऑब्वियसली बात है। ना ही पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में, ना ही प्री प्रोडक्शन के बारे में, जो था ऑलरेडी मैं आपसे भी कोई तो बता ही चुका हूँ, और ना ही फिल्मिंग के बारे में ज्यादा जानकारी दी है कि फिल्मिंग शूटिंग कहाँ कहाँ करवाई गई है, रैप अप कब हुई है, कौन से लोकेशंस में लाइक कहाँ का कौन से लोकेशन में शूट किए गए थे, लाइक सेट क्रिएट कहाँ गया, तो इन सभी की डिटेल्स अभी भी अधूरी है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर पता चलेगा, जो कि सिनेमाटोग्राफर के तौर पर है, जो कि सरनाडो एंड जय जानकी फिल्म में काम किया था सिनेमाटोग्राफर के तौर पर, और इस फिल्म में भी फिल्म का हाफ कम्प्लीट किया था उनके द्वारा, पर उनको बाहर कर दिया गया था शेड्यूलिंग के चलते, यही तो बताया था, शेड्यूलिंग के चलते ही बताया हो, बाकी इसका मेन रीजन क्या तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी को यहाँ पर आर्थन विलियम्स ने कंप्लीट किया, जो कि आपको बता चुका, फिर से डिटेल के साथ सभी चीजों को बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको, हालांकि आप समझ ही जाते हो, पर मैं दोबारा बता देता हूँ लाइक फिर से लाइक रिपीटर के तौर पर, ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं चीजों को। एंड ट्रैक की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 5 है, टाइटल के लिरिक्स के बारे में ऑलमोस्ट यहाँ पर श्री मनी ने सभी गाने को लिखा है, लिरिक्स गाने को गया एम एल कार्तिकिया, जसप्रीत, देवीश्री प्रसाद, सिम्बा एंड कला भैरवन है। लेंथ वगैरह की बात करें, एक्चुअली टोटल लेंथ के ऊपर बात करते हैं, तो जो टोटल लेंथ है 20 मिनट 23 सेकंड है। एंड दोस्तों अगर बात करें फिल्म की मलयालम एंड यहाँ पर तमिल ट्रैक को भी लाइक लिए गए, लाइक गाने वगैरह को डब किए गए थे, एंड ऑलमोस्ट अगर बात करें तमिल वर्जन में कुछ
सेकंड ज़्यादा है। एंड उसी तरह मलयालम की अगर बात करें, एल्बम की अगर बात करें म्यूज़िक की, तो उनमें 18 मिनट के आसपास है। तो मे भी गाने वगैरह को ट्रिम किए गए होंगे या फिर गाने वगैरह को कम किया गया था, मे भी इसके बारे में नहीं पता है। पर जाहिर सी बात, इतनी फ्लॉप फिल्मों को रिलीज किया गया था, सो क्या मेकर्स को कॉन्फिडेंस था, पर हुआ नहीं। सो फिल्म को विनैया रामा फिल्म को रिलीज किया था वर्ल्ड वाइड 11 जनवरी 2019 को, और संक्रांति के वीकेंड को ही वो टारगेट करके मूवी को रिलीज किया गया था। एंड चलिए कुछ क्रिटिक्स एंड ऑडियंस के रिएक्शंस के ऊपर भी बात कर लेते, रिव्यू के ऊपर भी बात कर ही लेते। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को 1 out of 5 star की रेटिंग दी। इंडिया टुडे ने इस फिल्म को 2 out of 5 star की रेटिंग दी है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 1 out of 5 star की रेटिंग दी है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस फिल्म को 0.5 out of 5 star की रेटिंग दी है। इस फिल्म को फर्स्ट पोस्ट ने इस फिल्म को 1 out of 5 star की रेटिंग दी है। तो ये ओवरऑल क्रिटिक का रिएक्शन है, उनकी तरफ से रेटिंग दी है। तो डेफिनेटली इसे भी आइडिया आपको हो ही गया होगा। एंड हालांकि मैं आपको बात करूं तो मैंने इस फिल्म को एक्चुअली याद नहीं है कि देखा कि नहीं, जहां तक मुझे लगता है कि फिल्म को नहीं देखा हुआ है अभी भी। अगर देखा भी है तो स्किप करके देखा हुआ है। तो ये है, हालांकि अच्छी फिल्मों को मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूं, तो आप समझ सकते हो कि हाँ, अगर ये फिल्म कभी टीवी पर मैं आता है तो डेफिनेटली देख लूंगा, या फिर इस फिल्म को अगर यूट्यूब पर रिलीज करवाता है, अगर मुझे टाइम मिलता है तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा। उसके बाद मैं आपको अपना प्रॉपर ओपिनियन मैं आपको दूंगा। हालांकि ओपिनियन क्या देना, जो कि ऑलरेडी जो डिटेल्स ही ऑलरेडी मैं आप सभी को बता ही चुका हूं, एंड जो चीजें के ऊपर मैं इन सभी के ऊपर जो बातें कर रहा हूं, तो डेफिनेटली ऑडियंस के रिव्यूज, उनके रिएक्शंस, क्रिटिक आर्टिकल्स एंड कलेक्शन से भी डेफिनेटली आपको आइडिया मिल ही जाता होगा। एंड यहाँ तक कि डायरेक्टर के बारे में अगर आप जाने माने डायरेक्टर, तो उसके बारे में भी एटलीस्ट आपको पता ही होता है। एक्टर पॉपुलर है तो डेफिनेटली उसके बारे में पता ही होता है कि क्या है क्या नहीं है। उससे पहले कहानी के ऊपर बात करते हैं, उसके ऊपर कुछ चीज़ों के ऊपर डिटेल के साथ विस्तार से बात करेंगे। लाइक रामचरण की जो उनकी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो रिलीज होने जा रही है, जिसमें कि लीड में KR अडवाणी ही नजर आएंगे, तो उसके ऊपर बात करेंगे। एंड डायरेक्टर के ऊपर बात करेंगे, और साथ ही बजट के ऊपर तो अभी भी बात नहीं किया, उसके ऊपर बात करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो कि अभी भी काफी सारे मतलब बातें किया जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहानी के ऊपर बात करते हैं कि विनय या विदय या रामा फिल्म में किस हिसाब से कहानी को दिखाया गया, क्या कहानी था, क्या वाकई कहानी बेकार है कि नहीं, वो आपको पता चल जाएगा। सो कहानी को एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में VVR भी कहते हैं, एंड विनय या विदय या रामा फिल्म में जो स्टोरी या फिर फिल्म में जो कहानी दिखाई, ये कहानी दिखाई गई है कोनिडिला रामचरण उर्फ रामा एक शिशु है जिसे 4 भाई यो ने गोद लिया है। कोनिडिला भुवन कुमार, शेखर राजू और मथुदाना छोटी उम्र में राम को एक अपहरणकर्ता को मार देता है जो उन्हें मारना चाहता था, क्योंकि वह उसके अपराधों के गवाह बन गए थे। जब डॉक्टर कोनिडिला सुब्रमण्यन को इस बारे में पता चलता है, तो वह उन्हें अपने बच्चों की तरह पालने का फैसला करता है। सालों बाद राम अपने भाइयों एंड भाभियों और के बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। भुवन अब मुख्य चुनाव आयुक्त है, और वह राम, शेखर, राजू और मधुनंदन उसके अधीनस्थ है। बाद में राम को महिला अधिकार कार्यकर्ता पप्पी की बेटी सीता से प्यार हो जाता है, और जल्द ही उनकी सगाई हो जाती है। एंड बलराम एक महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ है जो भुवन की रिश्वत देने की कोशिश करता है, क्योंकि भुवन ने उसका काला धन जब्त कर लिया था। हालांकि भुवन मना कर देता है जिससे बलराम क्रोधित हो जाता है और उसको धमकाता है, लेकिन राम उसे मीडिया के सामने वापस धमकाता है। बलराम के साले पंडम परशुराम ने भुवन से माफी मांगने को कहा, लेकिन राम ने उसे धमकाया और पीटा। अपमानित होकर परशुराम इनकाउंटर स्पेशलिस्ट शंकर के पास जाता है, और शंकर राम के परिवार को बंधक बना लेता है। राम परशुराम से माफी मांगने के लिए मौके पर पहुंचता है, लेकिन तानाशाह राजा भाई द्वारा भेजे गए बिहार के गुंडे का सामना करता है। सभी को मारने के बाद गायत्री देवी, राम की बड़ी भाभी और भुवन की पत्नी राम ने घटनाओं के बारे में पूछा, पत्नी अतीत में भुवन को वास्तव में चुनाव आयुक्त के रूप में बिहार भेजा जाता है जो अपने
अधिनीतियाओं के साथ बिहार की यात्रा करता है। राम अपने परिवार और सीता के साथ मंदिर जाने के लिए गुजरात पहुंचता है। जब भुवन बिहार पहुंचता है तो उन्हें पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास ले जाया जाता है। भुवन राम को बुलाता है जो हवाई अड्डे पर था। राम मौके पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है और अकेले ही 300 लोगों को मार डालता है। तो इसमें लॉजिक वाली बात आपको लगता है। सो ये है कहानी के अंदर कुछ चीजें जो कि कहानी से आपको ऑलरेडी पता तो चल ही गया होगा। हालांकि मैं कहानी को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जिसको मैं एक्सेप्ट कर ही रहा हूँ, पर डेफिनेटली इसके ऊपर मैं काम करता हूँ और डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि दिन ब दिन चीजों को मैं इम्प्रूवमेंट करने की जरूर ट्राई करता हूँ। तो खैर उसके ऊपर बात जरूर करेंगे। जहाँ उसे पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास ले जाया जाता है। लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें राजा भाई भुवन को चाकू मार देता है और राम राजा भाई को गंभीर रूप से घायल कर देता है, जिससे वह कोमा में चला जाता है। भुवन अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है, जिससे राम और उसके भाई तबाह हो जाते हैं। वर्तमान में गायत्री यह जानकर तबाह हो जाती है और राम से कहती है कि वह उसे भुवन की चिंता पर और बाद में राजा भाई के पास ले जाया और राजा भाई कोमा से ठीक हो जाते हैं और गायत्री उसे राम से लड़ने की चुनौती देती है। राम राजा भाई के गुड़गे से लड़ता है और जल्द ही एक पेड़ से जुरी तलवार से राजा भाई का वो कर देता है। इसी तरह भुवन की मौत का बदला ले लेता है। राम और सीता अपने परिवार के साथ फिर से मिलते हैं। तो दोस्तों फिल्म की जो एक्चुअल कहानी है यही कहानी है जो कहानी में है। ऑलरेडी सभी चीजों को मैं विस्तार से आप सभी को बता चुका हूँ। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसके कहानी को एक्सप्लेन करने के बाद और ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर बात तो डेफिनेटली करेंगे ही। तो लाइक सबसे पहले बात करते हैं कियारा आडवाणी एंड एक्टर राम की, जो कि आप सभी को पता है कि उनकी फिल्म रिलीज होने जा रही है। आई थिंक इसी महीने रिलीज की जाएगी। अक्टूबर का महीना उन्होंने ऑलरेडी रखा हुआ और ऑब्वियसली जिसका कि टाइटल को भी कंफर्म कर दिया। जो कि टाइटल के बारे में बात करते हैं तो गेम चेंजर फिल्म का टाइटल का नाम है और आई थिंक RR के बाद रामचरण की एक भी फिल्म में रिलीज नहीं हुई है एंड इस फिल्म के साथ कम बैक करने जा रहा। आई थिंक 2 साल तो हो गए होंगे शायद, तो 2 साल हो गए हो गए होंगे। और इसके अलावा अगर बात कर रामचरण की अपकमिंग प्रोजेक्ट की, तो आई थिंक इस फिल्म के बाद ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट को ऑलरेडी साइन कर चुके हैं जहाँ तक मुझे लगता है। हालांकि इसके बारे में नहीं पता कि कौन कौन से प्रोजेक्ट में उन्होंने कभी साइन किया हुआ, कौन कौन से उनकी वो फिल्म अभी करेंगे, तो डेफिनेटली उसके बारे में नहीं पता। पर इतना पता है कि ऑलरेडी गेम चेंजर में है, उसके बाद और फिल्में करेंगे कि नहीं, कौन से डायरेक्टर के साथ आ रहे इसके बारे में नहीं पता। डेफिनेटली अगर मुझे पता भी होगा तो किसी और वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो खैर आज के ऊपर बात करते हैं, गेम चेंजर के ऊपर बात करते हैं एंड कोलैबोरेशन के ऊपर भी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टर राम की अगर बात करें तो आप सभी को बताया कि उसका नाम कोनेडिला रामचरणी है, जो कि फिल्म में भी एक्चुअली नाम को यूज किया गया था। तो खैर वो अलग बात है, एक फैक्ट्स है उस फिल्म के साथ आप रख सकते हो, अगर आपको फैक्ट लगा तो उसको आप काउंट कर सकते हो। तो ये है। बात करें कोलैबोरेशंस की कियारा आडवाणी एंड रामचरण की अगर बात करें दोनों की कोलैबोरेशन की, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि फर्स्ट कोलैबोरेशन उनका असफल रहा है और जिस हिसाब से उनको कलेक्शन करना था, जिस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर वो फिल्म चलनी थी, हालांकि वो फिल्म चल नहीं पाई थी, पर डेफिनेटली मुझे जहाँ तक लगता है कि वो फिल्म जैसा तो इस फिल्म के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शंकर डायरेक्टर है और शंकर डायरेक्टर है तो इसमें भी बातें किया जा सकता है। बिकॉज आप सभी को पता है शंकर की जो फिल्म रिसेंटली इंडियन 2, आप सभी को पता कि कितनी बड़ी वो फिल्म डिजास्टर फिल्म साबित हुई है बॉक्स ऑफिस पर एंड फिल्म का कॉन्सेप्ट स्टोरी लोगों को पसंद ही नहीं आई थी, लेकिन उस फिल्म से लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था काफ़ी अलग लेवल का था, पर वो फिल्म उस एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतर पाई है। पर ऑडियंस लेवल पर एटलीस्ट होप कर रहे कि डेफिनेटली इंडियन 3 लोगों के जो एक्सपेक्टेशन है एटलीस्ट उस एक्सपेक्टेशन पर वो फिल्म खरीद रहे, तो ऑडियंस तो ये एक्सपेक्ट कर रहे। लेट्स सी फिल्म का जो ट्रेलर, इंडियन 3 का जो ट्रेलर है ऑलरेडी रिलीज करवा दी गई थी, तो डेफिनेटली मुझे जहाँ तक लगता है कि क्या होता है नहीं होता है, लेट्स सी क्या होता है, पार्ट 3 में देखा जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि पार्ट 3 उसी सिमिलैरिटी में बनाई गई है। सो ये है, मुझे ट्रेलर कुछ खास लगा नहीं है। हाँ कुछ कुछ मूवमेंट्स थे जो कि काफ़ी अच्छे लगे थे, पर कुछ कुछ मूवमेंट्स डिसअपॉइंटिंग थे। बाकी देखते हैं मेकर्स, अगर फिल्म को रिलीज़ होने में काफ़ी अच्छा खासा लंबा टाइम है तो मेकर चाहेंगे कि स्क्रिप्ट पे चेंजेस के
शूट्स करे, तो मेकर्स अगर करना चाहें तो करेंगे। तो खैर उस फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, गेम चेंजर के ऊपर बात कर रहा हूँ। एंड डायरेक्टर के लिए इसलिए मैंने बात किया क्योंकि एक डर सा बना रहता है, अगर उनकी अगर प्रीवियस फिल्म इतनी बड़ी फ्लॉप रहती है तो एक डर बना रहता है, और साथ ही प्लॉट सेम जैसा ही लाइक है फिल्म के अंदर, लाइक पॉलिटिकल लाइक है पॉलिटिकल एंगल मतलब मूवी के अंदर है गेम चेंजर फिल्म में भी, तो इसे डर बना रहता। और फिल्म का फर्स्ट कोलैबोरेशन रामचरण एंड केयर अडवाणी का वो कुछ खास नहीं रहा, ये भी एक डर बना रहता, पर लेट्स सी क्या होता। हालांकि ट्रेलर लाइक एक गाने को रिलीज किया जाता है, गाने को लोगों को पसंद भी आ रहा है, तो देखते हैं किस हिसाब से रिस्पॉन्स वगैरह मिलता है। बाकी एक्साइटेड हूँ, और इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि आपको पता है कि गेम चेंज फिल्म में आपको लाइक एजय सूर्या भी आपको नजर आएंगे, तो काफ़ी और इंटरेस्टिंग कास्ट है फिल्म के अंदर, और डायरेक्टर शंकर भी हैं, तो मतलब अलग लेवल का तो लोगों का एक्सपेक्टेशन है। और आरआर के बाद इस फिल्म के साथ लाइक वो कमबैक करने जा रहे हैं, लाइक कमबैक तो नहीं करूँगा, हालांकि दो साल से उनकी नई फिल्म आई हुई है, तो लाइक कमबैक ही किया जा सकता, कमबैक ही कहा जाएगा। कमबैक किसको कहा जाएगा, जिसकी फिल्म फ्लॉप होती है काफ़ी समय लाइक लंबे टाइम के, उसको कमबैक किया जाएगा, तो उसको कमबैक नहीं कहा जा सकता, कहा जा सकता है जहाँ तक मुझे लगता है। तो खैर यानी कि दो साल बाद वो आ रहे हैं, और कास्टिंग भी इंटरेस्टिंग है जैसे कि बता ही चुका हूँ, अजय सूर्या एंड आप सभी को बताएगी श्री पादुस। तो जी हाँ, सो विनैया विदैया रामा फिल्म, और फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्म की टाइटल को अगर ट्रांसलेट करें, बिकॉज ये जो टाइटल तेलुगु टाइटल है और इसी टाइटल को अगर ट्रांसलेट करें तो दोस्तों इसका मीनिंग है द मैडेस्ट एंड लॉयल रामा। विनैया विदैया रामा फिल्म 2019 की तेलुगु लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसको कि लिखा और डायरेक्ट किया दोस्तों बोयापति श्रीनु ने, जिसको कि प्रोड्यूस किया उनके अंदर उनके प्रोडक्शन बैनर्स या फिर प्रोड्यूसर की अगर बात करें तो डीबी दनियान ने। और इस फिल्म में स्टार्स में आपको नजर आएंगे, इस फिल्म में रामचरण, केयर अडवाणी, विवेक ओबरा एंड प्रशांत नजर आएंगे। एंड इस फिल्म में जो म्यूजिक को कंपोज किया देवी श्री प्रसाद ने, एंड फिल्म के अराउंड कोडलर रामचरण एंड उनकी एंग्री यंग मैन होना एंड फैमिली के थ्रेट्स उन सभी को कैसे सॉल्व करता है, अपने फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो इनके बारे में दिखाया गया है। तो फिल्म की स्टोरी बेसिक स्टोरी है, हालांकि फिल्म को कहानी को एक्सप्लेन करेंगे ही। एंड फिल्म की अगर बात करें रिलीज डेट की, दोस्तों मूवी को रिलीज किया गया था 11 जनवरी 2019 को तेलुगु के अलावा डब्ड वर्जन में भी रिलीज किया गया था तमिल एंड मलयालम में, जो कि फिल्म का जो प्लानिंग था लाइक क्रिटिक्स और ऑडियंस के ऊपर ही था, एंड जिस हिसाब से फिल्म को ऑडियंस एंड क्रिटिक ने क्रिटिसाइज किया गया था लाइक काफी नेगेटिवली, जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉपी हुई है एंड कमर्शियली ये फिल्म फेलियर साबित हुई है। रामचरण ने स्पेशली इस फिल्म के लिए लाइक फैन से अपोलॉजी भी मांगा है, जहां से अपोलॉजी के लेटर भी जारी किया गया था फैंस के थ्रू कि हाँ ऐसा फिल्म के बारे में उन्होंने बताया होता कि क्या था क्या नहीं था, तो ये था इस फिल्म की लाइक कहानी, तो इससे भी आपको पता चले गया होगा। पर फिल्म को आज के टाइम के हिसाब से अगर बात करें हिंदी ऑडियंस की, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हिंदी ऑडियंस काफी ज्यादा इस फिल्म को देखते हैं, खासकर यूट्यूब पर सर्च वगैरह काफी अच्छे हैं एंड इस फिल्म को अभी भी देखते हैं, तो आपको बताया कि फ्लॉप फिल्मों को लाइक हिंदी ऑडियंस का खासकर यूट्यूब पर भी देखते हैं। एंड इसका रीजन एक ही है कि रामचरण का फैन फॉलोइंग, जैसे उसी के फैन फॉलोइंग के तौर पर देखते हैं, भले फिल्म खराब हो नहीं हो पर फिल्म को लोग ऑडियंस देखते हैं क्योंकि इस फिल्म के जो एक्शन थे वो काफी ज्यादा वायरल भी हुए थे, तो जिसके चलते ऑडियंस फिल्म को अभी भी देखते हैं और काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म को लोग देखते भी है, जो कि काफी अच्छी बात कहूंगा। लोग अगर फ्लॉप फिल्म से एंटरटेन हो रहे तो उसमें क्या है, सो ये है। तो फिल्म को डायरेक्ट किया था बोयापति श्रीनू ने, जिसको कि लिखा है जॉय कृष्ण ने, टीची ने, जय बोयापति श्रीनू ने फिल्म की स्क्रीन प्ले को लिखा है, डायलॉग्स को एम रत्नम ने लिखा है। फिल्म की स्टोरी डेफिनेटली बोयापति श्रीनू की स्टोरी से लेकर आइडिया लेवल की उन्हीं की है, जिसको की प्रोड्यूस किया हुआ दीदी सॉरी डी वी वी दनिया ने, और जहाँ पर आपको इस फिल्म में सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलेगी आर्थर ये विलियम की फिल्म क्रेडिट किया दोस्तों कोटागिरी वेंकटेश राव ने, एंड देवी श्री प्रसाद की बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक कंपोजिंग किया हुआ, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर भी इस फिल्म में काम किया है। इस फिल्म को डीबी एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन बैनर के थ्रू फिल्म को बनाया, फिल्म को रिलीज किया था 11 जनवरी 2019 को। फिल्म का रन टाइम 144 मिनट, जिसको की तेलुगु के अलावा डब्ड वर्जन में भी रिलीज किए गए थे तमिल एंड मलयालम में, एंड जिसकी कलेक्शन की अगर बात करें, हालांकि फिल्म का बजट तो काफी लाइक है, जो की बजट के ऊपर
वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्म के कलेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो फिल्म की जो कलेक्शन है एंड जो मैं कलेक्शन बताने जा रहा हूँ ये कलेक्शन एस्टिमेटेड कलेक्शन है एंड फिल्म ने कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर या फिर फिल्म की लाइफ टाइम कलेक्शन यही मानी जाएगी जो कलेक्शन किया हुआ है 63 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर, तो ये ध्यान में जरूर रखिएगा। हाँ, कलेक्शन के बारे में वीडियो के आखिरी में बात करेंगे क्योंकि इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। हालांकि रीजन क्या है जो कि ऑलरेडी फैंस के द्वारा एक अपोलॉजी लेटर लाइक एक्टर ने खुद ही जारी किया गया था, तो ये था। फिर भी बात करेंगे उसके ऊपर जब बजट के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो ट्राई करूंगा कि खुल के चीजों को मैं आप सभी से शेयर करूं। सो फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बात करते हैं, पूरी कास्टिंग के ऊपर बात करते हैं, कैरेक्टर के ऊपर बात करते हैं, परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात करते हैं। तो चलिए, रामचरण, कियारा आडवाणी, विवेक ओबेरॉय, प्रशांत एंड इसके साथ ही स्नेहा, आर्या राजेश, मुथुमिता, रवि वर्मा, हिमांजा, मधुसूदन, परवीन, मुकेश ऋषि, हरीश उत्तम, महेश मांजरेकर, तलपति राव, जयप्रकाश, सलीम बायग, हेमा, पृथ्वीराज, अजवी सुधाकर, नायडू, प्रियदर्शनी राम एंड ईसा गुप्ता। एंड कैरेक्टर की अगर बात कर, रोल की अगर बात करें तो राम आपको इस फिल्म में जय कोनीडेला राम के रोल में नजर आएंगे, कियारा आडवाणी आपको इस फिल्म में कोनीडेला सीता के रोल में नजर आएंगी, विवेक ओबेरॉय आपको इस फिल्म में राजा भाई मुन्ना के रोल में नजर आएंगे, प्रशांत आपको इस फिल्म में एज ए कोडीला का भुवन कुमार के रोल में नजर आएंगे, स्नेहा आपको इस फिल्म में कोराडीला का गायत्री देवी के रोल में नजर आएंगी, आर्यन राजेश आपको इस फिल्म में कोडाली का शेखर के रोल में नजर आएंगी, मनोमिता शेखर के वाइफ का रोल प्ले कर रहे, रवि वर्मा आपको इस फिल्म में कोडाली का राजू के रोल में नजर आएंगे, हिमांशा आपको इस फिल्म राजू के वाइफ के रोल में नजर आएंगे, इसके साथ ही मधुसूदन आपको इस फिल्म रामू का फोर्थ ब्रदर के रोल में नजर आएंगे, परवीन एज ए सैलेजा के रोल में नजर आएंगे, मुकेश ऋषि एज ए पांडियम परशुराम के रोल में नजर आएंगे, हरीश उत्तम इस फिल्म में बेलम बालराम के रोल में नजर आएंगे जो कि परशुराम के ब्रदर इन लॉ हैं, मुकेश ऋषि आपको इस फिल्म में महेश मांजरेकर आपको इस फिल्म में चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार के रोल में नजर आएंगे, चलपति राव इस फिल्म में कोडाली के सुब्रमण्यम के रोल में नजर आएंगे, जयप्रकाश चीफ मिनिस्टर ऑफ बीपी के रोल में नजर आएंगे, सलीम बेग आपको इस फिल्म में रजी सिंह के रोल में नजर आएंगे, हेमा माधवी के रोल में नजर आएंगे, इसके साथ ही पृथ्वी राज आपको इस फिल्म में धर्मेंद्र के रोल में नजर आएंगे, जीव सुधाकर नायडू राजा मुन्ना भाई के रोल में नजर आएंगे, इसके साथ ही प्रियदर्शन राम इनकाउंटर स्पेशलिस्ट शंकर के रोल में नजर आएंगे, ईसा गुप्ता का शरण्या के तौर पर उनका स्पेशल अपीयरेंस रखा हुआ है और एक तरह से आप एक्सटेंडेड कैमियो भी कह सकते हो। एंड परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो डेफिनेटली फिल्म के स्क्रिप्ट के हिसाब से, डायरेक्टर के हिसाब से जो परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो उनमें भी आप डेफिनेटली क्रिटिसाइज करोगे, यहाँ तक कि लीड एक्टर की मैं बात, यहाँ तक कि हीरो की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी परफॉर्मेंस में भी आपको लाइक कुछ ना कुछ कमियां आपको जरूर नजर आएगी। हालांकि कमियां की अगर बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर डायरेक्टर ने ही उस तरीके से आपसे परफॉर्मेंस निकलवाई है जो कि इसमें एक्टर का कोई दोष है नहीं, क्योंकि डायरेक्टर ने जिस हिसाब से सीन्स को उन्होंने कहा उसी हिसाब से किया, उसी हिसाब से परफॉर्मेंस उन्होंने दिया हुआ, तो ये है। हालांकि परफॉर्मेंस की अगर बात करें ओवरऑल एवरेज आपको नजर आएंगे यहाँ तक लीड एक्टर की, बिकॉज फिल्म में रिएक्शंस ओवर द टॉप किए गए, परफॉर्मेंस ओवर द टॉप्स हैं, लाइक वो फिल्म देखने पर वो आपको आइडिया मिल ही जाएगा कि हालांकि क्यों कह रहा हूँ। एंड सभी की परफॉर्मेंस आपको ओवर द टॉप ही नजर आएंगे, कुछ कुछ जगह तो आपको काफी क्रिंज आपको फील होगी कि यार क्या हो रहा है, इतने बड़े एक्ट्रेस इतने बड़े एक्टर क्या हो रहा है फिल्म में, तो ऐसा फील होगा। एंड यही कारण है कि द्रौपदी शिनु की हालांकि एक ही फिल्म में उनकी हिट हुई है, ब्लॉकबस्टर हुई है, पर सभी फिल्म उन्होंने जितनी भी फिल्म उन्होंने किया हुआ है सभी फिल्म फ्लॉपी हुई है। एंड इसका रीजन है कि आउटडेटेड कहानी एंड वही पुरानी जैसी फिल्मों को बनाते थे उसी हिसाब से वो फिल्मों को अभी भी बना रहे, उसी वे में बना रहे, जो कि ऑडियंस इस चीज को अब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि चीजों को काफी ज्यादा रियल रखना भी होना चाहिए। एंड लाइक होता है चीजों को लाइक उस टाइम की फिल्में वो चल जाती है, हाँ ऐसा नहीं कि फिल्में नहीं चलती पर थिएटर्स में नहीं चलती, पर उसी फिल्मों को अगर यूट्यूब पर या फिर टीवी पर रिलीज करवाते तो ऑडियंस देखते हैं, क्योंकि उस तरह की फिल्में यूट्यूब एंड और टीवी पर ही देखने का जो अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है, वही अगर आप थिएटर्स में फिल्म को देखने नहीं जाते ऑडियंस, तो ये है, तो ये कारण है। बाकी ज्यादा इसके बारे में क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, हाँ किसी और दिन अगर होगा तो डेफिनेटली बात करेंगे। हालांकि कियारा आडवाणी एंड यहाँ पर बात करें रामचरण की, फिर से उनकी कोलैबोरेशन होने जा रही है, तो देखते हैं कि उनका जो फर्स्ट कोलैबोरेशन आई थिंक इस फिल्म के साथ ही हुई है, तो डेफिनेटली देखना होगा कि उनकी सेकंड कोलैबोरेशन कैसी रही। हालांकि फर्स्ट कोलैबोरेशन उनकी तो
काफी बड़ी फ्लॉप रही है, तो इसके ऊपर भी वीडियो में आगे चल के डेफिनेटली थोड़े बहुत उसके ऊपर भी चर्चा तो करूंगा ही, चर्चा करने का मन है। फिल्म की प्री प्रोडक्शन के ऊपर आते तो ऋषि पंजाबी ने वर्क किया था भोयवती शनु के साथ सरनाड एंड जाय जानकी नायिका फिल्म में, एंड सिनेमाटोग्राफर के तौर पर उन्होंने शॉर्ट्स भी किए थे, हाफ में किए गए थे, पर बाद में हाफ में उनको बाहर कर दिया गया था। एज पर रिजल्ट के हिसाब से अप्रैल तो विलियमसन को पूरी पोर्शन को कंप्लीट किया गया था, लाइक हाफ ही उनके द्वारा किया गया था, हाफ के बाद आर्थर विलियमसन के द्वारा किया गया था। आई थिंक क्रिएटिव डिफरेंस के चलते मे भी हुआ होगा। इसके साथ ही फोर्थ कोलेबोरेशन हुआ प्रोफेशन एंड भीमा भीमा एंड डेमो फिल्म में। इसके साथ ही ऑल्सो रिटर्न किया था तो तमिल एक्टर प्रशांत ने, जो कि तेलुगु फिल्म में नियरली 25 बाद उन्होंने किया हुआ था कमबैक। तो ये था, एंड ज्यादा फिल्म की प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में जानकारी नहीं है, और इसका मेन रीजन है कि फिल्म फ्लॉप हुई है। बाकी अगर फिल्म अगर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमाई करता है, अगर अच्छा होता तो डेफिनेटली और भी आपको इस फिल्म के बारे में डिटेल्स आपको डेफिनेटली पता चल जाता, कि मुझे अगर पता चलता तो डेफिनेटली मैं आपको तो शेयर तो करूंगा ही, ऑब्वियसली बात है। ना ही पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में, ना ही प्री प्रोडक्शन के बारे में, जो था ऑलरेडी मैं आप सभी को तो बता ही चुका हूँ, और ना ही फिल्मिंग के बारे में ज्यादा जानकारी दी है कि फिल्मिंग शूटिंग कहाँ कहाँ करवाई गई है, रैप अप कब हुई है, कौन से लोकेशंस में लाइक कहाँ का कौन से लोकेशन में शूट किए गए थे, लाइक सेट क्रिएट कहाँ गया, तो इन सभी की डिटेल्स अभी भी अधूरी है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर पता चलेगा, जो कि सिनेमाटोग्राफर के तौर पर है, जो कि सरनाड एंड जाय जाय फिल्म में काम किया था सिनेमाटोग्राफर तौर पर, और इस फिल्म में भी फिल्म का हाफ कम्प्लीट किया था उनके द्वारा, पर उनको बाहर कर दिया गया था शेड्यूलिंग के चलते। यही तो बताया था, शेड्यूलिंग के चलते ही बताया वो, बाकी इसका मेन रीजन क्या तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी को यहाँ पर आर्थन विलियम्स ने कंप्लीट किया, जो कि आपको बता चुका, फिर से डिटेल के साथ सभी चीजों को बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको, हालांकि आप समझ ही जाते हो, पर मैं दोबारा बता देता हूँ लाइक फिट से लाइक रिपीटर के तौर पर, ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ चीजों को। एंड ट्रैक की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 5 है। टाइटल के लिरिक्स के बारे में ऑलमोस्ट यहाँ पर श्री मनी ने सभी गाने को लिखा है। लिरिक्स गाने को गाया एम एल कार्तिकिया, जसप्रीत, देवीश्री प्रसाद, सिम्बा एंड कला भैरवा ने। लेंथ वगैरह की बात करें, एक्चुअली टोटल लेंथ के ऊपर बात करते हैं, तो जो टोटल लेंथ है 20 मिनट 23 सेकंड है। एंड दोस्तों अगर बात करें फिल्म की मलयालम एंड यहाँ पर तमिल ट्रैक को भी लाइक लिए गए, लाइक गाने वगैरह को डब किए गए थे, एंड ऑलमोस्ट अगर बात करें तमिल वर्जन में कुछ सेकंड ज्यादा है, एंड उसी तरह मलयालम की अगर बात करें, एल्बम की अगर बात करें म्यूजिक की, तो उनमें 18 मिनट के आसपास है, तो मे भी गाने वगैरह को ट्रिम किए गए होंगे या फिर गाने वगैरह को कम किया गया था, मे भी इसके बारे में नहीं पता है। पर जाहिर सी बात है, इतनी फ्लॉप फिल्मों को रिलीज किया गया था, सो क्या मेकर्स को कॉन्फिडेंस था, पर हुआ नहीं। सो फिल्म को विनैया रामा फिल्म को रिलीज किया था वर्ल्ड वाइड 11 जनवरी 2019 को, और संक्रांति के वीकेंड को ही वो टारगेट करके मूवी को रिलीज किया गया था। एंड चलिए कुछ क्रिटिक्स एंड ऑडियंस के रिएक्शंस के ऊपर भी बात कर लेते, रिव्यू के ऊपर भी बात कर ही लेते। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को 1 out of 5 star की रेटिंग दी। इंडिया टुडे ने इस फिल्म को 2 out of 5 star की रेटिंग दी है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 1 out of 5 star की रेटिंग दी है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस फिल्म को 0.5 out of 5 star की रेटिंग दी है। इस फिल्म को फर्स्ट पोस्ट ने इस फिल्म को 1 out of 5 star की रेटिंग दी है। तो ये ओवरऑल क्रिटिक का रिएक्शन है, उनकी तरफ से रेटिंग दी है, तो डेफिनेटली इसे भी आइडिया आपको हो ही गया होगा। एंड हालांकि मैं आपको नहीं बात करूं तो मैंने इस फिल्म को एक्चुअली याद नहीं है कि देखा कि नहीं, जहां तक मुझे लगता है कि फिल्म को नहीं देखा हुआ है अभी भी, अगर देखा भी है तो स्किप करके देखा हुआ है। तो ये है, हालांकि अच्छी फिल्मों को मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूं, तो आप समझ सकते हो कि हाँ अगर ये फिल्म कभी टीवी पर मैं आता है तो डेफिनेटली देख लूंगा, या फिर इस फिल्म को अगर यूट्यूब पर रिलीज करवाते हैं, अगर मुझे टाइम मिलता है तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा, उसके बाद मैं आपको अपना प्रॉपर ओपिनियन मैं आपको दूंगा। हालांकि ओपिनियन क्या देना, जो कि ऑलरेडी जो डिटेल्स ही ऑलरेडी मैं आप सभी को बता ही चुका हूं, एंड जो चीज़ें के ऊपर मैं इन सभी के ऊपर जो बातें कर रहा हूं, तो डेफिनेटली ऑडियंस के रिव्यूज, उनके रिएक्शंस, क्रिटिक के आर्टिकल्स एंड कलेक्शन से भी डेफिनेटली आपको आइडिया मिल ही जाता होगा। एंड यहाँ तक कि डायरेक्टर के बारे में अगर आप जाने माने डायरेक्टर, तो उसके बारे में भी एटलीस्ट आपको पता ही होता है। एक्टर पॉपुलर है तो डेफिनेटली उसके बारे में पता ही होता है कि क्या है क्या नहीं है। उससे पहले कहानी के ऊपर बात करते हैं, उसके ऊपर कुछ चीज़ों के ऊपर डिटेल के साथ विस्तार से बात करेंगे, लाइक रामचरण की जो उनकी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो रिलीज होने जा रही है, जिसमें कि लीड में KR अडवाणी ही नजर आएंगे, तो उसके ऊपर बात करेंगे। एंड डायरेक्टर के ऊपर बात करेंगे, और साथ ही बजट के ऊपर तो अभी भी बात नहीं किया, उसके ऊपर बात करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें
चीज़ है जो कि अभी भी काफ़ी सारे मतलब बातें किया जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहानी के ऊपर बात करते हैं कि विनय या विदय या रामा फिल्म में किस हिसाब से कहानी को दिखाया गया, क्या कहानी था, क्या वाकई कहानी बेकार है कि नहीं, वो आपको पता चल जाएगा। सो कहानी को एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में VVR भी कहते हैं, एंड विनय या विदय या रामा फिल्म में जो स्टोरी या फिर फिल्म में जो कहानी दिखाई, ये कहानी दिखाई गई है कोनिडिल रामचरण उर्फ रामा एक शिशु है जिसे चार भाई यो ने गोद लिया है। कोनिडिला भुवन कुमार, शेखर, राजू और मथुदाना छोटी उम्र में राम को एक अपहरणकर्ता को मार देता है जो उन्हें मारना चाहता था क्योंकि वह उसके अपराधों के गवाह बन गए थे। जब डॉक्टर कोनिडिला सुब्रमण्यन को इस बारे में पता चलता है तो वह उन्हें अपने बच्चों की तरह पालने का फैसला करता है। सालों बाद राम अपने भाइयों एंड भाभियों और उन के बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। भुवन अब मुख्य चुनाव आयुक्त है और वह राम, शेखर, राजू और मधुनंदन उसके अधीनस्थ है। बाद में राम को महिला अधिकार कार्यकर्ता पप्पी की बेटी सीता से प्यार हो जाता है और जल्द ही उनकी सगाई हो जाती है। एंड बलेम बलराम एक महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ है जो भुवन की रिश्वत देने की कोशिश करता है क्योंकि भुवन ने उसका काला धन जब्त कर लिया था। हालांकि भुवन मना कर देता है जिससे बलराम क्रोधित हो जाता है और उसको धमकाता है, लेकिन राम उसे मीडिया के सामने वापस धमकाता है। बलराम के साले पंडम परशुराम ने भुवन से माफी मांगने को कहा लेकिन राम ने उसे धमकाया और पीटा। अपमानित होकर परशुराम इनकाउंटर स्पेशलिस्ट शंकर के पास जाता है और शंकर राम के परिवार को बंधक बना लेता है। राम परशुराम से माफी मांगने के लिए मौके पर पहुंचता है लेकिन तानाशाह राजा भाई द्वारा भेजे गए बिहार के गुंडे का सामना करता है। सभी को मारने के बाद गायत्री देवी, राम की बड़ी भाभी और भुवन की पत्नी राम ने घटनाओं के बारे में पूछा। पत्नी अतीत में भुवन को वास्तव में चुनाव आयुक्त के रूप में बिहार भेजा जाता है जो अपने अधिनीतियाओं के साथ बिहार की यात्रा करता है। राम अपने परिवार और सीता के साथ मंदिर जाने के लिए गुजरात पहुंचता है। जब भुवन बिहार पहुंचता है तो उन्हें पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास ले जाया जाता है। भुवन राम को बुलाता है जो हवाई अड्डे पर था। राम मौके पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है और अकेले ही 300 लोगों को मार डालता है। तो इसमें लॉजिक वाली बात आपको लगता है। सो ये है कहानी के अंदर कुछ चीजें जो कि कहानी से आपको ऑलरेडी पता तो चली गया होगा। हालांकि मैं कहानी को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जिसको मैं एक्सेप्ट कर ही रहा हूँ, पर डेफिनेटली इसके ऊपर मैं काम करता हूँ और डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि दिन ब दिन चीजों को मैं इम्प्रूवमेंट करने की जरूर ट्राई करता हूँ। तो खैर उसके ऊपर बात जरूर करेंगे। जहाँ उसे पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास ले जाया जाता है। लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें राजा भाई भुवन को चाकू मार देता है और राम राजा भाई को गंभीर रूप से घायल कर देता है जिससे वह कोमा में चला जाता है। भुवन अपनी चोटों के कारण दम तो देता है जिससे राम और उसके भाई तबाह हो जाते हैं। वर्तमान में गायत्री यह जानकर तबाह हो जाती है और राम से कहती है कि वह उसे भुवन की चिंता पर और बाद में राजा भाई के पास ले जाया और राजा भाई कोमा से ठीक हो जाते हैं और गायत्री उसे राम से लड़ने की चुनौती देती है। राम राजा भाई के गुड़गे से लड़ता है और जल्द ही एक पेड़ से जुरी तलवार से राजा भाई का वो कर देता है। इसी तरह भुवन की मौत का बदला ले लेता है। राम और सीता अपने परिवार के साथ फिर से मिलते हैं। तो दोस्तों फिल्म की जो एक्चुअल कहानी है यही कहानी है जो कहानी में है। ऑलरेडी सभी चीजों को मैं विस्तार से आप सभी को बता चुका हूँ। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसके कहानी को एक्सप्लेन करने के बाद और ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर बात तो डेफिनेटली करेंगे ही। तो लाइक सबसे पहले बात करते हैं कियारा आडवाणी एंड
एक्टर राम की, जो कि आप सभी को पता है कि उनकी फिल्म रिलीज होने जा रही है, आई थिंक इसी साल लाइक इसी महीने रिलीज की जाएगी, अक्टूबर का महीना उन्होंने ऑलरेडी रखा हुआ, और ऑब्वियसली जिसका कि टाइटल को भी कंफर्म कर दिया, जो कि टाइटल के बारे में बात करते हैं तो गेम चेंजर फिल्म का टाइटल का नाम है, और आई थिंक RR के बाद रामचरण की एक भी फिल्म में रिलीज नहीं हुई है, एंड इस फिल्म के साथ लाइक कमबैक करने जा रहा, आई थिंक 2 साल तो हो गए होंगे शायद, तो 2 साल हो गए लाइक हो गए होंगे। और इसके अलावा अगर बात कर रामचरण की अपकमिंग प्रोजेक्ट की, तो आई थिंक इस फिल्म के बाद ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट को ऑलरेडी लाइक साइन कर चुके हैं जहाँ तक मुझे लगता है, हालांकि इसके बारे में नहीं पता कि कौन कौन से प्रोजेक्ट में उन्होंने लाइक अभी साइन किया हुआ, कौन कौन सी उनकी वो फिल्म अभी करेंगे तो डेफिनेटली उसके बारे में नहीं पता, पर इतना पता है कि ऑलरेडी गेम चेंजर में है, उसके बाद और फिल्में करेंगे कि नहीं, कौन से डायरेक्टर के साथ आ रहे इसके बारे में नहीं पता डेफिनेटली, अगर मुझे पता भी होगा तो किसी और वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो खैर आज के ऊपर बात करते हैं, गेम चेंजर के ऊपर बात करते हैं एंड कोलैबोरेशन के ऊपर भी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टर राम की अगर बात करें तो आप सभी को बताया कि उसका नाम कोनेडिला रामचरणी है, जो कि फिल्म में भी एक्चुअली नाम को यूज किया गया था, तो खैर वो अलग बात है, एक फैक्ट्स है उस फिल्म के साथ आप लाइक रख सकते हो, अगर आपको फैक्ट लगा तो उसको आप काउंट कर सकते हो। तो ये है, सो बात करें कोलैबोरेशंस की, कैर अडवाणी एंड रामचरण की अगर बात करें दोनों की कोलैबोरेशन की, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि फर्स्ट कोलैबोरेशन उनका असफल रहा है, और जिस हिसाब से उनको कलेक्शन करना था, जिस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर वो फिल्म चलनी थी, हालांकि वो फिल्म चल नहीं पाई थी, पर डेफिनेटली मुझे जहाँ तक लगता है कि वो फिल्म जैसा तो इस फिल्म के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शंकर डायरेक्टर है और शंकर डायरेक्टर है तो इसमें भी बातें किया जा सकता है, बिकॉज आप सभी को दागे शंकर के जो फिल्म आई थी रिसेंटली इंडियन 2, आप सभी को पता कि कितनी बड़ी वो फिल्म डिजास्टर फिल्म साबित हुई है बॉक्स ऑफिस पर, एंड फिल्म का कॉन्सेप्ट स्टोरी लोगों को पसंद ही नहीं आई थी, लेकिन उस फिल्म से लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था काफ़ी अलग लेवल का था, पर वो फिल्म उस एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतर पाई है, पर ऑडियंस लेवल पर एटलीस्ट होप कर रहे कि डेफिनेटली इंडियन 3 लोगों के जो एक्सपेक्टेशन है एटलीस्ट उस एक्सपेक्टेशन पर वो फिल्म खरीद रहे, तो ऑडियंस तो ये एक्सपेक्ट कर रहे। लेट्स सी फिल्म का जो ट्रेलर, इंडियन 3 का जो ट्रेलर है ऑलरेडी रिलीज करवा दी गई थी, तो डेफिनेटली मुझे जहाँ तक लगता है कि क्या ये था इस फिल्म की लाइक कहानी, तो इससे भी आपको पता चले गया होगा। पर फिल्म को आज के टाइम के हिसाब से अगर बात करें हिंदी ऑडियंस की, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हिंदी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा इस फिल्म को देखते हैं, खासकर यूट्यूब पर सर्च वगैरह काफ़ी अच्छे हैं एंड इस फिल्म को अभी भी देखते हैं, तो आपको पता है कि फ्लॉप फिल्मों को लाइक हिंदी ऑडियंस का खासकर यूट्यूब पर भी देखते हैं, एंड इसका रीज़न एक ही है कि रामचरण का फैन फॉलोइंग, जैसे उसी के फैन फॉलोइंग के तौर पर देखते हैं, भले फिल्म खराब हो नहीं हो पर फिल्म को लोग ऑडियंस देखते हैं, क्योंकि इस फिल्म के जो एक्शन थे वो काफी ज्यादा वायरल भी हुए थे, तो जिसके चलते ऑडियंस फिल्म को अभी भी देखते हैं और काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म को लोग देखते भी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात कहूँगा, अगर लोग अगर फ्लॉप फिल्म से एंटरटेन हो रहे तो उसमें क्या है। सो ये है, तो फिल्म को डायरेक्ट किया था बोयापति शिनू ने, जिसको कि लिखा है जॉय कृष्ण ने, टीची ने, जय बोयापति शिनू ने फिल्म के स्क्रीन प्ले को लिखा है, डायलॉग्स को एम रत्नम ने लिखा है, फिल्म की स्टोरी डेफिनेटली बोयापति शिनू की स्टोरी से लेकर आइडिया लेवल की उन्हीं की है, जिसको कि प्रोड्यूस किया हुआ दीदी सॉरी DVV धनिया ने, और जहाँ पर आपको इस फिल्म में सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलेगी आर्थर, ये विलियम की फिल्म क्रेडिट किया था उसको कोटागिरी वेंकटेश राव ने, एंड देवी श्री प्रसाद की बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक कंपोजिंग किया हुआ, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर भी इस फिल्म में काम किया है। इस फिल्म को DB एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन बैनर के थ्रू फिल्म को बनाया, फिल्म को रिलीज किया था 11 जनवरी 2019 को, फिल्म का रन टाइम है 144 मिनट, जिसको की तेलुगु के अलावा डब्ड वर्जन में भी रिलीज किए गए थे तमिल एंड मलयालम में, एंड जिसकी कलेक्शन की अगर बात करें, हालांकि फिल्म का बजट तो काफी लाइक है, जो की बजट के ऊपर वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्म के कलेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो फिल्म के जो कलेक्शन है एंड जो मैं कलेक्शन बताने जा रहा हूँ, ये कलेक्शन एस्टिमेटेड कलेक्शंस हैं, एंड फिल्म ने कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर या फिर फिल्म की लाइफ टाइम कलेक्शन यही मानी जाएगी, जो कलेक्शन किया हुआ है 63 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर, तो ये ध्यान में जरूर रखिएगा। हाँ, कलेक्शन के बारे में वीडियो के आखिरी में बात करेंगे, क्योंकि इसका रीजंस मैं आपको बताऊंगा, हालांकि रीजंस क्या है जो कि ऑलरेडी फैंस के द्वारा एक पॉलोजी लेटर लाइक एक्टर ने खुद ही जारी किया गया था, तो ये था, फिर भी बात करेंगे उसके ऊपर जब बजट के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो ट्राई करूंगा कि खुल के चीज़ों को मैं आप सभी से शेयर करूं। सो फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बात करते हैं, पूरी कास्टिंग के ऊपर बात करते हैं, कैरेक्टर के ऊपर बात करते हैं, परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात करते हैं, तो चलिए
रामचरण, कियारा अडवाणी, विवेक ओबेरॉय, प्रशांत एंड इसके साथ ही स्नेहा, आर्या राजेश, मुथुमिता, रवि वर्मा, हिमांजा, मधुसूदन, परवीन, मुकेश ऋषि, हरीश उत्तम, महेश मांजरेकर, तलपति राव, जयप्रकाश, सलीम बायग, हेमा, पृथ्वीराज, जीवी सुधाकर नायडू, प्रियदर्शनी राम एंड ईशा गुप्ता। एंड कैरेक्टर की अगर बात कर, रोल की अगर बात करें तो राम आपको इस फिल्म में जय कोनीडेला राम के रोल में नजर आएंगे, कियारा अडवाणी आपको इस फिल्म में कोनीडेला सीता के रोल में नजर आएंगी, विवेक ओबेरॉय आपको इस फिल्म में राजा भाई मुन्ना के रोल में नजर आएंगे, प्रशांत आपको इस फिल्म में एज ए कोडीला का भुवन कुमार के रोल में नजर आएंगे, स्नेहा आपको इस फिल्म में कोराडीला का गायत्री देवी के रोल में नजर आएंगी, आर्यन राजेश आपको इस फिल्म में कोडाली का शेखर के रोल में नजर आएंगी, मनोमिता शेखर के वाइफ का रोल प्ले कर रहे, रवि वर्मा आपको इस फिल्म में कोडाली का राजू के रोल में नजर आएंगे, हिमांशा आपको इस फिल्म राजू के वाइफ के रोल में नजर आएंगे, इसके साथ ही मधुसूदन आपको इस फिल्म रामू का फोर्थ ब्रदर के रोल में नजर आएंगे, परवीन एज ए सैलेजा के रोल में नजर आएंगे, मुकेश ऋषि एज ए पांडियम परशुराम के रोल में नजर आएंगे, हरीश उत्तम इस फिल्म में बेलम बालराम के रोल में नजर आएंगे जो कि परशुराम के ब्रदर इन लॉ हैं, मुकेश ऋषि आपको इस फिल्म में महेश मांजरेकर आपको इस फिल्म में चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार के रोल में नजर आएंगे, चलपति राव इस फिल्म में कोडाली के सुब्रमण्यम के रोल में नजर आएंगे, जयप्रकाश चीफ मिनिस्टर ऑफ बीपी के रोल में नजर आएंगे, सलीम बेग आपको इस फिल्म में रेजी सिंह के रोल में नजर आएंगे, हेमा माधवी के रोल में नजर आएंगे, इसके साथ ही पृथ्वी राज आपको इस फिल्म में धर्मेंद्र के रोल में नजर आएंगे, जीवी सुधाकर नायडू राजा मुन्ना भाई के रोल में नजर आएंगे, इसके साथ ही प्रियदर्शन राम इनकाउंटर स्पेशलिस्ट शंकर के रोल में नजर आएंगे, ईशा गुप्ता का शरण्य के तौर पर उनका स्पेशल अपीयरेंस रखा हुआ है और एक तरह से आप एक्सटेंडेड कैमियो भी कह सकते हो। एंड परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो डेफिनेटली फिल्म के स्क्रिप्ट के हिसाब से, डायरेक्टर के हिसाब से जो परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो उनमें भी आप डेफिनेटली क्रिटिसाइज करोगे, यहाँ तक कि लीड एक्टर की मैं बात करूँ, यहाँ तक कि हीरो की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी परफॉर्मेंस में भी आपको लाइक कुछ ना कुछ कमियां आपको जरूर नजर आएगी। हालांकि कमियां की अगर बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर डायरेक्टर ने ही उस तरीके से आपसे परफॉर्मेंस निकलवाई है जो कि इसमें एक्टर का कोई दोष है नहीं, क्योंकि डायरेक्टर ने जिस हिसाब से सीन्स को उन्होंने कहा उसी हिसाब से किया, उसी हिसाब से परफॉर्मेंस उन्होंने दिया हुआ। तो ये है, हालांकि परफॉर्मेंस की अगर बात करें ओवरऑल एवरेज आपको नजर आएंगे यहाँ तक के लिए डायरेक्टर की, बिकॉज फिल्म में रिएक्शंस ओवर द टॉप किए गए, परफॉर्मेंस ओवर द टॉप्स हैं, लाइक वो फिल्म देखने पर वो आपको आइडिया मिल ही जाएगा कि हालांकि क्यों कह रहा हूँ। एंड सभी की परफॉर्मेंस आपको ओवर द टॉप ही नजर आएंगे, कुछ कुछ जगह तो आपको काफी क्रिंज आपको फील होगी कि यार क्या हो रहा है, इतने बड़े एक्टर है, इतने बड़े एक्टर क्या हो रहा है फिल्म में, तो ऐसा फील होगा। एंड यही कारण है कि वेदशिनु की हालांकि एक ही फिल्म में उनकी हिट हुई है, ब्लॉकबस्टर हुई है, पर सभी फिल्में उन्होंने जितनी भी फिल्में उन्होंने किया हुआ है सभी फिल्में फ्लॉपी हुई है। एंड इसका रीजन है कि आउटडेटेड कहानी एंड वही पुरानी जैसी फिल्मों को बनाते थे उसी हिसाब से वो फिल्मों को अभी भी बना रहे, उसी वे में बना रहे, जो कि ऑडियंस इस चीज को अब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि चीजों को काफी ज्यादा रियल रखना भी होना चाहिए। एंड लाइक होता है चीजों को लाइक उस टाइम की फिल्में वो चल जाती है, हाँ ऐसा नहीं कि फिल्में नहीं चलती पर थिएटर्स में नहीं चलती, पर उसी फिल्मों को अगर यूट्यूब पर या फिर टीवी पर रिलीज करवाते तो ऑडियंस देखते हैं, क्योंकि उस तरह की फिल्में यूट्यूब एंड टीवी पर ही देखने का जो अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है, वही अगर आप थिएटर्स में फिल्म को देखने नहीं जाते ऑडियंस, तो ये है, तो ये कारण है। बाकी ज्यादा इसके बारे में क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, हाँ किसी और दिन अगर होगा तो डेफिनेटली बात करेंगे। हालांकि कियारा अडवाणी एंड यहाँ पर बात करें रामचरण की, फिर से उनकी कोलैबोरेशन होने जा रही है, तो देखते हैं कि उनका जो फर्स्ट कोलैबोरेशन आई थिंक इस फिल्म के साथ ही हुई है, तो डेफिनेटली देखना होगा कि उनकी सेकंड कोलैबोरेशन कैसी रही। हालांकि फर्स्ट कोलैबोरेशन उनकी तो काफी बड़ी फ्लॉप रही है, तो इसके ऊपर भी वीडियो में आगे चलकर डेफिनेटली थोड़ी बहुत उसके ऊपर भी चर्चा तो करूंगा ही, चर्चा करने का मन है। फिल्म की प्री प्रोडक्शन के ऊपर आते तो ऋषि पंजाबी ने वर्क किया था भोयवती शून्य के साथ सरन एडवाइन जाय जानकी नायिका फिल्म में, एन एन एस ने सिनेमाटोग्राफर के तौर पर उन्होंने शॉर्ट्स भी किए थे, हाफ में किए गए थे पर बाद में हाफ में उनको बाहर कर दिया गया था। एज पर रिजल्ट के हिसाब से विलियमसन को पूरी पोर्शन को कम्प्लीट किया गया था, लाइक हाफ ही उनके द्वारा किया था, हाफ के बाद आर्थर विलियमसन के द्वारा किया गया था, आई थिंक क्रिएटिव डिफरेंस के चलते मे भी हुआ होगा। इसके साथ ही फोर्थ कोलैबोरेशन हुआ प्रोफेशन एंड एंड डेमो फिल्म में, इसके साथ ही आल्सो रिटन किया था तो तमिल एक्टर प्रशांत ने जो कि तेलुगु फिल्म में नियरली 25 बाद उन्होंने किया हुआ था कमबैक, तो ये था। एंड ज्यादा फिल्म की प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में जानकारी नहीं है और इसका मेन रीजन है कि फिल्म फ्लॉप हुई है। बाकी अगर फिल्म अगर बॉक्स ऑफिस
इस पर अच्छा कमाई करता है, अगर अच्छा होता तो डेफिनेटली और भी आपको इस फिल्म के बारे में डिटेल्स आपको डेफिनेटली पता चल जाता, कि मुझे अगर पता चलता तो डेफिनेटली मैं आपको तो शेयर तो करूंगा ही, ऑब्वियसली बात है। ना ही पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में, ना ही प्री प्रोडक्शन के बारे में, जो था ऑलरेडी मैं आप सभी को तो बता ही चुका हूँ, ना ही फिल्मिंग के बारे में ज्यादा जानकारी दी है कि फिल्मिंग शूटिंग कहाँ कहाँ करवाई गई है, रैप अप कब हुई है, कौन से लोकेशंस में लाइक कहाँ का कौन से लोकेशन में शूट किए गए थे, लाइक सेट क्रिएट कहा गया है, तो इन सभी की डिटेल्स अभी भी अधूरी है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर पता चलेगा जो कि सिनेमाटोग्राफर के तौर पर है, जो कि सिनेमाटोग्राफर जय जागे फिल्म में काम किया था सिनेमाटोग्राफी तौर पर, और इस फिल्म में भी फिल्म का हाफ कम्प्लीट किया था उनके द्वारा, पर उनको बाहर कर दिया गया था शेड्यूलिंग के चलते, यही तो बताया था, शेड्यूलिंग के चलते ही बताया वो, बाकी इसका मेन रीजन क्या तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी को यहाँ पर आर्थन विलियम्स ने कंप्लीट किया, जो कि आपको बता चुका हूँ। फिर से डिटेल के साथ सभी चीजों को बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको, हालांकि आप समझ ही जाते हो, पर मैं दोबारा बता देता हूँ लाइक फिर से लाइक रिपीटर के तौर पर, ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर चुका चीजों को। एंड ट्रैक की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 5 है। टाइटल के लिरिक्स के बारे में ऑलमोस्ट यहाँ पर श्री मनी ने सभी गाने को लिखा है। लिरिक्स गाने को गाया एमएल कार्तिकिया, जसप्रीत, देवीश्री प्रसाद, सिम्बा एंड कला भैरवा ने। लेंथ वगैरह की बात करें, एक्चुअली टोटल लेंथ के ऊपर बात करते हैं, तो जो टोटल लेंथ है 20 मिनट 23 सेकंड है। एंड दोस्तों अगर बात करें फिल्म की, मलयालम एंड यहाँ पर तमिल ट्रैक को भी लाइक लिए गए, लाइक गाने वगैरह को डब किए गए थे। एंड ऑलमोस्ट अगर बात करें तमिल वर्जन में कुछ सेकंड ज्यादा है, एंड उसी तरह मलयालम की अगर बात करें, एल्बम की अगर बात करें म्यूजिक की, तो उनमें 18 मिनट के आसपास है, तो मे भी गाने वगैरह को ट्रिम किए गए होंगे या फिर गाने वगैरह को कम किया गया था, मे भी इसके बारे में नहीं पता है। पर जाहिर सी बात है, इतनी फ्लॉप फिल्मों को रिलीज किया गया था, सो क्या मेकर्स को कॉन्फिडेंस था, पर हुआ नहीं। सो फिल्म को विनैया रामा फिल्म को रिलीज किया था वर्ल्ड वाइड 11 जनवरी 2019 को, और संक्रांति के वीकेंड को ही टारगेट करके मूवी को रिलीज किया गया था। एंड चलिए कुछ क्रिटिक्स एंड ऑडियंस के रिएक्शंस के ऊपर भी बात कर लेते, रिव्यू के ऊपर भी बात कर ही लेते। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को 1 out of 5 star की रेटिंग दी है, इंडिया टुडे ने इस फिल्म को 2 out of 5 star की रेटिंग दी है, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 1 out of 5 star की रेटिंग दी है, हिंदुस्तान टाइम्स ने इस फिल्म को 0.5 out of 5 star की रेटिंग दी है इस फिल्म को, फर्स्ट पोस्ट ने इस फिल्म को 1 out of 5 star की रेटिंग दी है। तो ये ओवरऑल क्रिटिक रिएक्शन है, उनकी तरफ से रेटिंग दी है, तो डेफिनेटली इसे भी आइडिया आपको हो ही गया होगा। एंड हालांकि मैं आपको नहीं बात करूं तो मैंने इस फिल्म को एक्चुअली याद नहीं है कि देखा कि नहीं, जहां तक मुझे लगता है कि फिल्म को नहीं देखा हुआ है अभी भी, अगर देखा भी है तो स्किप करके देखा हुआ है। तो ये है, हालांकि अच्छी फिल्मों को मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूं, तो आप समझ सकते हो कि हाँ अगर ये फिल्म कभी टीवी पर मैं आता है तो डेफिनेटली देख लूंगा, या फिर इस फिल्म को अगर यूट्यूब पर रिलीज करवाता है, अगर मुझे टाइम मिलता है तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा, उसके बाद मैं आपको अपना प्रॉपर ओपिनियन मैं आपको दूंगा। हालांकि ओपिनियन क्या देना, जो कि ऑलरेडी जो डिटेल्स ही ऑलरेडी मैं आप सभी को बता ही चुका हूं, एंड जो चीजें के ऊपर मैं इन सभी के ऊपर जो बातें कर रहा हूं, तो डेफिनेटली ऑडियंस के रिव्यूज, उनके रिएक्शंस, क्रिटिक के आर्टिकल्स एंड कलेक्शन से भी डेफिनेटली आपको आइडिया मिल ही जाता होगा। एंड यहां तक कि डायरेक्टर के बारे में अगर आप जाने माने डायरेक्टर, तो उसके बारे में भी एटलीस्ट आपको पता ही होता है, एक्टर पॉपुलर है तो उस डेफिनेटली उसके बारे में पता ही होता है कि क्या है क्या नहीं है। उससे पहले कहानी के ऊपर बात करते हैं, उसके ऊपर कुछ चीज़ों के ऊपर डिटेल के साथ विस्तार से हम बात करेंगे, लाइक रामचरण की जो उनकी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो रिलीज होने जा रही है, जिसमें कि लीड में KR अडवाणी ही नजर आएंगे, तो उसके ऊपर बात करेंगे। एंड डायरेक्टर के ऊपर बात करेंगे, और शायद बजट के ऊपर तो अभी भी बात नहीं किया, उसके ऊपर बात करेंगे। तो काफ़ी सारे चीज़ें जो कि अभी काफ़ी सारे मतलब बातें किया जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहानी के ऊपर बात करते हैं कि विनय या विदया रामा फिल्म में किस हिसाब से कहानी को दिखाया गया, क्या कहानी था, क्या वाकई कहानी बेकार है कि नहीं, वो आपको पता चल जाएगा। सो कहानी को एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में VVR भी कहते हैं, एंड विनय या विदया रामा फिल्म में जो स्टोरी या फिर फिल्म में जो कहानी दिखाई, ये कहानी दिखाई गई है कोनिडिल रामचरण उर्फ रामा एक शिशु है जिसे 4 भाइयों ने गोद लिया है, कोनिडिला, भुवन कुमार, शेखर राजू और मथुदाना। छोटी उम्र में राम को एक अपहरणकर्ता को मार देता है जो उन्हें मारना चाहता था, क्योंकि वह उसके अपराधों के गवाह बन गए थे। जब डॉक्टर कनेडला सुब्रमण्यन को इस बारे में पता चलता है, तो वह उन्हें अपने बच्चों की तरह पालने का फैसला करता है। सालों बाद राम अपने भाइयों एंड भाभियों और उनके
बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। वुबन अब मुख्य चुनाव आयुक्त है और वह राम शेखर राजू और मधुनंदन उसके अधीनस्थ है। बाद में राम को महिला अधिकार कार्यकर्ता पप्पी की बेटी सीता से प्यार हो जाता है और जल्दी उनकी सगाई हो जाती है। एंड बलेम बलराम एक महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ है जो भुवन की रिश्वत देने की कोशिश करता है क्योंकि भुवन ने उसका काला धन जब्त कर लिया था। हालांकि भुवन मना कर देता है जिससे बलराम क्रोधित हो जाता है और उसको धमकाता है, लेकिन राम उसे मीडिया के सामने वापस धमकाता है। बलराम के साले पंडम परशुराम ने भुवन से माफी मांगने को कहा, लेकिन राम ने उसे धमकाया और पीटा। अपमानित होकर परशुराम इनकाउंटर स्पेशलिस्ट शंकर के पास जाता है और शंकर राम के परिवार को बंधक बना लेता है। राम परशुराम से माफी मांगने के लिए मौके पर पहुंचता है, लेकिन तानाशाह राजा भाई द्वारा भेजे गए बिहार के गुंडे का सामना करता है। सभी को मारने के बाद गायत्री देवी राम की बड़ी भाभी और भुवन की पत्नी राम ने घटनाओं के बारे में पूछा। पत्नी अतीत में भुवन को वास्तव में चुनाव आयुक्त के रूप में बिहार भेजा जाता है जो अपने अधिनीतियों के साथ बिहार की यात्रा करता है। राम अपने परिवार और सीता के साथ मंदिर जाने के लिए गुजरात पहुंचता है। जब भुवन बिहार पहुंचता है तो उन्हें पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास ले जाया जाता है। भुवन राम को बुलाता है जो हवाई अड्डे पर था। राम मौके पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है और अकेले ही 300 लोगों को मार डालता है। तो इसमें लॉजिक वाली बात आपको लगता है। सो ये है कहानी के अंदर कुछ चीजें जो कि कहानी से आपको ऑलरेडी पता तो चली गया होगा। हालांकि मैं कहानी को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जिसको मैं एक्सेप्ट कर ही रहा हूँ, पर डेफिनेटली इसके ऊपर मैं काम करता हूँ और डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि दिन ब दिन चीजों को मैं इम्प्रूवमेंट करने की जरूर ट्राई करता हूँ। तो खैर उसके ऊपर बात जरूर करेंगे। जहाँ उसे पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास ले जाया जाता है। लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें राजा भाई भुवन को चाकू मार देता है और राम राजा भाई को गंभीर रूप से घायल कर देता है, जिससे वह कोमा में चला जाता है। भुवन अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है, जिससे राम और उसके भाई तबाह हो जाते हैं। वर्तमान में गायत्री यह जानकर तबाह हो जाती है और राम से कहती है कि वह उसे भुवन की चिंता पर और बाद में राजा भाई के पास ले जाया और राजा भाई कोमा से ठीक हो जाते हैं और गायत्री उसे राम से लड़ने की चुनौती देती है। राम राजा भाई के गुड़गे से लड़ता है और जल्द ही एक पेड़ से जुरी तलवार से राजा भाई का वो कर देता है। इसी तरह भुवन की मौत का बदला ले लेता है। राम और सीता अपने परिवार के साथ फिर से मिलते हैं। तो दोस्तों फिल्म की जो एक्चुअल कहानी है यही कहानी है जो कहानी में है। ऑलरेडी सभी चीजों को मैं विस्तार से आप सभी को बता चुका हूँ। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसके कहानी को एक्सप्लेन करने के बाद और ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर बात तो डेफिनेटली करेंगे ही। तो लाइक सबसे पहले बात करते हैं कियारा आडवाणी एंड एक्टर राम की, जो कि आप सभी को पता है कि उनकी फिल्म रिलीज होने जा रही है। आई थिंक इसी महीने रिलीज की जाएगी। अक्टूबर का महीना उन्होंने ऑलरेडी रखा हुआ और ऑब्वियसली जिसका कि टाइटल को भी कंफर्म कर दिया। जो कि टाइटल के बारे में बात करते हैं तो गेम चेंजर फिल्म का टाइटल का नाम है और आई थिंक तो जी हाँ। सो BVR यानी कि विनय विजय रामा फिल्म को मैंने डिटेल के साथ रिव्यू किया हुआ एंड कहानी को एक्सप्लेन किया, बजट कलेक्शन के ऊपर बात की, रिलीज डेट वगैरह के ऊपर डिस्कस किए। सो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और रामचरण की अपकमिंग फिल्मों के ऊपर भी बात की है एंड क्या है क्या नहीं उसके ऊपर भी डिटेल के साथ बात किया हुआ है। सो ये है एंड और भी डायरेक्टर शंकर के ऊपर भी काफ़ी सारे चीज़ों के ऊपर बात की है, जी सूर्य के ऊपर भी बात की। तो कम्प्लीटली इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारे डिटेल को शेयर किया हुआ है एंड अपडेट्स को भी मैंने बताया हुआ है। सो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी एडिट का काम बाकी है, लाइक सारे शौक से ऊपर ही हो चुके हैं तो वीडियो भी एडिट करना है आपको, सभी को भी वीडियो को भी देना है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को नहीं सब्सक्राइब करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें।